मेरे प्यारे बेटे, तुम्हें तो पता ही है मैं अपने पुरखों से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की हॉबी रखता हूं। उनकी बातें, उनके सजेशंस सभी को एक ब्लेसिंग मानकर चलता आया। लाइफ के हर एक मोमेंट में मैं उनको अपना आदर्श मानकर याद करता हूं। आज जब मैं अपने देश में बैठे अपने रिटायरमेंट को एंजॉय कर रहा हूं, चाहता हूं कि तुम्हारे लिए अपने जीवन की कहानियां लिखो, जो पॉवर्टी और आइसोलेशन के अंधेरे से निकलकर देश के एक इन्फ्लुएंशियल और रिस्पेक्टेड सिटीजन बनने तक का सफर है। मेरे अंकल के ऊपर पड़े मेरे इस नाम बेंजामिन फ्रैंकलिन को पूरे देश में फेमस करने का सफर, घर के सबसे छोटे बेटे जिसे घर के डिस्कशंस तक में बोलने का मौका नहीं मिला, कैसे वो एक मजबूत आवाज बन गया जिसे आज ना जाने कितने लोग सुनते और फॉलो करते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम भी इसे एक बेटे के पर्सपेक्टिव से हट कर देखो। अगर आज मुझे कहा जाए कि मेरी पूरी जिंदगी जैसी थी वैसी ही फिर से जीनी है तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। बस एक राइटर होने के नाते उसमें कुछ चीजों का तरीका बदलना चाहूंगा, पर अगर ये भी ना हो तो भी मुझे जरा सा भी अफसोस नहीं होगा। जिंदगी के उन गलत फैसलों और तरीकों को चाहे कितनी बार भी मौका मिले मैं सही नहीं करना चाहूंगा। आखिर मेरी गलतियां भी तो मेरा ही पार्ट है, मैं इन सभी चीजों से ही मैं हूं। इतना मजा, रोमांच और सेटिस्फैक्शन रहा है मेरे जीवन में कि उसे दोबारा एज इट इज जीना चाहूंगा। मैंने अपनी जिंदगी को इतनी जिंदा दिली से जिया है कि वापस उसे पेपर पर उतारने का ख्याल ही मुझे रोमांचित कर रहा है, पर कागज पर उतारने का काम भी मुझे सोच समझ कर करना होगा, क्योंकि जितने एक्साइटमेंट से मैं लिख रहा हूं मैं सिर्फ उम्मीद ही कर सकता हूं कि उतनी ही एक्साइटमेंट से कोई इसे पढ़ेगा। पर शुरू करने से पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि चाहे मैं कितना भी ट्राई कर लूं, मेरा ईगो या यूं कहें कि सेल्फ रिस्पेक्ट इसमें दिखी जाएगी। मैं हमेशा दूसरों के सेल्फ रिस्पेक्ट की इज्जत करते आया हूं। अगर सेल्फ रिस्पेक्ट एक हद तक हो तो उससे कितने भी मुश्किल टाइम को हराया जा सकता है, और अगर वो हद से बढ़ जाए तो बड़े से बड़े इंसान को भी छोटी समस्याओं के सामने झुकना पड़ता है। तो सेल्फ रिस्पेक्ट का सही हद में होना भी ईश्वर की कृपा से ही होता है। एक बार की बात है, मेरे चाचा ने मुझे एक किताब दी जिसमें मेरे पुरखों की लाइफ स्टोरीज थी। उन्होंने शायद मेरी आंखों में यह सब जानने की क्यूरियोसिटी देख ली होगी। वह बुक मेरे लिए किसी खजाने की तिजोरी जैसी थी जिसे खोलते ही सारा का सारा खजाना मेरी आंखों के सामने बिखर गया। हमारा परिवार 300 सालों से नॉर्थम्पटन शायर में एक्टोन में रहता था। उस समय फ्रैंकलिन कोई सरनेम नहीं था, समय के साथ उसे अपना लिया गया। हमारा मेन काम कारपेंटर का था जिसे मेरे पापा और अंकल ने भी कंटिन्यू रखा। मेरी क्यूरियोसिटी के चलते अब जब मैंने वहां की रजिस्टर चेक किया तब मुझे 1555 से लेकर अब तक की सारी जानकारी मिली, परिवार के सभी मेंबर्स के बर्थ, मैरिज और डेथ तक की। उस रजिस्टर को वहां के चर्च में रखा जाता था। इन सब में सबसे मजेदार बात यह थी कि मैं 5 पीढ़ियों में सबसे छोटे बेटे का सबसे छोटा बेटा था। जहां तक मुझे याद है मेरे दादाजी का जन्म 1598 में एक्टोन में ही हुआ था। उन्होंने अपने समय के अंत तक कारपेंटर का काम किया और रिटायरमेंट के बाद अपने बेटे जॉन के पास रहने चले गए। मैंने जब उनकी कब्र देखी तब 1658 का साल था। उनके जाने के बाद उनके सबसे बड़े बेटे थॉमस ने एक्टोन के उस पुराने घर में अपना जीवन बिताया, पर जब उन्होंने वो घर छोड़ा तब उनके इकलौते दामाद ने उसे बेच दिया और हमारा एक्टोन का घर हमारा नहीं रहा, किसी और का हो गया। बड़े बेटे की कहानी हमेशा इंटरेस्टिंग होती है। थॉमस मेरे दादाजी के सबसे बड़े बेटे होने के नाते कारपेंटर का काम बड़े अच्छे से किया करते थे। वहां के चर्च के प्रिंसिपल के मोटिवेशन की वजह से उन्होंने अच्छे से पढ़ाई की और अपने आप को एक क्लर्क की नौकरी के लायक बनाया। अपने गांव और नॉर्थ हैम्पटन के सारे सरकारी कागजी काम वही संभालते थे। यहां तक कि लॉर्ड हॉलीफॉक्स ने भी उनकी तारीफ की थी। अपने समय के एक रिस्पेक्टेड सिटीजन के रूप में उन्होंने अपना जीवन बिताया। उनकी मृत्यु 1702 की जनवरी 6 को हुई थी। यहां भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो दिन मेरे बर्थडे से 4 साल पहले और उसी महीने में पड़ता है, पता है?
तुमने मुझसे एक बार पूछा भी था कि मैं कहीं उनका पुनर्जन्म तो नहीं। उसके बाद आते हैं बेंजामिन अंकल, जिनके ऊपर मेरा नाम पड़ा। वो रेशम के कपड़े की रंगाई का काम करते थे, पर उसके अलावा उनकी और भी एक हॉबी थी जिसका असर मेरे ऊपर पड़ा, कविताएं लिखने की। वो एक अच्छे लीडर और रिफॉर्मर भी थे। उन्होंने मुझे चर्च का एक मजेदार किस्सा सुनाते हुए बताया था कि कैसे हमारा परिवार रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट के साथ शुरुआत से जुड़ा हुआ था और क्वीन मेरी के शासन काल तक इस मूवमेंट का साथ देते रहे। इस वजह से उन्हें कई प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ी, पर उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी। उन्होंने बताया कि कैसे होली बाइबल स्क्रू से एक लकड़ी के बॉक्स से जुड़ा था और परदादा जी बरसों तक उसको पढ़कर सबको सुनाया करते। उस टाइम पर घर का एक बच्चा दरवाजे पर रहकर पहरा दिया करता था, जैसे ही किसी अफसर को आते हुए देखता वो अंदर की तरफ इशारा करता और उसे देखकर परदादा जी बाइबल को उल्टा रख देते थे और किसी को कुछ पता भी नहीं चलता था। सबसे छोटे थे मेरे पिता जोसिया। उन्हें अपना देश छोड़ना पड़ा। उस वक्त रिलीजियस गैदरिंग करना क्राइम माना जाता था, तो मेरे पिताजी अपनी पत्नी और तीन बच्चों को लेकर 1682 में न्यू इंग्लैंड आ गए, जहां वो अपने रिलीजन को फ्रीडम के साथ फॉलो कर सकते थे। वहां उसी पत्नी से उनको चार और बच्चे हुए। उसके बाद उनकी दूसरी शादी हुई मेरी माँ यानी कि अबिया फ्लोजर से। वो पीटर फ्लोजर नामक एक फेमस व्यक्ति की बेटी थी, जिनको कॉटन माथेर ने अपने चर्च में अ रिलीजियस इंग्लिश मैन कहकर मेंशन किया था। उन्होंने बाप्टिस्ट और चर्च के फॉलोअर्स की ओर से कई आर्टिकल्स लिखे जो मैंने कई सालों बाद देखे। मुझे आज भी याद है कैसे हम 17 बच्चे एक ही डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाते थे, जिनमें से मैं सबसे छोटा था। 8 साल की उम्र में पिताजी ने मुझे ग्रामर स्कूल में भर्ती करवाया। वो मुझे चर्च की सर्विस में देना चाहते थे, पर उनके सारे दोस्त और मेरे अंकल के कहने पर उन्होंने मुझे पढ़ाना चालू रखा। लोगों का कहना था कि मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट बनूंगा। मेरे चाचा जी ने तो मुझे यह भी कहा कि वो अपने पोएट्री के सारे कलेक्शंस मुझे दे देंगे। ग्रामर स्कूल 1 साल का था, पर थोड़ी ही टाइम में मैं क्लास में सबसे पहले नंबर पर पहुंच गया। यहां तक कि साल के आखिर में मुझे अगले क्लास के लिए भेज दिया गया, पर मेरे पिताजी के कॉलेज के लिए विचार बदल गए। उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी कि वो कॉलेज की फीस भर सके। फिर उन्होंने मुझे ग्रामर स्कूल से निकालकर राइटिंग और अर्थमेटिक क्लास में डाल दिया। जॉर्ज ब्रोनवेल नाम के फेमस व्यक्ति उस क्लास को चलाते थे। उनकी मेथड से मैं राइटिंग में बहुत अच्छा हो गया, पर अर्थमेटिक मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया और पढ़ने का मन भी नहीं करता था। रिजल्ट ये हुआ कि मैं अर्थमेटिक में फेल हो गया। उसके बाद मेरी उम्र पढ़ने या खेलने की नहीं रही। 10 साल की उम्र में मैं पिताजी को हमारे बिजनेस में मदद करने लगा। वो वैक्स के कैंडल और साबुन बनाने का काम करते थे। इस बिजनेस से अभी हमारी इनकम नहीं हो रही थी, पर पिताजी को लगता था कि आने वाले समय में न्यू इंग्लैंड का बहुत बड़ा बिजनेस बनने वाला है। कैंडल की बाती काटना, उनके लिए मोल्ड बनाना वगैरह काम मुझे दिए जाते। मुझे इस काम में कभी इंटरेस्ट नहीं आया, पर पिताजी ने सख्त शब्दों में हिदायत दी थी कि यह काम मेरा ही है। काम करते वक्त भी मैं समुंदरों के ड्रीम्स में ही खोया रहता था। मेरा समंदर की तरफ एक अलग लगाव था और जब भी समय मिलता मैं वहां चला जाया करता। मैंने स्विमिंग बहुत छोटे उम्र में ही सीख ली थी और जब भी कोई नाव पड़ी मिलती मैं अपने दोस्तों के साथ समंदर की सैर के लिए निकल जाता। मैं नाव के आगे खड़े रहकर एक लीडर की तरह सब कुछ संभालता और मेरे दोस्त मेरे ऑर्डर्स फॉलो करते। सबको लेकर कभी कभी मैं शिप के स्क्रैप यार्ड में भी चला जाता। लीडरशिप के शुरुआती गुण मुझ में उसी वक्त से दिखने लगे। समंदर के पास एक छोटा सा तालाब था जिसमें पूरे साल पानी भरा रहता था। मैं और मेरे दोस्त वहां खड़े होकर छोटी मछलियां पकड़ा करते, पर वहां मुश्किल ये थी कि बीच में एक नाले को पार करके सामने की ओर जाना पड़ता था। एक लीडर की तरह मैंने प्रस्ताव रखा कि यहां पत्थरों से एक पुल बनाया जाए और मेरे दोस्त इस काम में लग गए। सामने की तरफ एक नया घर बन रहा था और उसमें यूज होने वाला पत्थर लाकर हम नाले में डालने लगे। देखते देखते पुल तैयार हो गया, फिर सबने एक दूसरे को वेल डन कहा। पर जैसे ही दूसरे दिन घर बनाने वाले वॉकर्स आए और उन्होंने हमारा ये कारनामा देखा, उन्होंने हम सबके पिताजी को बुलाया और हमारी पिटाई करवाई। वॉकर्स को वो ड्रामा देखकर बड़ा मजा आ रहा था।
दूसरों के लिए भले ही वो पुल कुछ काम का नहीं था, पर हमारे लिए तो बहुत मायने रखता था। बचपन के वो कारनामे उस वक्त कितने सही लगते थे, पर आज याद करने पर हंसी आती है और लगता है कि कितना परेशान किया था हमने सबको। अगर तुम्हें उस व्यक्ति के बारे में जानने की क्यूरियोसिटी हो जिसने हमारे 20 लोगों के फैमिली को पाला, तो बता दूं कि मेरे पिताजी एक बड़े कद और काठी के मजबूत शरीर वाले व्यक्ति थे। वो इंटेलिजेंट थे, ड्राइंग भी करते थे और म्यूजिक भी जानते थे। जब पूरे दिन के काम के बाद वो कभी वायलिन बजाते थे तो सभी सदस्य अपना काम छोड़कर उनको सुनने बैठ जाते थे। इन सब के साथ वो मशीनी कामों में भी आगे थे। वे सभी इंस्ट्रूमेंट को चलाना अच्छी तरह से जानते थे। इतनी सारी खूबियों के बावजूद भी उन्होंने कभी जॉब नहीं की। बड़ी फैमिली होने के बावजूद उन्होंने हमें पालने के लिए हमेशा बिजनेस को ही चुना। पर मैंने हमेशा देखा था कि उनके साथ मीटिंग करने हमेशा कोई ना कोई आता रहता। शहर के जरूरी काम या चर्च के कोई डिसीजन पर हमेशा उनकी एडवाइस ली जाती। उनके एडवाइस और दूरदृष्टि की लोग बहुत कदर किया करते थे। यहां तक कि कई बार लोग अपने पर्सनल कामों में भी उनकी राय लेने आया करते। कई बार लड़ाई और आपसी झगड़ों को सुलझाते हुए मैंने भी उनको देखा था। जब भी कोई उनको मिलने आता तो वो ट्रेंडिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात छेड़ते, या उनका तरीका था अपने बच्चों को सही और गलत और उनके बीच का अंतर बताने का। कौन सी चीज जरूरी है और कौन सी बस हमारी जिद या बातें भी उनकी उन बातों से क्लियर हो जाया करती थी। उनकी इस आदत की वजह से मेरी परवरिश ऐसी हुई कि मेरा ध्यान खाने से ज्यादा उनकी बातों में रहता। इसकी वजह से आज भी खाना खाने के केवल आधे घंटे बाद खाने में क्या खाया यह मुझे याद नहीं रहता। इन सब चीजों ने मेरे ऊपर बचपन से गहरा असर डाला और मेरी सोच बदल के रख दी। कैसे एक छोटे बच्चे के दिमाग में अपने लिमिट से बड़ा करने की सोच, एक स्टूडेंट के मन में डीप नॉलेज की सोच और दोस्तों के लीडर से पब्लिक के लीडर बनने की सोच ने जन्म लिया। मेरी मां और मेरे पिताजी का असर मेरे ऊपर ही नहीं बल्कि आसपास के लोगों पर भी बहुत गहरा असर था। उनके पास कोई बड़ा घर या प्रॉपर्टी तो नहीं थी, था तो 13 बच्चों और 7 पोते पोतियों का प्यार और उन्हें संस्कार से पालने का अनुभव। उन दोनों के शरीर को बोस्टन में एक दूसरे के पास ही दफनाया गया था। उसके ऊपर कई सालों बाद मैंने मार्बल का पत्थर लगवाया जिस पे लिखा था जोसिया फ्रैंकलिन और उनकी पत्नी आबिया। दोनों ने 55 साल वेडलॉक में एक दूसरे के साथ निभाया। अपनी मेहनत और भगवान की ब्लेसिंग्स से उन्होंने अपनी इतनी बड़ी फैमिली को पाला। जेसिया एक रिलीजियस और इंटेलिजेंट इंसान थे और अबिया उनकी कल्चर्ड पार्टनर थी। उनके सबसे छोटे बेटे की ओर से ढेर सारा प्यार। आज भी मेरे आंखों के सामने वो जगह साफ साफ दिखाई देती है। खैर, अगर मैं अपने बचपन की बातों पर वापस आऊं तो मैंने 2 साल तक पिताजी के बिजनेस में उनका साथ दिया, यानी कि मेरी 12 साल की उम्र तक। अब मेरे पास ऑप्शन था कि मुझे आगे क्या करना है। मेरा बड़ा भाई जॉन, जो रोड आइलैंड में अपनी पत्नी के साथ अलग से रहता था, उसका ये कैंडल का बिजनेस अच्छे से चल रहा था। अगर मैं पिताजी का ये काम आगे बढ़ाता तो मुझे जॉन को रॉ मटेरियल सप्लाई करने का काम आसानी से मिल जाता, पर पिताजी जानते थे कि मुझे ये काम अच्छा नहीं लगता। मेरा समंदर के लिए लगाव और जुनून देख उन्होंने मुझे सब कुछ छोड़कर उसके लिए मोटिवेट किया। वो मुझे कई बार साथ ले जाते और रास्ते में पड़ने वाले वॉकर्स का कभी ईंटों का काम तो कभी पाइप का काम रुक कर दिखाया करते। उनका सिखाने का तरीका भी सबसे अलग और दिलचस्प था। इन सब से मुझे कई काम करने की टेक्निक और उनके इंस्ट्रूमेंट्स के यूज का पता चल गया। उससे मुझे 2 फायदे हुए। एक तो जब भी घर में कोई छोटा रिपेयरिंग का काम हो तो उसे मैं ही कर देता और बाहर से किसी वर्कर को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती, और दूसरा फायदा पर्सनल था। मैं अपने एक्सपेरिमेंट के लिए छोटी मशीनें खुद ही बना लिया करता था। घर में सबको यही लगता था कि मैं बस खेलता रहता हूं। पिताजी ने एक दिन मुझे मेरे बेंजामिन अंकल का बेटा सैमुअल, जो बोस्टन में चाकू और दूसरे साधन बनाने का काम करता था, उसके पास भेजने का फैसला कर ही लिया।
मुझे दूसरे शहर में जाकर कुछ अलग ही लगा, पर यह भी ज्यादा दिन तक नहीं चला। जब पिताजी को पता चला कि सैमुअल इस काम को सिखाने के लिए मुझसे फीस मांग रहा है, उनको यह बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने मुझे वापस बुला लिया। इन सब के साथ मुझे किसी और शौक ने भी जकड़ लिया था, पढ़ाई के शौक ने। जो भी थोड़े बहुत पैसे मेरे पास बचते, मैं उसे बुक्स में लगा देता। मेरे पास जॉन बुनियान की बुक्स का कलेक्शन था, जिसको पढ़ने के बाद मैंने बेच दिया और उन पैसों से दूसरा कलेक्शन खरीद लिया, जो था आर बार्टन का हिस्ट्री कलेक्शन। मेरा बुक्स के लिए पागलपन मुझसे कुछ भी करवा सकता था। इन सब में सबसे ज्यादा जिसने मुझे इंप्रेस किया था वो बुक्स ही थी, द फॉय की एसे ऑन प्रोजेक्ट और डॉक्टर माथेर की एसेस टू डू गुड। इन दोनों बुक्स का मेरे आने वाले जीवन पर गहरा असर भी पड़ा। बुक्स में मेरा इतना इंटरेस्ट देख मेरे पिताजी को एक और ख्याल आया, जो था मेरे लिए प्रिंटर बनाने का। 1717 का साल था जब मेरा भाई जॉन इंग्लैंड से प्रेस और कुछ लेटर्स लेकर बोस्टन आ गया। उसने बताया कि वो यहाँ अपना प्रिंटिंग हाउस सेट करना चाहता है। मेरे पिताजी से ज्यादा मुझे खुशी हुई कि अब मुझे बहुत सारी बुक्स पढ़ने को मिलेंगी, पर मेरा समंदर की ओर लगाव मुझसे अभी भी कुछ और मांग रहा था, किसी और रास्ते पर चलने की गुहार लगाए जा रहा था। मेरे पिताजी ने एक आइडिया लगाया और मुझे इस प्रिंटिंग के बिजनेस से बांध दिया। सिर्फ 12 साल की उम्र में मुझसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया गया कि मुझे इस प्रिंटिंग में 21 साल तक की उम्र तक अप्रेंटिस करनी है और आखिरी साल में ही मैं बाहर घूमकर काम कर सकता हूं। थोड़े ही टाइम में मैं इस काम में एक्सपर्ट हो गया और मेरे भाई का एक इंपॉर्टेंट असिस्टेंट बन गया। बुक्स बेचने और खरीदने वाले लोगों के साथ मेरी दोस्ती भी बढ़ने लगी। अब मैं छोटी किताबें वापस करने की शर्त पर उनसे मांग सकता था। कितनी ही ग्रेट और फेमस किताबें मैंने सिर्फ एक रात में पढ़ी हैं, क्योंकि दूसरी सुबह मुझे उसे लौटाना होता था। उसी टाइम एक इंसिडेंट की वजह से मेरे अंदर का कवि जाग उठा। वो मजेदार किस्सा तुम्हें भी सुनाता हूं। मैथ्यू एडम्स नाम का एक बुक सेलर था, जिसने मेरी बुक्स पढ़ने की तीव्र इच्छा को देख लिया और मुझे खुद की लाइब्रेरी में ले गया, जहां उसने मुझे अपनी इंटरेस्ट की किताब पढ़ने की आजादी दी। मुझे तो वो लाइब्रेरी एक ऐसे समंदर जैसा लग रहा था जिसमें कहीं भी हाथ डालो तो मोती निकल आते हैं। इस अनुभव की वजह से मैंने दो कविताएं लिखी। एक थी लाइट हाउस ट्रेजडी और दूसरी का नाम था द शैलो सॉन्ग। दोनों ही कविताएं कविता के माध्यम से स्टोरीज थी। मेरे भाई ने मुझे मोटिवेट करने के लिए दोनों को प्रिंट कर दिया और मुझे शहर में बेचने के लिए भेजा। पहला बैच तो बड़ी आसानी से बिक गया और लोगों ने तारीफ भी बहुत की, पर असली मुश्किल अब आने वाली थी। अब मेरे पिताजी को इस बारे में पता चला, वो बहुत गुस्सा हुए। उनका मानना था कि कवि हमेशा मांगते रहते हैं और कुछ कमा नहीं सकते। मैंने अपने अंदर के कवि बनने की इच्छा को दबा दिया, पर यह कविताएं लिखने का शौक कभी खत्म नहीं हुआ और यही अनुभव मुझे आगे जाकर बहुत काम आया। शहर में एक और व्यक्ति था जो किताबों में खोया रहता, जॉन कॉलिंस। हम दोनों आपस में किताबों को लेकर डिस्कशन करते और डिस्कशन करते हुए हम भी कभी कभी लड़ भी पड़ते। एक बात पर एग्री ना होने की वजह से हम में अक्सर छोटी मोटी नोकझोंक चलती रहती। मैंने ये अक्सर देखा है कि डिबेट शुरू हो तो अच्छे कारण से ही होती है, पर एक स्तर पर जाकर वो सिर्फ हार जीत का खेल बनकर रह जाती है। फिर लोग अच्छा डिस्कशन करने के लिए नहीं, सिर्फ जीतने के लिए बोलते हैं। एक बार मेरे और कॉलिंस के बीच फीमेल एजुकेशन को लेकर बहस शुरू हुई। वो अपनी बातों को लेकर अटल था कि महिलाओं को पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने बस एक अच्छी चर्चा हो इसलिए सामने वाला पक्ष चुना, पर वो मुझ पे भारी पड़ रहा था। उसके पास रीजन से ज्यादा लैंग्वेज की फ्लुएंसी थी। कभी कभी सिर्फ जरूरी शब्दों का नॉलेज ना होने की वजह से मैं उसके सामने हार जाता था। हमने उस दिन के डिस्कशन को बंद कर दिया, पर मेरा मन नहीं मान रहा था। मैंने अपने विचार एक कागज पर लिखकर दोबारा उसे भेजे। ऐसे लेटर्स के द्वारा भी डिस्कशन 2 या 3 बार चला। एक दिन मेरे पिताजी ने मेरे लेटर्स को पढ़ लिया। उन्होंने मुझे समझाया कि किस तरह मैं अपने विचार को लिखकर भी नहीं समझा पा रहा। मेरे सेंटेंस की फॉर्मेशन, वर्ड्स का यूज, सभी चीजों को लेकर उन्होंने मुझे सही एडवाइस दी। मैं उनकी बातों से बहुत मोटिवेट हो गया और राइटिंग में और ज्यादा अच्छा बनने का निश्चय कर लिया। उसी टाइम मेरे हाथ द स्पेक्टेटर बुक का तीसरा भाग आया,
मैंने इससे वाक्यों में रदम लाने के लिए और ज्यादा शब्दों की पकड़ जरूरी थी। मैंने ये प्रैक्टिस दूसरी बुक के साथ भी चालू की और कंटिन्यू रखा। मुझे सेंटेंस फॉर्मेशन करने आती गई और कभी कभी इस बात से खुशी भी होती थी कि मैं ओरिजिनल बुक से कितना करीब हूं। इस प्रैक्टिस ने मुझे भरोसा दिलाया कि मैं कम से कम ऐसा राइटर तो बन ही सकता हूं जिसे पढ़कर कोई बुरा ना कहे। लगभग 16 साल की उम्र में मुझे कहीं से रिट्रोन की बुक मिली जो वेजिटेरियन खाने के ऊपर थी। मैंने उसके ऊपर अमल करने की ठान ली। मेरे भैया इस समय तक शादीशुदा नहीं थे तो उन्होंने अपने और अपने साथी यानी कि मेरे लिए एक किराए के घर में रहने की व्यवस्था की। मेरे वेजिटेरियन बनने की वजह से वहां थोड़ी मुश्किलें आने लगी। मेरे लिए घर वालों को अलग से खाना बनाना पड़ता था। मुझसे यह देखा नहीं गया और मैंने अपने आप से चावल या आलू बॉयल करना सीख लिया। मुझे यह काम अच्छी तरह से आने लग गया। मैंने भैया के सामने एक बात रखी कि जितना पैसा वो मेरे रेंट के ऊपर खर्च करते हैं उससे आधा मुझे दें और मैं अपने रहने की व्यवस्था कहीं और कर लूंगा। मेरी बात सही निकली। उससे भी कम पैसे में मैंने कहीं और रहने की व्यवस्था कर ली और बाकी के पैसे बुक्स खरीदने में लगाने लगा। ऊपर से जब भैया लंच के लिए प्रिंट हाउस से बाहर जाते तब भी मैं अपना खाना वहीं खाकर पढ़ाई में समय लगाता। इस तरह पढ़ने में मैंने अच्छी तरक्की कर ली। जैसे जैसे मुझे और बुक्स मिलती रही मैंने और अधिक विषयों को पढ़ना शुरू किया। जैसे कि कॉकर बुक ऑफ अर्थमैटिक मैंने अपने आप से पूरी पढ़ी और समझी। सेलर स एंड शेमी स नेविगेशन बुक से मैंने ज्योमेट्री का नॉलेज लिया और इंग्लिश ग्रामर के लिए मैंने ग्रीनवुड पढ़ी जिसके अंत में सॉकेट्रीज की थिंकिंग मेथड थी। द आर्ट ऑफ लॉजिक एंड रहेटोरिक उस मेथड ने मानो मेरा जीवन ही बदल दिया। मैंने इस मेथड का यूज करके कई सालों तक डिस्कशंस में भाग लिया और लोगों को इंप्रेस किया। हालांकि कई लोग चिढ़ते भी थे। आगे जाकर इस मेथड को मैंने छोड़ दिया। 1720 और 21 में भैया ने न्यूज़पेपर छापना शुरू किया न्यू इंग्लैंड क्यूरेंट के नाम से। बोस्टन न्यूज लेटर के बाद वो दूसरा पेपर था। बहुत लोगों ने यहां तक कि भैया के दोस्तों ने भी कहा कि अमेरिका में सिर्फ एक न्यूज पेपर काफी है, दूसरा नहीं चलेगा। पर भैया ने किसी की नहीं सुनी और पेपर चालू रखा और मेरा काम था हर जगह पेपर पहुंचाना। भैया के दोस्त में कुछ बहुत ही इंटेलिजेंट लोग थे जिनके आर्टिकल्स पेपर में आते थे और उनको अप्रिसिएशन भी मिलता था। जब वो प्रिंटिंग प्रेस में आते और उनके मुंह से उनके आर्टिकल के लिए तारीफ सुनता तो जैसे मुझे कुछ हो जाता। मुझे लगता काश मेरे भी आर्टिकल्स इसी तरह पेपर में आ जाए और यह फीलिंग मुझे एक्सपीरियंस करने को मिले। मैंने एक आइडिया लगाया, एक टॉपिक पर आर्टिकल लिखकर उस पर बिना किसी के नाम के सारे आर्टिकल के बीच प्रिंटिंग प्रेस में रख दिया। मुझे डर था कि कहीं भैया ने देख लिया तो बहुत पिटाई होगी, पर मैं लकी निकला और बच गया। जब उनके दोस्त ने यह बेनामी आर्टिकल देखा तो उन्हें यह पसंद आया। जब सबको पता चला कि यह मैंने किया है, सबने मेरी प्रशंसा की। इस तरह से एक रीडर से मैं एक न्यूज पेपर राइटर बन गया। पर मुझे नहीं पता था कि इस खुशी का अंत चंद दिनों में ही हो जाएगा और कोई खतरा मेरे इंतजार में बैठा होगा। मुझे यह पता ही नहीं था कि न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखने से प्रशंसा के साथ साथ कभी कभी पनिशमेंट भी मिलती है। आखिर न्यूज़पेपर में लिखने पर क्या खतरा हो सकता है? न्यूज़पेपर में लिखना मेरे लिए ऐसा था जैसे मेरे सारे सपने पूरे हो गए हों। मैंने एक के बाद एक कई आर्टिकल्स दे दिए और वो प्रिंट भी हुए। पर मैं देख सकता था कि मेरे भैया मन ही मन मुझसे खुश नहीं थे। एक दिन उन्होंने मुझे बता ही दिया कि वो मुझे एक अप्रेंटिस एक हेल्पर की तरह मानते थे और मुझसे एक्सपेक्ट करते थे कि मैं भी वैसे ही बिहेव करूं। मेरा आर्टिकल लिखना मेरे काम में हर्डल बनने लगा था। ये मामला मेरे पिताजी के पास भी पहुंच गया। मेरे पिताजी ज्यादातर मेरे फेवर में ही फैसला करते थे। मुझे ये देख बड़ी खुशी होती, पर उसी के लिए कभी कभी मुझे भैया से मार भी खानी पड़ती। या तो पिताजी से पिटता या फिर भैया से। पिटाई तो मेरी हर हालत में होती। मुझे लगता था कि यह अप्रेंटिसशिप मुझसे कुछ ज्यादा ही काम एक्सपेक्ट कर रही थी और दूसरी तरफ मैं उससे बेहतर अपॉर्चुनिटी की तलाश में था। पर मुझे नहीं पता था कि यह अपॉर्चुनिटी किसी अलग ही रूप में आएगी।
एक दिन न्यूज़पेपर के आर्टिकल में कुछ ऐसा प्रिंट हुआ था जो गवर्नमेंट को अच्छा नहीं लगा और उसको लिखने वाले राइटर को लगभग महीने के लिए जेल के अंदर रहना पड़ा। मुझे भी उसी टाइम इंक्वायरी के लिए कोर्ट में लाया गया, पर मुझसे उन लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ और मैं आसानी से बाहर आ गया। पर भैया फंस गए अपने पेपर में ऐसी पॉलिटिकल चीज छापने के लिए। जब वो अंदर थे तो मैंने प्रेस को संभाला और ये भैया को बहुत अच्छा लगा। भैया जब जेल से बाहर आए तो सरकार ने ऑर्डर जारी किया कि जेम्स फ्रैंकलिन न्यू इंग्लैंड क्यूरेंट नाम से पेपर नहीं छाप सकते। उनके दोस्तों ने हमारे प्रिंट हाउस में मीटिंग रखी कि आगे क्या करना है। किसी ने यह प्रस्ताव रखा कि जेम्स यानी भैया को किसी और नाम से पेपर छापना चाहिए, पर यह सुझाव आगे जाकर और प्रॉब्लम ला सकता है, यह सोचकर रिजेक्ट कर दिया गया। कोई समझ नहीं पा रहा था कि क्या करना है। तभी भैया को एक सॉल्यूशन मिला कि क्यों ना पेपर बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम से प्रिंट किया जाए। कुछ लोग एग्री हुए तो कुछ लोगों को यह प्रपोजल समझ नहीं आया। भैया ने बताया कि कैसे, मैं यानी कि बेंजामिन पहले से एक कॉन्ट्रैक्ट में बंधा है और अगर ये करना है तो तुरंत ही वो कॉन्ट्रैक्ट बंद करके नया बनाया जाए। मुझे कुछ समझ नहीं आया, बस इतना लगा कि भैया की मजबूरी का मैं फायदा उठा रहा हूं। तुरंत ही कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया और मेरे नाम के अंदर पेपर शुरू भी हो गया। कुछ महीनों तक सब सही रहा, पर टाइम के साथ मेरी यहां से कहीं और जाने की इच्छा तीव्र हो रही थी। जब मेरे भैया को इस बारे में पता चला तो उन्होंने मुझे रोकने के लिए शहर के हर एक प्रिंटिंग हाउस से बात कर ली और सबको बताया कि मुझे कहीं काम ना दे। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था सिवाय इसके कि मैं बोस्टन छोड़कर कहीं और चला जाऊं। यहां रहते और भैया के केस में बार बार कोर्ट जाते हुए मैं भी सबकी नजर में आ चुका था। ऊपर से प्रिंटिंग हाउस मेरे नाम पर चलाने से ये बात बहुत कॉमन थी कि मैं भी भैया की तरह ऐसे केस में बदनाम हो जाऊंगा। और तो और, मेरे धर्म के ऊपर रैशनल विचार की वजह से लोग मुझे धर्म भ्रष्ट या नास्तिक की तरह देखते थे और मेरी पर्सनालिटी सबको चुपती रहती थी। मेरा चले जाना ही मेरे लिए अच्छा था, पर पिताजी और भैया इसके लिए सख्त खिलाफ थे। मैंने सबसे छुपकर जाने का फैसला कर लिया और हेल्प के लिए आगे आया मेरा दोस्त कॉलिंस। उसने एक छोटे से जहाज के कप्तान से बात कर ली जो न्यूयॉर्क जाने वाला था। उसने कप्तान को मेरे बारे में जो स्टोरी सुनाई थी वो सुनकर ना मैं हंस सकता था और ना ही रो सकता था। उसने कप्तान को बताया, मैं यानी कि बेंजामिन किसी लड़की के चक्कर में फंस गया है और अब वो लड़की प्रेग्नेंट है। अब वो लड़की और उसके दोस्त चाहते हैं कि बेंजामिन उससे शादी कर ले और बेंजामिन सबके सामने नहीं आ सकता और उसे छुपकर यहां से निकलना होगा। कॉलिंस ने मेरे न्यूयॉर्क जाने की शुरुआत ही ऐसी की थी कि पता नहीं आगे क्या होने वाला था। पर 3 दिनों के बाद मैं 17 साल का एक लड़का अपने शहर से 300 माइल दूर न्यूयॉर्क में था, जिसके पास ना तो कोई इंफॉर्मेशन थी और ना ही कोई रिकमेंडेशन और जेब में बस थोड़े से पैसे। उस वक्त तक मेरे समंदर में जाने का सपना लगभग खत्म हो चुका था। फिर मुझे लगा वो सपना सिर्फ एक बच्चे की जिद थी। मैं न्यूयॉर्क तो आ गया पर यहां मुझे काम देने वाला कोई नहीं था। मैं एक आदमी से मिला, मिस्टर विलियम ब्रेडफोर्ड, जिनका पेंसिल्वेनिया में पहला प्रिंटर था। वो मुझे कोई काम देने की कंडीशन में नहीं थे। उन्होंने मुझे बताया कि उनका बेटा फिलाडेल्फिया में अपना प्रिंटर चलाता है और अभी उसको एक ऐसे आदमी की रिक्वायरमेंट है जो सारे काम अच्छे से संभाल सके। फिलाडेल्फिया यहां से और 100 माइल्स की दूरी पर था, पर मुझे वापस अपने शहर नहीं जाना था। मैं अपनी किस्मत को एक और वादा करके एम्बोय के लिए जाने वाली बोट में चढ़ गया। बोट से समंदर पार करते वक्त हम तूफान से टकरा गए। बोट का सेल इतना मजबूत नहीं था और उसने तूफान के सामने दम तोड़ दिया, पर हमारी किस्मत अच्छी थी और हम सभी एक आइलैंड पर जा गिरे। उस दौरान एक डच आदमी जो शराब के नशे में धुत था हमारे सामने पानी में गिर गया और डूबने लगा। मैंने तुरंत ही अंदर कूद कर उसे बाहर निकाला। पानी के अंदर जाने की वजह से उसका नशा थोड़ा उतरा, पर उसे ऐसी नींद आई कि वो वहीं सो गया। सारे पैसेंजर ये देखते ही रह गए कि ऐसा भी कोई हो सकता है। मैंने उसकी जेब से छोटी सी बुक निकाली और सूखने के लिए रख दी। मैंने जब वो बुक देखी तो इस हालत में भी मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो बुक कोई और नहीं पर जॉन बुनियान की पिलग्रिम प्रोग्रेस ही थी। वो डच भाषा में ट्रांसलेटेड थी और मैंने जो पढ़ी थी उससे कई गुना ज्यादा अच्छे पेपर से बनी थी। ये बात अलग है कि मुझे बाद में पता चला कि पिलग्रिम
प्रोग्रेस यूरोप की ज्यादातर भाषाओं में ट्रांसलेट हो चुकी है और बाइबल के बाद सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताबों में से एक है। सच में जॉन बुनियान के लिखने का स्टाइल ही अलग है। वो एकमात्र राइटर हैं जो नरेशन और डायलॉग को साथ में लिख सकते हैं। इससे पढ़ने वाले का इंटरेस्ट बना रहता है। कितने सारे राइटर्स ने इससे इन्फ्लुएंस होकर इस टेक्निक को अपनाया और कई तो सक्सेसफुल भी हो गए। जब हम आइलैंड पर पहुंचे तो हवा बहुत तेज थी, जैसे तूफान अभी रुकने वाला नहीं था। हमने लंगर डाली और जैसे तैसे किनारे पर पहुंचे। किनारा पत्थरों से घिरा हुआ था। हमें आते देख वहां के लोग देखने आ गए। हमने उन्हें दूर से आवाज दी, पर वो लोग यहां नीचे उतर कर नहीं आ सकते थे और ऊपर से हवा इतनी तेज थी कि हम उन्हें कुछ कह भी नहीं सके। हमने वहीं रात गुजारने का फैसला कर लिया। हमारे सामने डच आदमी पड़ा हुआ था जो कि पूरा भीगा हुआ था। उसको बचाते हुए हम सब भी भीग चुके थे। खाने के नाम पर हमारे पास बस एक गंदी सी रम थी। मैंने और कप्तान ने वहीं सोकर सुबह का इंतजार करना सही समझा। सुबह होते ही हमने चैन की सांस ली क्योंकि हवा भी हमारे फेवर में थी। हम जल्दी से बोट के पेयर तक तो पहुंच गए, पर इस क्रूएल ट्रिप का अंत अभी नहीं हुआ था। शाम होते होते मुझे फीवर हो गया और मैं बेड पे सो गया। मैंने कहीं पढ़ा था कि ठंडा पानी पीना फीवर में बहुत मदद करता है। मैंने बहुत सारा पानी पी लिया और पूरी रात पसीने से भीगता रहा। मुझे पता नहीं क्या चीज मेरे लिए काम कर गई, पर सुबह होते तक फीवर चला गया। मैंने अपनी ट्रिप पैदल ही शुरू की। लगभग 50 माइल्स बुर्लिंगटन में चलने के बाद मुझे किसी ने बताया कि मुझे ऐसी बोट ढूंढनी पड़ेगी जो मुझे फिलाडेल्फिया तक ले जाए। पूरे दिन बहुत ज्यादा बारिश हुई और मैं पूरी तरह भीग गया। सिचुएशन ऐसी थी कि उसके अलावा कोई और ऑप्शन भी नहीं था। मुझे एक सस्ते होटल में रुकना पड़ा। एक बार के लिए तो विचार आया कि काश मैंने अपना शहर छोड़ा ही नहीं होता। मैंने अपना हाल भी एकदम बदतर कर लिया था। होटल के रिसेप्शनिस्ट ने मुझे देखकर ऐसा सोचा कि मैं कोई भागा हुआ क्रिमिनल हूं। उसने मुझसे इंक्वायरी चालू की, पर मेरी किस्मत अच्छी थी कि वहां डॉ ब्राउन नाम के एक व्यक्ति आए और उन्होंने मुझसे बातचीत शुरू की। मेरी बात से उनको पता चला कि मैं एक रीडर हूं। यह जानकर उनका मेरी ओर बिहेवियर ही बदल गया। उन्होंने मुझसे अच्छे से बात की और होटल में रुकने के लिए बोला। वो खुद भी एक लेखक थे और आगे भी कई सालों तक मेरी उनसे बात होती रही। दूसरे दिन सुबह मैं बर्लिंगटन पहुंच गया, पर मेरे सब्र का इम्तिहान अभी भी बाकी था। मुझे पता चला कि फिलाडेल्फिया के लिए सारी बोट रवाना हो चुकी है और अभी अगली बोट मंगलवार को जाएगी। मैंने देखा वो दिन था शनिवार। मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने अपने साथ बोट में आने वाली एक ओल्ड लेडी से एडवाइस मांगी। उनके साथ मेरा इंट्रोडक्शन बोट में हुआ था। तभी उन्होंने मुझे ब्रेड खाने को दिया था। उन्होंने मुझे अपने घर आने के लिए इन्विटेशन भी दिया। मेरे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था और मैंने वही सही समझा। उन्होंने मुझे रात के खाने में बैल का मीट दिया और इन सब चीजों के बदले मैं सिर्फ एक छोटा सा शराब का घड़ा लिया। मंगलवार तक बोट जाने की कोई संभावना नहीं थी, पर दूसरे दिन शाम को घूमते हुए मैंने एक बोट को देखा और पूछने पर पता चला कि वो फिलाडेल्फिया के लिए जाने वाली है। मैं बिना लेट किए अपना थोड़ा सा सामान लेकर बोट में चढ़ गया। दुर्भाग्य से कोई हवा नहीं चल रही थी तो हमने दूसरे दिन पूरे वक्त चप्पू चलाया, फिर भी नहीं पहुंच पाए। रात को जब कुछ नहीं दिख रहा था तो कुछ लोगों ने बताया कि हम फिलाडेल्फिया क्रॉस कर चुके हैं। हमने किनारे को ढूंढा और रात वहीं बिताने का निश्चय किया। अक्टूबर की ठंड में सब लोग जम चुके थे और दूसरे दिन सुबह हमें पता चला कि यह किनारा क्रूपेर क्रिक था, फिलाडेल्फिया से थोड़ा सा ऊपर। बोट ने फिर से जान लगाई और हम 9 बजे तक फिलाडेल्फिया पहुंच ही गए। आखिर इतने दिनों की मेहनत के बाद फिलाडेल्फिया पहुंचना एक बहुत ही सेटिस्फाइंग फीलिंग थी। इस सफर में मेरी हिम्मत ने भी जवाब दे दिया था, पर आखिर मैं इतने सारे हर्डल को पार कर अपनी मंजिल तक पहुंच ही गया। पर यहां आकर जो मुश्किल आने वाली थी उसका मुझे कोई अंदाजा नहीं था। मैंने अपनी ट्रिप में पड़ने वाली मुश्किल और सही वक्त पर उस मुश्किल में से निकलने वाले लोगों को याद किया और चल पड़ा फिलाडेल्फिया में अपना लक आजमाने। क्या मुझे फिलाडेल्फिया में सक्सेस मिली या वहां से भी मुझे खाली हाथ भागना पड़ा? मैं फिलाडेल्फिया में उतर चुका था, पर जिस कंडीशन में उतरा मैंने ये कभी नहीं सोचा था। मेरे कपड़े गंदे हो चुके थे,
मैं समंदर की सवारी और इतने दिनों की ट्रिप से थका हुआ था। पैसों के नाम पर मेरे पास सारे डच डॉलर थे और एक तांबे का सिक्का। मैंने बोट में कई बार चप्पू भी चलाया था, उससे थकान और भी ज्यादा बढ़ गई थी। मैंने बिना कुछ सोचे मार्केट की ओर चलना शुरू कर दिया। मैं चलता ही गया और अचानक से मुझे एक बच्चा दिखा जो मजे से ब्रेड खा रहा था। मैंने सिर्फ ब्रेड खाकर ही कई दिन गुजारे थे। मैंने उस बच्चे से बेकरी का एड्रेस पूछा और उस तरफ चल पड़ा। सबसे पहले मैंने उससे बिस्किट मांगा, जैसे बोस्टन में मिलता है, पर वहां पर बिस्किट नहीं था, तो मैंने 3 सिक्के देकर एक ब्रेड लोफ मांगा। मुझे आश्चर्य हुआ कि बोस्टन और यहाँ का कल्चर कितना अलग था, क्योंकि उनके पास वो भी नहीं था। मैंने हार कर फिर 3 सिक्के में आने वाली कोई भी चीज देने के लिए बोला। उसने रोल्स निकाल कर मेरे सामने रख दिया और मुझे फिर से आश्चर्य हुआ, इतने पैसों के बदले सिर्फ 3 रोल्स। पर इस वक्त यह रोल्स मेरे लिए अमृत जैसे थे। एक खाते हुए मैं चल पड़ा। मैं फिर 4th सीट की ओर आ रहा था और तभी मुझे कोई दिखा, एक लड़की जिसका आने वाले समय में मेरे साथ अटूट रिश्ता जोड़ने वाला था। उसके पास से जाते हुए मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल सा फील हुआ, पर मैंने चलना कंटिन्यू किया, क्योंकि सच कहूं तो मुझे ये फीलिंग समझ ही नहीं आई कि क्या मैं सच में अनकंफर्टेबल था या कुछ और महसूस कर रहा था। खैर, मैंने अपने आप को इसके लिए टोका भी। चलते हुए मैं फिर से बोट की ओर ही आ गया था। मेरा पेट एक रोल खाकर ही भर गया, इसलिए मैंने बाकी के 2 रोल्स मेरे साथ आने वाली एक लेडी और उसके बच्चे को दे दिया। फ्रेश हो जाने के बाद मैं फिर से चल पड़ा। मैंने अपने आसपास से कई अच्छे कपड़े पहने लोगों को आते जाते हुए देखा। वो चर्च के मेंबर्स थे। उनमें से एक से मैंने पूछा कि कहीं आसपास ऐसा होटल दिखा दे जो स्ट्रेंजर को आसरा देता हो। उसने मुझे एक होटल का पता दिया, पर साथ में ये भी बताया कि वो अपने खराब बिहेवियर की वजह से बदनाम है। मैं यह सुनकर थोड़ा हैरान और कंफ्यूज हो गया और अपना मुंह बनाने लगा, तो उसने मेरे साथ चलने के लिए कहा। वो मुझे एक अच्छे से होटल में ले गया। मैंने सबसे पहले वहां खाना खाया। खाते समय उसने मेरी इंक्वायरी शुरू कर दी कि कहीं मैं भागा हुआ कैदी तो नहीं। उसके बाद मैं सीधा बेड पर लेट गया और शाम तक अच्छी सी नींद ली। शाम को खाना खाकर मैं फिर से सोने चला गया। आज तक की बिना नींद की कटी हुई सभी रातें एक साथ मुझसे बदला ले रही थी और मैं सुबह तक अच्छी नींद में खोया रहा। सुबह उठकर मैं अच्छे से नहाया और कपड़े पहने। मैं सीधा वहां चला गया जिसके लिए मैंने ये सारी प्रॉब्लम्स झेली थी, एंड्रयू ब्रेडफोर्ड के प्रिंटर पर। वहां जाते ही मैं सरप्राइज हो गया यह देखकर कि उसके पिताजी जिसने मुझे यहां भेजा था वो घोड़ों की मदद से यहां पहले ही पहुंच गए थे। एंड्रयू ने मुझे अच्छे से ग्रीट किया, पर उसने बताया कि मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूं, उसने किसी और को काम पर रख लिया है, पर उसने मुझे शहर के दूसरे प्रिंटर से मिलवाने का प्रॉमिस किया और अगर वहां भी काम ना मिले तो मुझे अपने घर रहने का भी इनविटेशन दिया। एंड्रयू के पिता मुझे लेकर कैमर नाम के प्रिंटर पर आए। उसने मुझे देखकर कुछ क्वेश्चंस पूछे, फिर प्रिंटर का एक टूल ये देखने के लिए दिया कि मैं कैसे काम करता हूं। मुझे वो टूल यूज करता हुआ देख वो मुझसे इंप्रेस हो गया और मुझे काम पर रखने के लिए तैयार हो गया। कैमर का प्रिंटर एक पुराने टाइम का था, पर काम अभी भी अच्छे से करता था। कैमर खुद भी एक इंटेलिजेंट और रिस्पेक्टेड आदमी था और उसके साथ ही वो एक कवि भी था, पर वो कभी भी अपनी कविताएं लिखता नहीं था, बस मन में बनाता था। इसकी वजह से उसकी ना तो कोई कॉपी थी ना ही कोई डॉक्यूमेंट। जब भी कोई पंपलेट छपवाने आता कैमर मुझे बुलाता और मेरा काम आगे चलता रहा। बीच के खाली टाइम में मैं ब्रेडफोर्ड के प्रिंटर या दूसरे कामों में हेल्प करता रहता। मुझे धीरे धीरे समझ आया कि दोनों प्रिंटर इनकम के मामले में बहुत पीछे थे। ब्रेडफोर्ड ने कोई पढ़ाई नहीं की थी, वो बिजनेस में कच्चा था, और कैमर जो कि एक स्कॉलर था उसे प्रिंटर के टेक्निकल पार्ट्स का कोई नॉलेज नहीं था। कैमर को मेरा ब्रेडफोर्ड के यहाँ रहना पसंद नहीं था और उसके खुद के घर में कोई फर्नीचर नहीं था, तो वो मुझे अपने घर पर नहीं रख सकता था, पर उसने मेरे रहने की व्यवस्था कहीं और कर दी और वो घर था मिस्टर रेड का, जिस लड़की को देखकर मैं पहले दिन अनकंफर्टेबल हुआ था, उसके पिताजी का। मैंने इस बार अपने आप को अच्छे से इंट्रोड्यूस करवाने का निर्णय किया और उस घर में चला गया। मैंने अब शहर में ऐसे यंग लोगों से मिलना शुरू किया जो कि पढ़ने में इंटरेस्ट रखते थे। मैं अपने काम से पैसे कमाता और उसे बुक्स खरीदने में लगा देता। धीरे धीरे मैं बोस्टन को पूरा भूलने लगा। बोस्टन में किसी को पता नहीं था कि मैं कहाँ हूँ, सिवाय मेरे दोस्त कॉलिंस के। उसको मैंने एक बार पत्र लिखकर बता दिया था कि कैसे मैं फिलाडेल्फिया पहुंचा, पर सीक्रेट ज्यादा दिन तक छुपा नहीं। मेरे एक जीजा जी को मेरे बारे में पता चल गया। उनका बिजनेस चलता था बोस्टन और डेनवर के बीच।
वो जब न्यू कैसल में आए तब उन्होंने मुझे पत्र लिखा। उन्होंने मुझे समझाने की पूरी कोशिश की, ये कहकर कि अगर मैं फिर से लौटा तो मेरे रहने और खाने का खर्चा वो उठा लेंगे, पर मैं अपना मन बना चुका था और पत्र में मैंने वही लिखा इस होप के साथ कि वो समझ जाएं कि मैं क्यों बोस्टन नहीं लौटना चाहता। आगे मैं जो बताने वाला हूं उसको मेरे जीजा जी की अच्छाई कहो, मेरा लक कहो या कोइंसिडेंस, पर जब मेरा लेटर उनके पास पहुंचा तब उनके साथ इस प्रांत के गवर्नर सर विलियम कीथ और कप्तान जेम्स बैठे थे। उन्होंने देखा कि कैसे अपने फ्यूचर को लेकर मेरे इरादे मजबूत थे। उन्होंने जब जीजा जी से मेरी एज पूछी तो वो दंग रह गए। वो कभी नहीं सोच सकते थे कि इतनी छोटी सी एज में कोई इतना बड़ा स्टेप ले सकता है। उन्होंने मेरे जीजा जी के सामने प्रस्ताव रखा कि वैसे भी फिलाडेल्फिया के सारे प्रिंट हाउस खराब हालत में चल रहे हैं, ऐसे में अगर बेंजामिन यानी कि मुझे अपना प्रिंट हाउस खोल के दिया जाए तो मैं प्रोग्रेस कर सकता हूं। मेरे जीजा जी से ज्यादा वो मुझ पर ट्रस्ट दिखा रहे थे। दूसरे दिन गवर्नर और कप्तान होम्स केमर के प्रिंट हाउस में आते दिखे। केमर उनको देखकर एक्साइटमेंट से बाहर दौड़ गया, पर उन्होंने मेरे बारे में पूछा। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि जीजा जी ने मुझे उस टाइम तक कुछ भी नहीं बताया था। वो मुझे एक होटल में ले गए और अच्छे से सब कुछ बताया। उन्होंने मुझसे ये प्रॉमिस भी किया कि आगे जाकर और बिजनेस मुझे देंगे। मुझे कुछ समझ नहीं आया, पर खुद का प्रिंट हाउस सुनकर मुझे सबसे पहले पिताजी की याद आई। अगर वो मेरे साथ हो तो मैं ये प्रपोजल स्वीकार कर सकता हूँ। गवर्नर ने तुरंत ही एक रिकमेंडेशन लेटर लिखकर दे दिया और मुझे कहा कि मुझे जल्द से जल्द बोस्टन जाकर ये लेटर पिताजी को देना है। जब तक सब फाइनल ना हो जाए तब तक मुझे चुपचाप बिना किसी को पता चले ये दिखाना है कि मैं केमर के प्रिंटर में ही काम कर रहा हूँ। 1724 के अप्रैल के अंत का समय जब मैंने बोस्टन के लिए डलास से चलने वाली बोट पकड़ी। मैंने केमर से कहा कि मुझे अपने दोस्तों से मिलने जाना है। गवर्नर ने मेरे पिताजी के लिए एक लेटर लिखा है, उसमें मेरे लिए सारी अच्छी बातें लिखी थी, साथ में फिलाडेल्फिया में प्रिंट हाउस जमाने का प्रपोजल भी था। इस बार भी जाते वक्त मैं इतनी आसानी से नहीं पहुंचा। हमारी बोट में कुछ लीकेज का प्रॉब्लम हुआ और सब उसको हल करने में लग गए। आखिरकार इस बार भी मुसीबतों को चीर कर मैं बोस्टन आ ही गया। पूरे 7 महीने मैं बोस्टन से गायब था। मेरे दोस्तों और परिवार को मुझे अचानक देखकर शॉक लगा, पर वो सब मेरे लिए खुश थे सिवाय मेरे भैया के। मैं जब उनसे मिलने गया तो मैंने अच्छे कपड़े पहने थे और हाथ में वॉच भी एक्सपेंसिव थी। उन्होंने मुझे एक बार के लिए देखा और फिर से अपने काम में लग गए। मैंने वहां काम करने वालों से बात की और वो मेरी बात सुनकर जैसे सपने में खो गए। मैंने बताया कि कैसे फिलाडेल्फिया में अच्छे से रहता और खाता पीता था और अब फिर से वहीं जाने वाला था। उन्होंने जब मुझसे पूछा कि वहां कैसे सिक्के चलते हैं, मैंने चांदी के सिक्के उनके सामने रख दिए जो कि एक सपने के समान थे क्योंकि बोस्टन में कागज के पैसे चलते थे। फिर मैंने उनको अपनी घड़ी दिखाई, वो मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ करने लगे। मैंने उनको अपने साथ लाई दारू पिलाई और वहां से चल दिया। मेरे भैया को मेरा ये बिहेवियर बहुत ही बुरा लगा। उन्होंने हमारी माँ से कहा कि मैंने उनके दोस्त के सामने उनकी डिसरिस्पेक्ट की जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल गलत था। मेरे पिताजी ने सर विलियम का लेटर बड़े ही आश्चर्य से देखा। जब कप्तान होम्स बोस्टन आए तो पिताजी ने उनको लेटर दिखाकर सर विलियम के बारे में पूछा और ये भी बताया कि उनको सर विलियम इतने समझदार नहीं लगे, वरना क्यों कोई एक बच्चे पर अपना पैसा लगाने के बारे में सोचेगा। कप्तान होम्स ने उनको ये बताया कि वो खुद इस बात का फेवर करते हैं कि बेंजामिन को अपना प्रिंटर हाउस खोल कर दिया जाए और उनको विश्वास है कि वो अच्छा करेगा। पर पिताजी को उनकी बात हजम नहीं हुई। उन्होंने सर विलियम को लेटर लिखा। पहले तो उन्होंने इस प्रपोजल के लिए उनको थैंक यू बोला, पर बाद में साफ शब्दों में ये कहकर अपना डिसएग्रीमेंट दिखाया कि बेंजामिन अभी बहुत छोटा है और इतने बड़े इन्वेस्टमेंट को संभाल नहीं पाएगा। मेरा दोस्त कॉलिंस अब एक क्लर्क बन चुका था। उसको मेरे मुंह से फिलाडेल्फिया की तारीफ सुनकर बहुत अच्छा लगा। सब बातें करके आखिरकार हम अपनी किताबों की बातों पर आ गए। उसने अपनी नई बुक्स का कलेक्शन मुझे भेज दिया और जब तक मैं मेरे पिताजी के जवाब का वेट करूं मुझे पढ़ने के लिए कहा। पिताजी ने सर विलियम के प्रपोजल को तो ठुकरा दिया, पर वो मेरी प्रोग्रेस से बहुत खुश थे। उन्हें ये सुनकर बहुत जरूर हेल्प करेंगे। उनकी एडवाइस और माँ की तरफ से गिफ्ट लेकर मैं न्यूयॉर्क की तरफ फिर से चल पड़ा। इस बार एक बच्चा नहीं, एक बड़ा होता हुआ यंग मैन जा रहा था। क्या फिलाडेल्फिया मुझे फिर से उसी तरह अपनाएगा? बोस्टन से खट्टी मीठी मेमोरीज लिए मैं जहाज में चढ़ गया।
इस बार माँ और पिताजी का अप्रूवल भी था। मैं किसी से भाग नहीं रहा था। मुझे सर उठाए बोस्टन को छोड़ना अच्छा लग रहा था, खास करके पिछली बार से जब मैं क्रिमिनल की तरह यहाँ से छुपकर भागा था। हमारा जहाज सबसे पहले रोड आइलैंड पर रुका। वहां मेरे भैया जॉन मुझे मिले। उन्होंने शादी करके वहीं बसने का फैसला किया था। वो मुझसे बड़े अच्छे तरीके से मिले। उन्होंने मुझे बताया कि वॉरनेन नाम का उनका कोई दोस्त है और उससे उनको 35 पाउंड्स लेने थे। उन्होंने मुझे ऑर्डर दिया कि मैं उससे पेंसिल्वेनिया में मिलूं और वो पैसे रख लूं और जब तक भैया कुछ बताए ना उसे संभाल कर रखूं। मैंने उनका ऑर्डर मान लिया। अगले बंदरगाह न्यूपोर्ट से जहाज में बहुत सारे लोग चढ़े। उनमें दो यंग लड़कियां और एक ओल्ड लेडी भी थी। मैंने उनको लगेज रखने में मदद की। वो सेंसिबल और चर्च को फॉलो करने वाली लेडी थी, इसलिए जब उन्होंने मुझे उन दो यंग लड़कियों के साथ ज्यादा घुलते मिलते हुए देखा, उन्होंने मुझे अकेले में ले जाकर बताया कि वो दो लड़कियां जितनी दिखती हैं उतनी इनोसेंट नहीं है। अगर मैं उनके साथ ज्यादा रहूंगा तो वो मुझे किसी प्रॉब्लम में डाल सकती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उन लड़कियों से उनकी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है और उन्होंने जो भी बोला मेरे भले के लिए बोला। मुझे पहले ही उन लड़कियों में कुछ अजीब लग रहा था, पर मैं अनदेखा कर रहा था। पर जब इस औरत को भी यही लगा तब मुझे यकीन हो गया और मैंने उन लड़कियों से दूरी कर ली। जब हम न्यूयॉर्क आए तो उन लड़कियों ने मुझे अपने घर इनवाइट किया, पर मैंने हंसकर मना कर दिया। अब दूसरे दिन कप्तान ने बताया कि उसके केबिन से चांदी का चम्मच और कुछ कुछ पैसे भी गायब हैं। कप्तान ने तुरंत ही एक वारंट बनवाया और उन लड़कियों के घर की तलाशी ली और आखिर वहां से सामान मिल ही गया। लड़कियों को तुरंत ही अरेस्ट कर लिया गया। मैंने मन ही मन भगवान और उस लेडी को थैंक्स बोला। न्यूयॉर्क में मुझे मेरा बचपन का साथी भी मिला, कॉलिंस। वो हमसे पहले पोर्ट पर पहुंच चुका था। हमने बचपन में साथ में कितना अच्छा वक्त बिताया था, कितनी किताबें साथ में पढ़ी थी। पर वो मुझसे पढ़ने में आगे था और उसको मैथमेटिक्स का भी अच्छा नॉलेज था। बोस्टन में रहते हुए उसने पढ़ने में काफी अच्छी प्रोग्रेस की थी, पर न्यूयॉर्क आते ही उसका जीवन बदल गया। उसने दारू को रीडिंग से ज्यादा टाइम देना शुरू कर दिया। ये बात भी उसने मुझे खुद बताई। मुझे यह सुनकर बड़ा बुरा लगा, पर जब मुझे और लोगों ने बताया कि उसे गैम्बलिंग की भी आदत पड़ी है तो मेरा दिल ही बैठ गया। उसने गैम्बलिंग में अच्छे खासे पैसे गवा दिए। मुझे उसका किराया चुकाना पड़ा जो काफी बढ़ चुका था। एक स्कॉलर की ऐसी हालत देख मुझे दुख हुआ। वहां पर जब न्यूयॉर्क के गवर्नर को कप्तान से पता चला कि एक ऐसा यंग लड़का है जिसको बुक्स का बहुत शौक है और काफी अच्छी नॉलेज भी है, तो वो मुझसे मिले और बात की। उन्होंने मुझे अपनी ग्रैंड लाइब्रेरी भी दिखाई। ऐसा दूसरी बार हुआ था जब किसी गवर्नर ने मेरा इतना अच्छा ख्याल रखा। हम फिलाडेल्फिया के लिए निकल पड़े। जॉन भैया के दोस्त वॉरनॉन ने मुझे पैसे दे दिए। कॉलिंस भी मेरे साथ ही चल दिया था। उसने कई जगह पर अपने लिए नौकरी की मांग की, पर हर जगह उसकी सांसों की बदबू से लोग जान जाते थे कि उसने पिया हुआ है। उस दौरान उसका सारा खर्चा मुझे ही उठाना पड़ता था। उसके पीने की आदत की वजह से हमारे बीच झगड़े भी होने लगे, पर एक बार तो उसने लिमिट ही क्रॉस कर दी। उसने अपनी बारी आने पर चप्पू चलाने से मना कर दिया और इस बात से मुझे बहुत गुस्सा आया। वो मुझे मारने के लिए आगे ही बढ़ा, पर मैंने उसे पकड़ लिया। लोगों ने भी बीच में आकर उसे शांत करवाया। तब से मेरी उससे बातचीत बंद हो गई। उसने मुझे मेरे पैसे लौटाने का प्रॉमिस किया और चला गया। इस घटना के बाद मैंने उसके बारे में कभी कोई खबर नहीं सुनी। एक दोस्त को मैंने इतनी बुरी तरह से खो दिया। फिलाडेल्फिया जाकर मैंने गवर्नर को पिताजी का लेटर दे दिया, पर उनको जरा भी बुरा नहीं लगा। उन्होंने पिताजी की प्रशंसा करते हुए कहा कि वो एक इंटेलिजेंट पर्सन है, और गवर्नर ने मेरे लिए अपना प्रपोजल जारी रखा और कहा कि वो मुझे अभी भी प्रिंटिंग हाउस ओपन करने में मदद करेंगे और जब मेरे पास पैसे आ जाएं तब मैं उन्हें वापस लौटा सकता हूं। मुझे यह अच्छा मौका दिखा। मेरे कई दोस्तों ने इस बात को लेकर नाराजगी जताई कि गवर्नर आगे जाकर अपना हाथ खींच लेगा, पर मुझे गवर्नर पर विश्वास था और उसी विश्वास के भरोसे मैंने उनको हाँ बोल दिया। उन्होंने मुझे बताया कि मुझे एनीस शिप में सामान लेने जाना होगा, जो कि साल में सिर्फ एक बार लंदन और फिलाडेल्फिया के बीच चलती थी। उस शिप को अभी भी टाइम था, इसलिए तब तक मैं केइमर के साथ काम में जुट गया। मैंने एक बात इस बीच में मिस कर दी।
वो ये कि जब मैंने बोस्टन से सवारी चालू की, हम समंदर के बीच में एक जगह फंस गए थे और हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था सिवाय मीट के। मैं मीट नहीं खा सकता था, पर किसी ने मुझे मछली खाने को कहा। मैं उसके लिए भी तैयार नहीं था, पर जब मैंने एक मछली को कटते हुए देखा, तब उस मछली के अंदर से एक और छोटी मछली निकली। मैंने सोचा कि जब ये एनिमल एक दूसरे को खा सकते हैं, तो हम इनको क्यों नहीं खा सकते? और मैंने सबके साथ मजे से खाना खाया। पता नहीं ये रीजन कितना सही था, या कोई लॉजिक था भी, या बस एक भूखे इंसान ने अपना रास्ता ढूंढने के लिए इसे लॉजिकल बना दिया। पर मैंने मीट खाना शुरू कर दिया। कैमर के साथ काम करने में मुझे कोई परेशानी नहीं थी। वो एक एजुकेटेड पर्सन था और उसे डिस्कशन में मजा आता था। वो रिलीजन के रूल्स के हिसाब से लंबी दाढ़ी रखता था और हफ्ते में एक दिन प्रेयर करने भी जाता था। मैंने उसे रूल्स के मुताबिक मीट खाने से मना किया। पहले तो वो हिचकिचाया, पर बाद में हमने 3 महीने के लिए मीट ना खाने का नियम बनाया। मेरे लिए ये आसान था, पर कैमर की हालत खराब हो गई। मीट ना खाने की वजह से हमारा खर्चा भी कम हो गया था। पर आखिर कैमर का सब्र टूट ही गया और उसने मुझे एक रात होटल में खाने पर बुलाया, जहां उसने मीट का ऑर्डर दिया। पर उसे इसकी इतनी तलब लगी थी कि मेरे पहुंचने से पहले ही उसने सारा खाना खत्म कर दिया था। अब तक मिस रेड से मेरी अच्छी जमने लगी थी, पर हम दोनों की एज अभी बहुत छोटी थी, सिर्फ 18 साल। उसकी माँ ने भी हमें बताया कि मैं जब ट्रिप से राइड करके वापस आ जाऊं, तब वो हमारी बात कुछ आगे बढ़ाएंगी। उस टाइम मुझे भी यही बात सही लगी और मैंने इसके लिए एग्री कर दिया। मेरे दोस्तों की संख्या भी अब बढ़ने लगी थी। उनमें से खास थे चार्ल्स ऑसबोर्न, जोसेफ वॉटसन और जेम्स रॉल्फ। चार्ल्स और जोसेफ शहर के फेमस कागजी काम करने वाले आदमी चार्ल्स ब्रोगडन के यहाँ क्लर्क थे और रॉल्फ एक व्यापारी के यहाँ क्लर्क की नौकरी करता था। ऑसबोर्न इंटेलिजेंट और हम्बल था, पर आर्ट्स को बहुत बारीकी से देखता था और गलतियां निकालता था, जबकि रॉल्फ बहुत ही अच्छी तरीके से बात करता था। किसी से भी बात करने में उसे कोई परेशानी नहीं होती थी। संडे को हम सब एक दूसरे को हमारी पढ़ी हुई कविताएं और स्टोरीज सुनाया करते। रॉल्फ असल में कवि बनना चाहता था, पर जब ऑसबोर्न को इस बारे में पता चला, तो उसने साफ शब्दों में ये कहकर कि रॉल्फ में कविता को लेकर कोई नॉलेज नहीं है, मना कर दिया और उसे अपने बिजनेस में ही ध्यान देने को कहा। रॉल्फ को बुरा लगा, पर उसने उस टाइम चुप रहना ही सही समझा। अब हम सब ने तय किया कि हम एक वीक का समय लेंगे और अपने अपने तरीके से कविताएं लिखकर लाएंगे। एक दिन सब मिलकर अपनी कविताएं पढ़ेंगे और एक दूसरे को अपनी राय देंगे। सब इसको लेकर बहुत एक्साइटेड थे। हमने विषय रखा था द बर्थ ऑफ डियटी। एक वीक बाद जब हमारे मिलने का वक्त आया, तब रॉल्फ ने मुझे अकेले मिलकर अपनी कविता मुझे दे दी और कहा कि अगर वो अपनी कविता खुद सुनाएगा तो ऑसबोर्न उसमें से 100 गलतियां निकालेगा, इसलिए उसने मुझे ये पढ़ने को कहा। वैसे भी मुझे कुछ लिखने का समय नहीं मिला था, तो मैंने हाँ बोल दिया। हमारी मीटिंग का वक्त आ गया। सबसे पहले वॉटसन ने अपनी कविता पढ़ी, ऑसबोर्न ने उसमें कुछ गलतियां निकाली, फिर ऑसबोर्न ने पढ़ी, रॉल्फ ने उसमें से गलती निकाली, पर साथ में अच्छी बातों की तारीफ भी की। अब बारी आई मेरी। मैंने रॉल्फ की रचना अपनी कहकर पढ़ी और ऑसबोर्न और वॉटसन ने इसकी तारीफ की। रॉल्फ ने मौका देखकर उसमें से गलती निकाली, तो ऑसबोर्न ने सारी गलतियों का बचाव भी किया। रॉल्फ को पता चल गया कि वो अच्छी कविताएं लिख सकता है और उसने उसी वक्त कवि बनने का फैसला लिया। आगे जाकर ऑसबोर्न को इस बात का पता चला तो हम सब बहुत हंसे। गवर्नर ने मेरे जाने की तारीख नजदीक आने पर कई सारे लेटर्स लिखे। वो मुझे उनके दोस्तों से हेल्प लेने के लिए काम आने वाले थे। जब जाने का वक्त हो गया और मैं उनसे लेटर्स लेने गया, तो उनकी सेक्रेटरी ने मुझे बताया कि गवर्नर बहुत बिजी हैं और वो मुझे न्यू कैसल में ही मिलेंगे। रॉल्फ ने मुझे ट्रिप पर साथ देने का वादा किया, पर मुझे बाद में पता चला कि उसका अपनी पत्नी के साथ रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा था, तो वो पत्नी और बच्चों को उनके हाल पर छोड़कर हमेशा के लिए दूर जाने वाला था। जब हम न्यू कैसल उतरे, तब मैं गवर्नर के घर गया, पर मुझे पता चला कि वो कुछ ज्यादा ही बिजी हैं और मुझे मिल नहीं सकते। उनके आदमी ने मुझे बताया कि वो मुझे लेटर्स लिखते रहेंगे। मैं जहाज में वापस चढ़ गया, पर अभी तक मुझे कोई डाउट नहीं हुआ। मुझे और रॉल्फ को एक छोटा सा केबिन मिला था, जिसमें हम मुश्किल से रह रहे थे। जहाज पर एंड्रू हैमिल्टन नाम के एक फेमस वकील भी थे। उनके बेटे जेम्स और उनको जब हमारे बारे में पता चला कि हम किस हालत में जहाज में गुजारा कर रहे हैं, तो उन्होंने हमें दूसरा केबिन दिलवाया। उनके साथ आगे का सफर भी अच्छा कटा। मुझे गवर्नर के लेटर्स लेने थे, तो जहाज जहां भी रुकता, मैं उसका वेट करता रहता।
मैंने कप्तान से कहकर जहाज की लेटर्स वाली बैग चेक करने की परमिशन भी मांगी, पर उसमें भी कुछ नहीं था। हम 1724 की 24 दिसंबर को लंदन आ पहुंचे। मैंने सबसे पहले पोस्टमैन का वेट किया, पर जैसे ही मैं उससे मिला मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कहा कि गवर्नर की ओर से मेरे लिए कोई लेटर उसके पास नहीं है। मैं जल्द से अपने दोस्त डेनहम से मिला जो हमारे साथ ही जहाज पर था। उसने मुझे बोला कि गवर्नर कीथ का विश्वास करना एक स्टुपिडिटी से ज्यादा कुछ नहीं, और मुझे कुछ और काम करने की सलाह दी। मैं वहीं खड़ा का खड़ा रह गया। मुझे समझ नहीं आया कि आगे क्या करूं। सिर्फ एक सपना नहीं, हिम्मत भी टूटी थी। आगे क्या हुआ? लंदन में उतरते ही मुझे ऐसा शॉक मिला था जो मैं आज तक नहीं भूल पाया, पर शुक्र था कि मेरा दोस्त डेनहम मेरे साथ ही था। उसने मुझे हिम्मत दिलाई कि मैं अपने आप से भी कुछ कर सकता हूं। उसने मुझे एडवाइस दी कि मैं यहीं रहकर प्रिंटिंग का कुछ काम करूं ताकि आगे जाकर अमेरिका में मुझे उसका फायदा हो। पर ऐसा गवर्नर ने मेरे साथ क्यों किया? क्यों एक यंग लड़के को सपना दिखाकर बीच में ही छोड़ दिया? इसका मुझे बाद में पता चला कि पी रिडलसन करके एक चालाक अटॉर्नी हुआ करता था। उसने गवर्नर के साथ अच्छे रिलेशन बनाए थे। रिडलसन के कहने पर उसने ये सब किया था, क्योंकि गवर्नर को उस वक्त कोई और रास्ता नहीं दिखा और रिडलसन उसका पुराना साथी था। ऊपर से मेरे साथ जहाज में आने वाले वकील हैमिल्टन की भी रिडलसन के साथ नहीं बनती थी, तो मेरा उनके साथ रहना भी हार्मफुल साबित हुआ। जब मैंने हैमिल्टन और उनके बेटे को यह सब बताया तो उनको बहुत दुख हुआ, पर वो रिडलसन का नेचर जानते थे, इसलिए उन्होंने मुझे शांत बना दी। मैं और रॉल्फ साथ में रहने लगे। हमने एक सस्ता सा रूम रेंट पर लिया और काम ढूंढने में लग गए। रॉल्फ पहले एक ड्रामा कंपनी में गया एक्टर बनने के लिए, पर वहां पर उसे पैसे देने से मना कर दिया गया। फिर एक न्यूज़पेपर में कविताएं लिखने के लिए गया, पर वहां भी ना सुननी पड़ी। मैं सीधा पामर के पास गया और काम के लिए बात की। वो बार्थोलोमेव का बहुत बड़ा प्रिंटर था। वहां पर मुझे वॉल्टसन की रिलीजन ऑफ नेचर की दूसरी रचना को छापने का काम मिला था। मुझे उसके अंदर शामिल कुछ विचार पसंद नहीं आए, तो मैंने उसके ऊपर अपनी टीका लिखी, अ डिसर्टेशन ऑन लिबर्टी एंड नेसेसिटी प्लेजर एंड पेन के नाम से। वहां तक सब ठीक था, पर आगे मैंने उसके पंपलेट भी छापे। इसकी वजह से प्रिंटर के मालिक पामर को अच्छा नहीं लगा, पर मैं अपना काम कर चुका था। मेरा एक पंपलेट लायसन नाम के एक डॉक्टर के हाथ में पड़ा और उनका अटेंशन मुझे मिला। वो मुझसे मिले और हमारे बीच इन टॉपिक्स को लेकर अच्छी खासी बातें हुई। वो मुझे एक सस्ते से पब में ले गए। वहां उसने मुझे डॉक्टर मेडेविल से मिलवाया। वो बहुत ही मजेदार बात करते थे। मैंने उसी टाइम पर कुछ एक्सपेरिमेंट करके चीजें भी बनाई थी। उसमें से सबसे ज्यादा फेमस होने वाली चीज थी एबिस्टोस से बना हुआ पर्स। जब सर हॉन्स स्लोन ने इसके बारे में सुना तो मुझे मिलने के लिए बुलाया। उनको ऐसी चीजें जमा करने का बहुत शौक था। मैंने उनको ये पर्स दे दिया जिसके मुझे अच्छे खासे पैसे मिले थे। मैं रॉल्फ के साथ जहाँ रहता था वहाँ एक लेडी उसके बच्चों के साथ किराए पर रहती थी। रॉल्फ की उसके साथ अच्छे से बनने लगी और वो दोनों दूसरी जगह साथ में रहने के लिए चले गए। पर जब उस लड़की के इनकम से उनका घर नहीं चल पाया तब रॉल्फ ने लंदन छोड़ने का तय कर लिया। उसने कहीं और जाकर अच्छे से नौकरी की पर वापस नहीं आया, यहाँ तक कि उसने अपना नाम भी बदल लिया था। एक दिन मुझे उसका लेटर मिला। उसने बताया कि वो कहीं गांव में बच्चों को पढ़ाता है और अच्छा खासा कमाता है। उसने उस लेडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लेने के लिए कहा। इस दौरान भी रॉल्फ मुझे अपनी कविताएं भेजता रहता था और उस पर मेरे रिव्यू की एक्सपेक्टेशन रखता था। मैं भी वक्त पर उसे लिखता रहता। वो लेडी जो रॉल्फ के साथ रहती थी उसको कुछ पैसों का लॉस हुआ था और उसने मुझसे पैसे मांगे। मैंने उसे दिए और हमारी बातें होने लगी। वो एक अच्छी लड़की और माँ थी। हमारी अच्छी दोस्ती हो गई थी, पर आगे जाकर हमारे बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। वो जब फिर से आई तो उसने मुझे साफ शब्दों में कह दिया कि वो पैसे वापस नहीं दे सकेगी। उस टाइम मेरे लिए वो कोई बड़ी बात नहीं थी। मैं पामा के वाट्स प्रिंटर में काम करने लग गया था और वहां पर काम करने पर मैंने देखा कि सारे वर्कर्स बियर पीते थे। वो मुझे वाटर अमेरिकन कहते थे।
क्योंकि मैं सिर्फ पानी पीता था और फिर भी उनसे ज्यादा स्ट्रांग था। वो सुबह ब्रेकफास्ट से पहले एक बियर, ब्रेकफास्ट के साथ एक, और फिर ब्रेकफास्ट और लंच के बीच एक, फिर काम करते हुए एक और फिर काम खत्म होने के बाद एक और। इतनी सारी बियर पीने का भी कोई फायदा नहीं था, क्योंकि उस बियर में कितना अनाज है किसी को पता नहीं। इससे ज्यादा स्ट्रेंथ तो उनके ब्रेड खाने से मिल जाती थी, पर वो कहां समझने वाले थे। काम में अच्छा होने की वजह से मेरी वहां बॉलिंग शुरू हो गई। मुझे उनके साथ घुलने के लिए 5 शिलिंग्स देने थे। जब मैंने वो देने से मना कर दिया, तब लोग मेरे पीछे मेरे प्रिंटर का काम बिगाड़ने लगे। मैं उनसे जीत नहीं सकता था, तो मैंने 5 शिलिंग्स देकर पीछा छुड़ा लिया। अब जब मैं सबके साथ हो गया था, मैंने प्रिंटर में कुछ बदलाव किया, जैसे कि सुबह के ब्रेकफास्ट में बियर को हटाकर ब्रेड, गर्म पानी और थोड़ा सा चीज रखवा दिया। इससे उनका दिमाग शांत रहता था और काम में भी ज्यादा फोकस कर पाते थे। मेरे ऐसे बर्ताव के कारण मैंने मालिक का ध्यान खींचा। ऊपर से मैंने एक भी छुट्टी नहीं ली थी, उससे भी मेरी रेप्यूटेशन अच्छी बनी। मेरा किराए का घर इस नए प्रिंटर से बहुत दूर पड़ता था, तो मैंने नया लॉज ढूंढना चालू कर दिया। मुझे एक घर मिला जिसकी मालकिन एक विडो औरत थी। वो अपनी बेटी और मेड के साथ रहती थी। उन्होंने पहले मेरी पूछताछ की और फिर हमारा रेंट तय हुआ। वो एक चर्च के मेंबर की बेटी थी, पर बाद में उन्होंने शादी करके अपने आप को कैथोलिक में कन्वर्ट कर लिया। उनके घुटनों में ज्यादातर दर्द रहता था, पर वो बातें बड़ी अच्छी करती थी। हमारा शाम का खाना भी साथ में ही होता था। वो इतनी अलग तरीके से बात करती कि मुझे सुनकर ही मजा आ जाता। मैं उनकी फैमिली का पार्ट बन चुका था। तो जब मैंने दूसरी जगह जाने की बात की, तो उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया। मेरी मकान मालकिन ने मुझे हमारे सामने रहने वाली एक ओल्ड लेडी के बारे में बताया। वो एक रोमन कैथोलिक औरत थी। बहुत ही कम एज में उसे नन बनने के लिए फॉरेन कंट्री भेज दिया गया था, पर उस देश में नन की परमिशन नहीं मिली और वो वापस इंग्लैंड आ गई। उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी दान में दे दी थी और 1 साल के अंदर सिर्फ 12 पाउंड अपने लिए रिजर्व किए थे। चर्च के प्रीस्ट अभी भी रोज उनके पास कन्फेशन के लिए आते थे। मैं जब एक बार उनके पास गया, तो उन्होंने मेरा अच्छे से वेलकम किया, बात भी की और अपने बारे में बताया। मैं ये देखकर चौंक गया कि इतने कम पैसों में भी कोई अपना इतने अच्छे से गुजारा कैसे कर सकता है। वॉट्स के प्रिंटर हाउस में मुझे एक फ्रेंड मिला, वाइगेट नाम था उसका। वो एजुकेटेड था और फ्रेंच बोल सकता था। वो शहर में कई फेमस लोगों को भी जानता था। उसने अपने एक और दोस्त के साथ मुझसे स्विमिंग सीखने की इच्छा जताई और मेरे सिखाने पर थोड़े ही वक्त में अच्छे से स्विमिंग सीख गए। उनके कहने पर मैंने एक बार चेल्सी से ब्लैक फायर तक तैर कर दिखाया था। वो देखकर शॉक हो गए थे। मैं फिर से अपने दोस्त डेनहम से मिला। उसने मुझे बताया कि वो पेंसिल्वेनिया वापस जा रहा है और जाते हुए वो शिप में बहुत सारा माल ले जाएगा, क्योंकि उसे वहां पर दुकान खोलनी है। उसने मुझे अपनी दुकान में कलर की जॉब का ऑफर किया। साथ में ये भी कहा कि एक बार मैं अगर ट्रेड बिजनेस में अच्छा सा नॉलेज ले लूं, तो वो मुझे उसके लिए भी प्रमोट करेगा। मुझे उसका प्रपोजल अच्छा लगा। वैसे भी मैं लंदन से थोड़ा बोर हो गया था और पेंसिल्वेनिया में मैंने अच्छा टाइम स्पेंड किया था। मैं सालाना 50 पाउंड के लिए मान गया। मैंने प्रिंटर को हमेशा के लिए बाय करने का इरादा कर लिया, पर तभी मुझे कहीं से बुलावा आया, सर विलियम विडहम से। उन्होंने मेरा नाम एक अच्छे स्विमर के रूप में सुना था कि कैसे मैंने एक बार चेल्सी से ब्लैक फायर तक का सफर तैयार कर तय किया था। उन्होंने मुझे अपने बेटे को स्विमिंग सिखाने के लिए कहा। मुझे यह सुनकर जैसे शॉक लगा, पर अच्छा वाला शॉक। दिमाग में यह विचार आया कि क्यों ना मैं स्विमिंग स्कूल खोलूं। यह विचार इतना मजबूत था कि अगर पहले आया होता तो मैं रुक ही जाता, पर अब मुझे जाना था। इस तरह मैंने लंदन में 18 महीने निकाले। ज्यादा पैसे मैंने ड्रामा देखने और बुक्स खरीदने में ही खर्च किया। मेरे दोस्त का भी मेरे ऊपर उधार था, पर मुझे इसका कोई अफसोस नहीं। मैंने लंदन छोड़ दिया। हम 11 अक्टूबर 1726 को फिलाडेल्फिया में उतरे। यहाँ चीजें पहले जैसी नहीं रही थी। विलियम कीथ अब गवर्नर नहीं था। वो मुझे एक कॉमन मैन की तरह रस्ते में मिला, पर उसने मुझसे नजरें चुरा ली। इसी तरीके से मैंने मिस रेड से आंखें चुराई, क्योंकि अब वो शादीशुदा थी। उसके दोस्त के मनाने पर उसने शादी कर ली, पर दुर्भाग्य से शादी लंबी नहीं चली और उसका पति किसी और शहर चला गया। कैमर ने नया घर ले लिया था। उसने प्रिंटर के साथ अब स्टेशनरी की दुकान भी खोल ली थी। मैं डेनहम के साथ रहने लग गया। हमने अपनी दुकान खोली, पर हमारी पार्टनरशिप लंबी नहीं टिक पाई। 1727 के फरवरी में हम दोनों प्लेरसी से बीमार पड़े। मैं तो ठीक हो गया, पर वो वापस नहीं उठ पाया। उसने मेरे लिए एक छोटी सी रकम छोड़ी,
उसका स्टोर उसके बच्चों के हिस्से में आया और मैं उनसे अलग हो गया। मेरे जीजा जी ने मुझे फिर से प्रिंटर के बिजनेस में आने के लिए कहा। मैंने कई मर्चेंट के पास कलर की नौकरी करने की कोशिश की पर प्रयास सफल नहीं हुआ। अंत में मैं कैमर के प्रिंटर में वापस आ गया। उसने मुझे पूरा प्रिंटर संभालने के बदले अच्छा पैसा देने का वादा किया। प्रिंटर में अब नए लोग थे, यू मेरेडिथ, स्टीफन पॉट्स, जॉर्ज वेब्स और हैरी डेविड, सब एक से बढ़कर एक नमूने थे। मुझे अब जाकर पता चला कि क्यों कैमर ने मुझे अच्छी सैलरी देकर रखा था, क्योंकि मुझे ऐसे लोगों के साथ काम करना था जो प्रिंटर के काम के लिए एकदम नए थे। पर मैंने इसे एक चैलेंज की तरह लिया और थोड़े ही टाइम में प्रिंटर सही चलने लग गया। इन सब में से जॉर्ज वेब ने मेरा ध्यान खींचा। वो एक ऑक्सफोर्ड स्कॉलर था। मैं सुनकर सरप्राइज हुआ और ये देखकर उसने अपनी कहानी मुझे सुनाई। और जब वो ग्रामर स्कूल में पढ़ता था तब औरों से बहुत आगे था। एक बार उसने विटी क्लब में एक ड्रामा किया जिसमें कई कविताएं जॉर्ज ने लिखी थी। वो दूसरे दिन न्यूज़पेपर में छपा और लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, जिसकी वजह से उसे ऑक्सफोर्ड में पढ़ने का इन्विटेशन मिला। वो ऑक्सफोर्ड तो चला गया पर वहां का कल्चर उसे पसंद नहीं आया। एक बार स्कॉलरशिप मिलने पर वो सीधा ऑक्सफोर्ड छोड़कर लंदन आ गया, पर वहां वो गलत संगत में पड़ा और सारे पैसे गवा दिए। एक दिन इस हाल में उसे फिलाडेल्फिया आने का ऑफर मिला और उसने बिना कुछ देखे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। मैं उसकी ये बात सुनकर दंग रह गया कि कैसे एक स्कॉलर स्टूडेंट ऐसे फंस गया। उन सब के साथ मेरी अच्छी जमने लगी। मैंने प्रिंटर में भी कई सुधार किया जिससे प्रिंटर को फायदा भी हुआ, पर ये बात किसी को पसंद नहीं आ रही थी और वो था इस प्रिंटर का ओनर केमर। उसने मनी मन मुझे निकालने का फैसला कर लिया था। आखिर केमर को मुझसे ऐसी क्या तकलीफ हुई थी। केमर का प्रिंटर पहले से अच्छा परफॉर्म करने लगा था। मैं उसे अपना प्रिंटर मानकर ही चला रहा था, पर वो कहते हैं ना, तुम लाख अच्छी चीजें कर लो, एक बुरी बात को ही लोग पकड़ते हैं। केमर को लगा कि वो मुझे जरूरत से ज्यादा सैलरी दे रहा है। जब 6 महीने के बाद दूसरे पेमेंट की बारी आई तो उसने मुझे सुनाया कि कैसे बाकी के प्रिंटर में काम करने वाले लोग रिजनेबल पैसे लेते हैं। मैंने चुप्पी साधी और काम करता रहा, पर एक दिन उसने कुछ ज्यादा ही कर दिया। वो प्रिंटर हाउस के बाहर आकर चिल्लाने लगा। सब लोग जब बाहर आए तब पता चला कि वो मेरे लिए भला बुरा कह रहा है। जब मैंने सामने से कुछ रिप्लाई दिया तो उसने मुझे निकल जाने का ऑर्डर दिया। मैंने अपनी हैट ली और चुपचाप वहां से निकल आया। शाम को मेरेडिथ मुझे मिलने आया। उसने मुझे बताया कि कैमर की हालत बहुत खराब है और उसने स्टेशनरी की दुकान में भी लॉस देखा है। उसके साथ मेरेडिथ ने मेरे सामने एक और प्रपोजल रखा कि उसके पिताजी एक अमीर आदमी है और वो अपना एक प्रिंटर शुरू करना चाहते हैं। मेरेडिथ ने मुझे रिक्वेस्ट की मैं उस प्रिंटर को संभालूं। मैं उसके पिताजी से मिला। उन्होंने मुझे इस प्रपोजल के लिए मोटिवेट किया और साथ ही मेरेडिथ की ड्रिंकिंग की हैबिट के बारे में भी बताया। उन्होंने मुझे कहा कि वो मेरे भरोसे प्रिंटर हाउस खोलना चाहते हैं। मैं एग्री हो गया और उनको जरूरी सामान की लिस्ट बनाकर दे दी। सामान को आने में अभी टाइम लगने वाला था और तब तक मुझे कोई और जगह काम ढूंढना था। पर लक कहो या कैमर का हार्ट चेंज, उसने मुझे एक लेटर लिखा जो कि बहुत ही हम्बल भाषा में थी। उसने मुझे कहा कि दोस्तों में लड़ाई तो होती रहती है और मुझे ये सब नहीं मानना चाहिए। उसने मुझे काम पर फिर से बुलाया। मेरेडिथ ने भी मुझे जाने की एडवाइस दी और मैं कैमर के पास फिर से आ गया। इस बार हमारे बीच सब कुछ सही से चला। उसके साथ मैं बिजनेस के सिलसिले में बर्लिंगटन भी गया। वहां हमारे साथ असेंबली के लोग भी रहते थे, ये देखने के लिए कि हम जरूरत से ज्यादा दस्तावेजी पेपर ना प्रिंट करें। इस तरह से मैं कई बड़े लोगों से वहां मिला और उनसे दोस्ती भी की। इससे पहले कि मैं अपने बिजनेस के बारे में और बताऊं, मैं उस वक्त के अपने थॉट्स और प्रिंसिपल के बारे में बताना चाहता हूं। बचपन से मेरी माँ और पिताजी इन्फ्लुएंस किया, जैसे कि रॉल्फ और कॉलिंस। मेरा मानना था कि संसार में बुरा या भला कुछ नहीं होता, बस लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू होता है। अगर ऊपर उठकर देखें तो सब भगवान की क्रिया ही होती है। मुझे उस वक्त ये बहुत इंटेलिजेंट विचार लगा था, पर अब सोचने पर डाउट होता है। हम 3 महीने में फिलाडेल्फिया आ गए और जैसे ही इन्वेंट्री का सामान आया मैंने कैमर से हिसाब कर लिया। उसके प्रिंटर को छोड़ मेरेडिथ के साथ अपना प्रिंटर शुरू करने में लग गया। हमने मार्केट के पास में एक घर लिया पर उसका रेंट बहुत ज्यादा था, सालाना 24 पाउंड। तो हमने थॉमस गॉडफ्रे नाम के कांच का बिजनेस करने वाले व्यक्ति के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। उनको घर की रिक्वायरमेंट थी और हमें कोई किराएदार की। वो अपने फैमिली के साथ यहां बसने आ गए।
मेरे फ्रेंड सर्कल की वजह से प्रिंटर खुलते ही हमने बड़े लोगों को आते देखा। हमें अच्छे खासे कॉन्ट्रैक्ट मिलने लगे और हमारा प्रिंटर चल पड़ा। तुम भी ऐसे लोगों से जरूर मिले होगे जो मेढक जैसे बकबक करते रहते हैं, वो भी सिर्फ बुरी बातें। ऐसा एक आदमी था, सैमुअल मिकल। वो एक दिन कहीं से हमारे प्रिंटर पर आ पहुंचा और उसने अपनी बेतुकी बातें शुरू की। उसने बताया कि इस शहर में एक नया बिजनेस खोलने वाले शायद स्टूपिड ही होंगे, क्योंकि अब इस शहर में कुछ नहीं रखा। आधे से ज्यादा लोग कर्ज में हैं, जहां देखो वहां रूम्स खाली पड़े हैं। कोई नए किराएदार बाहर से नहीं आते। मैं उसकी बातें सुनकर थोड़ा सोच में पड़ गया और अपने डिसीजन को फिर से परखने लगा। पर मुझे बाद में किसी ने बताया कि यह सिर्फ बोलने में स्मार्ट है, उसका काम ही है लोगों को परेशान करना। मैं तुम्हें बीच में एक बात बताना फिर भूल गया कि पिछले साल से हम एक क्लब चलाते थे कुछ इंटेलिजेंट और क्यूरियस लोगों का। उस क्लब को हम जुंटो कहते थे। हर शुक्रवार को हम सब मिलते थे और किसी भी बात पर डिस्कशन करते थे, फिर चाहे वो पॉलिटिक्स हो या फिर फिलॉसफी। 3 महीने में एक बार सबको अपने किसी फेवरेट विषय पर लिखकर बोलना था और सबसे मेन एक्टिविटी किसी भी मुद्दे पर डिबेट। उसका इंटेंशन कोई लड़ाई झगड़ा या सामने वाली पार्टी से जीतना नहीं होता था, पर उस वक्त के कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक के पीछे का रीजन या सच ढूंढने का था, उन पर अपने विचार प्रकट करने का था। उस ग्रुप के पहले मेंबर भी बड़े इंटरेस्टिंग लोग थे। जोसेफ ब्रेंटल, जो कविताओं का बड़ा फैन था, थॉमस गॉडफ्रे, जो हमारे साथ रहता था और मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा था, हेडली क्रॉइंट की इनोवेंशन उसने ही दी थी, और विलियम कोलमैन, जो कि एक मर्चेंट के लिए कलर का काम करता था। उसको आप फिलॉसफी, मोरलिटी या पॉलिटिक्स के बारे में कुछ भी पूछ सकते थे। वो इतना हम्बल और इंटेलिजेंट व्यक्ति था। उसके साथ रहकर मैंने बात करने की स्किल सीखी। हमारी दोस्ती 40 सालों तक चली। इस तरह क्लब का मेरे जीवन में इस वक्त पर बड़ा इम्पैक्ट था। एक बार एक बहुत बड़ा ऑर्डर आया, जिसका आधा काम हमें और बाकी का कैमर के प्रिंटर को मिला। हम तब रात को 11 बजे तक काम करते थे। हमारे नेबर्स ने कई बार सो जाने के वक्त भी हमें काम करते देखा था। जब हमने ये प्रिंटर खोला था, सबने कहा था कि ये नहीं चलने वाला, क्योंकि शहर में कैमर और ब्रेडफोर्ड दोनों का प्रिंटर पहले से है। पर अब लोगों का ओपिनियन बदल चुका था और उसका कारण था हमारा हार्ड वर्क। जॉर्ज बेब, जो कैमर के प्रिंटर में काम करता था, उसने हमारे पास आकर काम की मांग की। हमारे पास वैकेंसी नहीं थी, तो हम उसे कोई काम नहीं दे पाए। पर मैंने उसे एक सीक्रेट बात बताई कि मैं थोड़े टाइम में एक न्यूज़पेपर शुरू करने वाला हूं और तब उसे काम मिल जाएगा। शहर में सिर्फ ब्रेडफोर्ड का छापा पेपर ही चलता था, तो ऐसे में मैं अपना पेपर शुरू करूं तो अच्छी खासी इनकम हो सकती थी। पर जॉर्ज के पेट में ये बात नहीं रही और उसने ये बात कैमर को बता दी। कैमर ने बिना कुछ सोचे न्यूज़पेपर चालू करने का डिसीजन ले लिया और जॉर्ज को उसमें काम देने का वादा किया। उस टाइम मैं ब्रेडफोर्ड के न्यूज़पेपर में आर्टिकल भी लिखा करता था। कैमर ने न्यूज़पेपर चालू तो कर लिया था, पर उसे ठीक से चला नहीं पाया। बस 3 महीने में 90 लोग उसके सब्सक्राइबर बने थे। उसने हार कर मुझे न्यूज़पेपर बेचने की बात की और मैंने अच्छी अपॉर्चुनिटी देख उसे खरीद लिया, और यह फैसला आगे जाकर मेरे लिए काफी फायदेमंद साबित हुआ। हमारे पहले पेपर ने ही लोगों को अट्रैक्ट किया। हमने अच्छे वाले पेपर और इंक का इस्तेमाल किया था, जो पहले शहर में कभी नहीं हुई। पर मेरे कुछ आर्टिकल्स का विरोध भी हुआ, जैसे गवर्नर बर्नेट और मैसाचुसेट्स असेंबली के बीच के झगड़े के ऊपर मेरा लेख कई लोगों को पसंद नहीं आया और हमें शहर के बड़े लोगों का हार्श रिएक्शन भी झेलना पड़ा। पर पहली बार न्यूज़पेपर ऐसे आदमी के अंडर था जो लिखना भी जानता था, तो हमारे सब ग्राहकों को पेपर पढ़ने में एक अलग ही आनंद आता था। पर अब नई प्रॉब्लम आई। मेरेडिथ के पिताजी ने जितने पैसे देने का प्रॉमिस किया था, उनमें से सिर्फ आधे ही दे पाए, और मर्चेंट जिसने सारा सामान लेकर दिया था, उसने हम पर केस कर दिया। हमें बेल तो मिल गई, पर इस परेशानी का कोई हल नहीं मिल रहा था। तभी मेरे दो दोस्त मेरे पास आए। वो एक दूसरे को जानते नहीं थे, पर एक ही बात करने आए थे कि मेरेडिथ उनको रास्ते में मिला था दारू पी हुई हालत में। उन्होंने मुझे सलाह दी कि मुझे जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो मेरे हार्ड वर्क को पानी में मिला देगा। मैंने मेरेडिथ को बुलाया और उसे सब समझाया कि किस तरह उसका बिहेवियर और ड्रिंकिंग हैबिट हमारे काम में बाधा डाल रहा है, और ऐसा चलता रहा तो मैं सब उसके हवाले छोड़कर चला जाऊंगा। पर मेरेडिथ ने उल्टी राह पकड़ी। उसने बताया कि उसे इस बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो बस अपने पिताजी के कहने पर यह कर रहा है। उसे असल में अपने पुराने व्यवसाय यानी कि फार्मिंग करनी है।
अगर मैं उसे इतने पैसे दे दूं जिससे वो अपने पिताजी का कर्जा चुकाकर अपने लिए कुछ लैंड खरीद सके, तो ये पूरा प्रिंटर मेरे नाम कर देगा। मुझे डील अच्छी लगी और उसे उसके हिस्से के सारे पैसे चुका दिए। उसने अपने पिताजी का कर्ज चुकाया और फार्मिंग करने के लिए नॉर्थ कैरोलिना चला गया, जहां सस्ते दामों में जमीन मिलती थी। उसके बाद उसने मुझे 2 सालों तक लेटर्स भी लिखे। जैसे ही मेरेडिथ चला गया, मैंने मेरे 2 दोस्तों को बुलाया और उन्होंने मुझे जितना पैसा क्रेडिट देने के लिए कहा था उसका सिर्फ आधा ही लिया। मैंने उन पैसों से प्रिंटर का कर्जा चुकाया और प्रिंटर पूरी तरह से मेरा हो गया। 1729 का वो साल था जब मैंने अनाउंसमेंट की कि प्रिंटर में अब कोई पार्टनरशिप नहीं है। अब इस वक्त के बाद लोगों में यह चर्चा होने लगी कि पेपर मनी यानी कि नोटों का मार्केट में सरकार के द्वारा बढ़ावा होना चाहिए। ज्यादातर ऐसे लोग जो क्रेडिट देने वाले बिजनेस में थे, उनको यह प्रस्ताव पसंद नहीं था, यह सोचकर कि यह कदम अभी जो अमीर हैं उनके खिलाफ जा सकता है। हमने इस मुद्दे पर हमारे क्लब जूंटो में डिस्कस किया। उस दौरान मैं नोटों को मार्केट में लाने के पक्ष में था, यह सोचकर कि 1723 में ऐसा करने से कई बिजनेस को फायदा हुआ था और लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिला था। ऊपर से मार्केट को चलाए रखने के लिए भी यह जरूरी था। यह कितना फायदेमंद होने वाला था? क्या इससे लोगों की स्थिति में कोई चेंज आएगा या यह भी एक खोखला सपना बनकर उठ जाएगा? अब यह तो वक्त ही बता सकता था। आज के वक्त की तरह क्या नोटों को मार्केट में डालना उस वक्त भी फायदेमंद रहा होगा? गवर्नमेंट द्वारा मार्केट में पैसा डालने या ना डालने के डिसीजन पर हम सिर्फ डिबेट कर सकते थे, पर मेरे स्वभाव के अनुसार मैं यहीं नहीं रुका। मैंने उनिनिमस नाम से एक पंपलेट निकाला और उसमें मेरा लिखा आर्टिकल नेचर एंड नेसेसिटी ऑफ पेपर मनी प्रिंट किया। शहर के कॉमन लोगों को यह बहुत अच्छा लगा, पर अमीर लोगों को पसंद नहीं आया। पर उनके पास ऐसा कोई राइटर नहीं था जो इसका लॉजिकल आंसर दे सके, इसलिए असेंबली में सबको ये मानना ही पड़ा। मेरे कुछ दोस्त असेंबली में थे, उन्होंने मुझे इसका रिवॉर्ड देने के लिए यह प्रपोजल रखा कि नोटों को प्रिंट करने का काम मुझे मिले। मेरे अच्छे राइटर होने का एक और एडवांटेज मुझे इस तरह हुआ। फिर तो ये नोटों का स्टॉक बढ़ता ही गया, पहले 55,000 पाउंड, उसके बाद 80,000 पाउंड और युद्ध की कंडीशन में तो 350,000 पाउंड तक पहुंच गया। मुझे लगा कि इससे ज्यादा पैसों का स्टॉक नुकसान भी कर सकता था। इसके साथ ही बिजनेस, बिल्डिंग और दूसरी चीजों की कीमत भी बढ़ने लगी। लगे हाथ मिस्टर हैमिल्टन ने मुझे न्यू कैसल की नोट्स छापने का कॉन्ट्रैक्ट भी दे दिया। जब बिजनेस इतना अच्छा चल ही रहा था तो मैंने स्टेशनरी के सामान का काम भी चालू कर लिया। मेरे दोस्त ब्रेटनल का मुझे उसमें साथ मिला। मैंने अपने साथ एक अप्रेंटिस भी रख लिया। धीरे धीरे मैंने अपना कर्जा चुकाना चालू किया। उसी दौरान मुझे पता चला कि केमर ने अपने बिजनेस में बड़ा घाटा खाया है और वो ये सब बेचकर बारबाडोस चला गया है। उसके बाद डेविड हैरी, जो केमर का अप्रेंटिस था, उसने अपना खुद का प्रिंटर खोला। नए स्टूडेंट के साथ उसने अपने प्रिंटर को अच्छा जमाया। मुझे उस पे पहले भरोसा नहीं था कि वो उसे चला पाएगा, पर उसने कर दिखाया। मैंने उसे एक चिट्ठी भेजकर अपने साथ पार्टनर बनने का प्रपोजल रखा, पर उसने रिजेक्ट कर दिया। वो अच्छे कपड़े पहनकर अदब के साथ चलता था, पर अपनी ऐसी इमेज बनाने के चक्कर में उसने बिजनेस पर इतना ध्यान नहीं दिया और बिजनेस लॉस करने लगा। धीरे धीरे उसको भी लगा कि वो ये बिजनेस को नहीं संभाल पाएगा और सब बेचकर बारबाडोस केमर के पास चला गया। वहां उसने केमर के पास रहकर यही काम किया, पर कुछ समय बाद केमर से उसका झगड़ा होने लगा और वो वापस आ गया। अब फिलाडेल्फिया में मेरा एक ही प्रतिस्पर्धी था, ब्रेडफोर्ड। वो बिजनेस को बहुत ही आसानी से करता था, उसको कमाने की कोई जल्दी नहीं थी, बस अपना काम करना जानता था। उसका बाकी काम तो मेरे जितना ही था, पर न्यूज़पेपर का काम मेरे से ज्यादा चलता था। वो न्यूज़पेपर पोस्ट से भेजता था, मैंने भी पोस्ट से पेपर भेजने का प्रयास किया, पर लोगों को अभी भी उसी का पेपर अच्छा लगता था। फिर मैंने एक गंदा तरीका अपनाने का सोचा। मैंने पोस्ट को ले जाने के लिए घुड़सवारों को रिश्वत दी ताकि वो मेरे पेपर अलग से ले जाए। ब्रेडफोर्ड को जब इसके बारे में पता चला तो वो बहुत अपसेट हुआ, पर जब मैंने अपने आपको उसकी जगह पर रखकर सोचा और मुझे पता चला कि मैंने कितना गलत किया, मैंने इसे फिर से ना दोहराने की कसम खाई। इसी टाइम पर मेरे साथ एक और घटना घटी। मिस्टर गॉडफ्रे, जिनका साथ हमने घर लिया था, उनकी पत्नी ने अपनी किसी रिलेटिव की बेटी का हाथ मेरे लिए मांगा। उन्होंने मेरी जान पहचान करवाई और लड़की के घर वालों ने मुझे अपने घर बुलाया। जब उन्होंने हम दोनों को अकेले बात करने के लिए कहा तो मैंने अपनी बात उसके सामने रख दी। मैंने लड़की से कहा कि मुझे मेरे प्रिंटर का कर्जा चुकाना है और उतना पैसा मुझे शादी के गिफ्ट में चाहिए। लड़की समझदार थी, उसने कहा वो इतना खर्च नहीं कर सकते,
तो मैंने उसको उनका घर गिरवी रख देने का सुझाव दिया। लड़की ने आगे कुछ नहीं कहा। अब जब 2-3 दिन बाद उनका जवाब आया, तब मुझे पता चला कि उन्होंने ब्रेडफोर्ड से पूछताछ की और इस तर्क पर पहुंचे कि प्रिंटर का बिजनेस इतना फायदेमंद नहीं था। ऊपर से कैमर और हैरी का एग्जाम्पल भी सबके सामने ही था। जो भी कहो, हमारी शादी की बात आगे नहीं बढ़ पाई। आगे भी मिसेज गॉडफ्रे ने और रिश्ते मेरे लिए ढूंढे, पर मैंने सबको ना बोल दिया। मेरी ये बेरुखी उनको समझ नहीं आई और हमारी लड़ाई हो गई। मिस्टर गॉडफ्रे का परिवार दूसरे घर में चला गया और मैं इस घर में अकेला रह गया। मिस्टर गॉडफ्रे की फैमिली तो चली गई, पर मेरे दिमाग में शादी का भूत छोड़ गई। मैंने और जगह भी अपनी शादी के लिए बात चलाई, पर मुझे पता चला कि प्रिंटर के बिजनेस को कोई इतना बड़ा नहीं मानता, और ऊपर से जो मैं पैसे मिलने की एक्सपेक्टेशन लिए बैठा था वो तो कभी पूरी नहीं हो सकती। मैंने शादी की होप छोड़ दी, पर मुझे नहीं पता था मेरी लाइफ में मेरा पास्ट फिर से वापस आएगा। मिस्टर रेड के साथ अभी भी मेरे अच्छे रिलेशंस थे और वो मुझे कभी कभी डिनर पर बुलाया करते थे। उस वक्त मिस रेड से भी मीटिंग होती थी, पर वो अब पहले जैसी मुस्कुराते हुए नहीं मिलती और कम बातें करती थी। मुझे ये देखकर उन पर दया आती थी। एक दिन मैंने उनसे माफी मांगी कि कैसे लंदन जाकर अपना शादी का प्रॉमिस तोड़ दिया और उनकी यह हालत हो गई। उनकी मां ने बताया कि उसकी इस कंडीशन की रिस्पॉन्सिबल वो मुझसे ज्यादा खुद को मानती है। जब मैं वापस लौट कर नहीं आया, तब मिस रेड ने ही किसी और से शादी की बात छेड़ी थी। उनकी माँ की वजह से हमारे बीच की दूरी खत्म हुई और हम वापस पहले की तरह मिलने लगे। हम दोनों में पहले वाला प्यार फिर से जग उठा। उनकी एक बार शादी हो चुकी थी और हमें लगा था कि सोसाइटी हमारा रिलेशन समझ नहीं पाएगी, पर हमने हिम्मत की और सबको रेडी कर लिया। 1 सितंबर 1730 को वो मेरी वाइफ बनी और आगे जाकर एक फेथफुल पार्टनर साबित हुई। इस दौरान हमारे क्लब की मीटिंग मिस्टर ग्रेस के घर पर होती थी। उसमें मैंने प्रपोजल रखा कि हम सब वैसे भी बुक्स पढ़ने के शौकीन हैं और सबके पास अलग अलग जॉनर की बुक्स होंगी, तो क्यों ना हम सब अपनी अपनी बुक्स लाकर एक जगह पर रखें, जैसे कि एक छोटी सी लाइब्रेरी। इस प्रकार से सभी को एक दूसरे की बुक्स पढ़ने का मौका मिलेगा। सब अपनी बुक्स ले आए। हमने जितनी सोची थी उतनी बुक्स तो इकट्ठा नहीं हो पाई, पर हम इस नई शुरुआत से खुश थे। लेकिन आगे जाकर इन बुक्स की केयर को लेकर बहस होने लगी। हम सब ने यह एक्सपेरिमेंट बंद करने का सोचा। सभी लोग लगभग 1 साल तक चलने वाले इस आइडिया को बंद करने के पक्ष में थे, पर इस चीज से हमें आगे जाकर फायदा होने वाला था। मैंने यही चीज सबके लिए करने का फैसला लिया, यानी कि पब्लिक लाइब्रेरी। हमारे जूंटो क्लब के मेंबर्स ने साथ में इन्वेस्टमेंट करके मंथली और ईयरली बेसिस पर लोगों के लिए लाइब्रेरी खोली। थोड़ी ही वक्त में यह अमेरिका की एक बड़ी लाइब्रेरी बन गई। इस लाइब्रेरी ने कई आम लोगों के लिए भी नॉलेज का ट्रेजर खोल दिया। यहां तक जो आपने मेरी स्टोरी सुनी वो मैंने अपने बेटे को लिखी थी। मैं बस अपने चाइल्डहुड, इन्फ्लुएंशियल लोग और मेरे कुछ कामों को अपने बेटे को बताना चाहता था, पर ये जिस जिसने पढ़ा उन्होंने मेरी होप से कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दी, और मुझे ऐसे लेटर्स मिलने लगे जो मुझे आगे लिखने के लिए मोटिवेशन दे रहे थे। उसमें से 2 लेटर्स के बारे में मैं यहां पर सुनाना चाहूंगा। पहला था मिस्टर एबल जेम्स का। उसने बड़ी हिम्मत दिखाकर मुझे लेटर लिखा, क्योंकि उसका लेटर ब्रिटिशर्स के हाथों में पढ़ने का डर था। पहले तो उसने मेरी राइटिंग की तारीफ की और ये मेरी बायोग्राफी सिर्फ मेरे बेटे की ही नहीं पर लाखों अन्य लोगों को मोटिवेट करने के काबिल है, मुझे ये कहकर नवाजा। उसके पास मेरे हाथों से लिखी कॉपी थी। अंत में उसने कहा कि अभी यंग लोगों के पास कोई आइडियल नहीं है जिनकी तरह वो बन सके, पर अगर मैं अपनी ऑटोबायोग्राफी पूरी लिखूं तो मैं देश सेवा का काम भी कर सकूंगा। मेरे लिए उसके ये वर्ड्स बड़े रिस्पेक्टफुल थे। दूसरा खत था मिस्टर बेंजामिन बॉगन की तरफ से। उन्होंने मेरे लिए इतना लंबा लेटर लिखा कि उनके इस रिस्पेक्ट के लिए पहले तो मैं उनको थैंक्स बोलना चाहता हूँ। उन्होंने लिखा कि आपकी लाइफ इतनी डिफरेंट और इंटरेस्टिंग है कि अगर आप इसे पब्लिश नहीं करेंगे तो कोई और कर देगा, और अगर आप करोगे तो इसका फायदा ये होगा कि वो अच्छी तरह से लिखा जाएगा, क्योंकि दूसरा कोई इसे इतनी सीरियसली नहीं लेगा। स्कूल में जो सिखाते हैं वो एक तरह से लिमिटेड नॉलेज है और सिर्फ पढ़ने के काम आता है, उससे जिंदगी में कोई भी फायदा नहीं होता, पर आपने जो जिया है वो लोगों को रियल वर्ल्ड में आने वाली मुश्किलों से लड़ना सिखाएगा। यंग एज में हम अपनी हैबिट और रूल्स बनाते हैं। यंग एज में हम अपने बिजनेस, मैरिज और अन्य रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाते हैं। यंग एज में हम अपना कैरेक्टर बिल्ड करते हैं।
इसलिए यंग एज में हम अगर अपनी लाइफ को सही टर्न दें तो आगे की लाइफ अच्छी बना सकते हैं। इसलिए आपके जीवन की मोटिवेशनल बातें अगर अभी के यंग लड़के लड़कियों को पढ़ने को मिलेंगी तो वो उनके लिए एक सेल्फ एजुकेशन की तरह काम करेगा। सबसे ज्यादा जो बात मुझे अच्छी लगी वो ये थी, आपकी जिंदगी के हर टर्न पर आपके डिसीजंस। सभी लोगों के जीवन में प्रॉब्लम्स आती हैं, पर उस वक्त पर वो क्या डिसीजंस लें उसी से उनका फ्यूचर तय होता है। आपके जीवन के हर डिसीजंस सबको कुछ ना कुछ सिखाते हैं। और आखिर में मैं आपकी राइटिंग स्टाइल, ये बायोग्राफी सिर्फ एक मोटिवेशनल बुक तक सीमित नहीं रहेगी, ये एक लिटरली डॉक्यूमेंट भी बनेगी। इससे हमारे जैसे लोग राइटिंग भी सीख सकेंगे। बेंजामिन बॉगन ने जैसे मेरी तारीफ में सब कुछ कह दिया, मैं उनका आभार किसी भी तरह से व्यक्त नहीं कर सकता। हाँ, पर इतना जरूर कह सकता हूँ कि ऐसे लेटर्स और लोगों की वजह से ही मुझे आगे लिखने का मोटिवेशन मिला। वापस अगर मैं अपनी लाइफ के इंसिडेंट्स पर आऊं तो लाइब्रेरी खुलने की वजह से मैं बहुत खुश था। एक बच्चे के सामने जैसे उसका सबसे पहला सपना हो, वैसा ही था ये लाइब्रेरी मेरे लिए। मैं हर दिन 2 घंटे अब लाइब्रेरी में बिताने लगा। वैसे भी मेरी इसके अलावा और कोई हॉबी थी ही नहीं, पर अब मैं छोटा बच्चा नहीं था, मेरे ऊपर प्रिंटर चलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। मैं एक हस्बैंड था और थोड़े ही सालों में मुझे बच्चों को पढ़ाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी थी। ऊपर से शहर में 2 नए प्रिंटर आ गए थे, उनके साथ साथ अपने प्रिंटर को चलाना और बढ़ाना था। मुझे अकेले कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी का भार नहीं लगा, पर अब ऐसा लगा कि वही मेरा लाइफ गोल है। मेरा जीवन अब नए तरीके से बदलने वाला था, आने वाली थी कुछ नई जिम्मेदारियां जिसका मुझे अंदाजा नहीं था, पर वो क्या प्रॉब्लम्स लाने वाली थी, जानने के लिए सुनते रहे। सबने ये सुना तो होगा ही कि एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। मेरे मामले में भी कुछ ऐसा ही था, वो मुझे घर संभालने के साथ साथ बिजनेस में भी हेल्प करती, जैसे कि पंपलेट को मोड़ना और पैक करना, नए लिनन खरीदना वगैरह। हमारे घर में कोई सर्वेंट नहीं था, फर्नीचर भी सबसे सस्ता वाला था। कई सालों तक मैं ब्रेकफास्ट में ब्रेड और दूध ही लेता था। हम एक सिंपल लाइफ जीते थे। हमेशा मैं मिट्टी के बाउल और स्टील के चम्मच का यूज करता था, पर एक दिन मैंने देखा कि मेरे लिए ब्रेकफास्ट चीनी मिट्टी से बने बाउल में आया है और उसके साथ चांदी का चम्मच भी है। मैंने अपनी वाइफ को बुलाया और पूछा तो उसने बताया कि ये काफी एक्सपेंसिव है, पर प्राउड से कहा कि उसका पति एक नॉर्मल चम्मच यूज करे, ये उसे अच्छा नहीं लगता। मैं हंस पड़ा। तब से हमारे घर में धीरे धीरे एक्सपेंसिव चीजें भी आने लगी। मैं एक प्रेस्बिटेरियन की तरह बड़ा हुआ था, पर मुझे रिलीजन की कुछ बातें समझ नहीं आती थी, जैसे कि भगवान का बुरे काम करने वाले लोगों से मुंह फेर लेना और उसके बाद उनका चर्च में ना जाना। वैसे भी संडे मेरी छुट्टी और रीडिंग का दिन होता था, तो मैं रिलीजियस प्रैक्टिस के लिए चर्च में नहीं जाता था। ऐसा नहीं था कि मैं भगवान में नहीं मानता था, मैं ये अंदर से मानता था कि भगवान ने यह दुनिया बनाई है और इसे चलाता भी वही है। पर सबसे ज्यादा पुण्य का काम यह है कि आप दूसरे लोगों के साथ अच्छा करो। हमारी आत्मा अमर होती है, इसलिए हमारे हर काम का फल हमें मिलेगा। इन सारी चीजों को मैं इसलिए मानता था क्योंकि मैंने हर धर्म में ये चीजें देखी थी। मैं धर्म के नाम पर होने वाली चीटिंग और हिपोक्रेसी से चिढ़ता था, पर मैं चर्च के पादरी को इनकम देने वाला जो फंड रहता था उसमें अपना हिस्सा देना कभी नहीं भूलता था। वो पादरी कभी कभी मुझसे मिलने भी आता। मैंने उसकी संगत में लगातार 5 बार संडे प्रेयर में भाग लिया। मैं उसके आगे भी ये चालू रख सकता था, पर पादरी के थॉट्स मुझे पसंद नहीं आए। वो हर मामले में लोगों के विरुद्ध ही बात करता था और ज्यादातर लॉजिकल बातों से दूर भागता था। उसका गोल लोगों को प्रेस्बिटेरियन बनाने का था, ना कि एक अच्छा सिटीजन। इसी कारण मैंने चर्च में हर संडे जाना बंद कर दिया। उसने मुझे एक बुक भी बताई थी जिसमें कुछ रूल्स थे, जैसे हफ्ते में एक दिन चर्च में पूजा के लिए रखना, रिलीजियस बुक्स रेगुलरली पढ़ना, रिलीजियस प्रेयर्स में पार्ट लेना और भगवान के सेवकों को रिस्पेक्ट देना। इन रूल्स के मैं अगेंस्ट नहीं था, पर मेरा मानना था कि इन सब से लोग अच्छे इंसान कैसे बनेंगे। मैंने कुछ सालों पहले जो भी पढ़ा था उससे मैंने अपने तरीके से प्रेयर करना शुरू किया था जो मुझे अच्छा लगे, और जो बाहर प्रेयर होती थी उसमें जाना बंद कर दिया। मुझे किसी से भी एथिकल तरीके से, यानी कि कैसे एक अच्छे इंसान की तरह जीना है, और उसका सॉल्यूशन नहीं मिला। तो मैंने इसके लिए खुद कुछ रूल्स बनाए और उसे नाम दिया द आर्ट ऑफ वर्च्यू, यानी कि अच्छे से जीने के लिए जरूरी गुणों की लिस्ट। मैंने कई बुक्स पढ़कर ये 13 गुणों की लिस्ट बनाई। पहला, भूख से ज्यादा मत खाओ और भरपेट पानी मत पियो।
दूसरी चुप्पी, मतलब तभी बोलो जब इससे खुद को या दूसरे को फायदा हो रहा हो। तीसरा अरेंजमेंट, यानी कि सभी चीजें अपनी जगह पर रखो, बिजनेस में सब चीजों को वक्त दो। चौथा रेजोल्यूशन, जो करना चाहते हो संकल्प लो और जो रेजोल्यूशन लिया है उसको पूरा करो। पांचवा, जब दूसरों को या खुद का अच्छा हो तभी खर्च करो। छठा, अपने आप को काम में बिजी रखो। सातवा, ईमानदारी, किसी को नुकसान पहुंचे ऐसा काम मत करो। आठवा, जस्टिस। नौवा, पेशेंस। दसवा, क्लीनलीनेस, मतलब साफ रहो, साफ बोलो। ग्यारहवा, पीस, मतलब हर चीज की चिंता मत करो। बारहवा, प्योरिटी। और आखिरी, पोलाइटनेस। मुझे पता था कि मैं खाने में कितना कंट्रोल कर सकता हूं, इसलिए उसको पहले नंबर पर रखा। उसके बाद नंबर आता है चुप्पी, यानी कि साइलेंस का। अगर मैं थोड़ा सा एफर्ट करूं तो मैं उस पर भी कंट्रोल कर लूंगा। मैंने एक लाल कलर के पैड पर पूरे वीक के हिसाब से 13 गुणों की लिस्ट बनाई और जब भी किसी गुण का पालन करने में मिस्टेक होती तो मैं उस पर काले कलर से मार्क करता। इस तरह से मुझे अब सब अच्छी तरह से समझ आता। एक वीक बाद जब मैंने देखा तो मैंने पहला नियम अच्छे से फॉलो किया था, पर बाकी के नियमों पर मुझे काम करना था। इसकी मैंने एक छोटी सी डायरी बना ली ताकि वो हमेशा मेरे पास ही रहे। इस छोटी सी डायरी पर मैंने कई जाने माने लेखकों के कोट्स भी लिखे, जैसे कि एडिसन की, अगर मेरे ऊपर कोई बड़ी शक्ति काम करती है तो वो मेरे गुणों से प्रसन्न हो और वो जिसके गुणों से प्रसन्न हो वो भी प्रसन्न रहे। दूसरी, सोलोमन की कहावत, जिसके राइट हैंड में टाइम है और लेफ्ट हैंड में पैसे और रिस्पेक्ट है, उसका रास्ता शांति का रास्ता और खुशी का रास्ता है। मुझे ये कोट्स बहुत ही मोटिवेट करती थी। मेरा एक गुण ऑर्डर से चलना भी है, जो मेरे दिन भर के काम को ईजी कर देता है। उसका भी एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं यहाँ देना चाहता हूँ। सुबह 5 बजे उठकर 7 बजे तक के टाइम में मुझे ब्रेकफास्ट करना है और भगवान की प्रार्थना में समय देना है। उसके बाद 12 बजे तक मुझे काम करना है, फिर 2 घंटे दोपहर में लंच, पढ़ना या अपने अकाउंट चेक करना। उसके बाद 5 बजे तक फिर से काम करना और 5 बजे के बाद म्यूजिक बजाना या फिर कोई और एक्टिविटी। पर साथ ही में आज पूरे दिन क्या किया उसका रिव्यू भी लिखता था। उसके बाद रात 10 बजे तक मुझे सो जाना है। मैंने ये तो अपनी रेगुलर लाइफ बना ली, पर मेरे बिजनेस की वजह से मुझे सबसे ज्यादा मुश्किल इसी में पड़ती। मुझे अक्सर काम को लेकर कहीं ना कहीं जाना पड़ता और मेरा पूरा प्लान स्पॉइल हो जाता। इससे मुझे एक बात याद आ गई। मेरे पड़ोस में रहने वाला एक आदमी ने लोहार से कुल्हाड़ी खरीदी, पर उसने एक बियर्ड मांग रखी। उसने कहा कि उसे पूरी कुल्हाड़ी की सरफेस उसकी धार जैसी चमकीली चाहिए। लोहार को पहले तो अजीब लगा, पर उसने हाँ कर दी। उसने कहा कि अगर वो आदमी खुद पत्थर के व्हील को घुमाएगा तो वो कुल्हाड़ी चमकीली कर देगा। वो आदमी मान गया और पत्थर को घुमाने लगा। लोहार ने कुल्हाड़ी को पत्थर के व्हील पर थोड़ा सा जोर से प्रेस किया और उस आदमी के लिए व्हील घुमाना मुश्किल हो गया। उसने कुल्हाड़ी मांगते हुए कहा, उसे बिना चमक वाली कुल्हाड़ी ही अच्छी लगती है। मैंने ये स्टोरी यहाँ इसलिए बताई क्योंकि मेरी कंडीशन भी चमकीली कुल्हाड़ी मांगने वाले आदमी की तरह हो गई थी। जब मुझे पेपर का प्लान बनाना था मैंने एक्साइटेड होकर बना लिया, पर जब डेली रूटीन टूटता है तो मैं उसका कुछ नहीं कर सकता था। पर इसका मतलब ये नहीं था कि इन हैबिट्स या गुणों में कोई कमी थी। मुझे कितने ऐसे लोग के लेटर्स मिले जिन्होंने ये सारी एक्टिविटी अच्छे तरीके से की और उन्हें अच्छे रिजल्ट्स भी मिले। मेरे गुणों की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि ये किसी भी रिलीजन से जुड़े नहीं थे। मैंने इंटेंशनली भी ये किया था ताकि कोई भी रिलीजन का इंसान इसे उपयोग में ले सके। मैं तो इसके ऊपर एक बुक भी लिखने वाला था जिसमें इन गुणों से होने वाले एडवांटेज और ना मानने पर पॉसिबल डिसएडवांटेज लिखे हूं, पर मेरी ये किताब द आर्ट ऑफ वर्च्यू लिखने का सपना अधूरा रह गया। मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैंने इन सारे गुणों को अच्छी तरह से फॉलो किया, पर मुझे इस बात की भी खुशी थी कि मैंने इनको कॉन्स्टेंटली अपने सामने और दिमाग में रखा। मैंने दूसरों से बात करने का स्टाइल बिल्कुल बदल दिया। यहां तक कि जूंटों में भी कभी भी कोई डिस्कशन होता तब मैं ऐसे वर्ड्स का यूज नहीं करता जो मुझे ऐसे दिखाए कि मैं किसी बात को जोर से पकड़ कर बैठा हूं और दूसरों की बातों को नहीं समझ पा रहा। जैसे कि मैं कभी भी कोई ओपिनियन रखते हुए उसे 100% सच नहीं बताता था, उसमें भी मैं प्लेस फॉर डाउट रखता था। अगर कोई इंसान ऐसी बात कह दे जो मेरे ओपिनियन से अलग होती थी तो मैं उसे उसी वक्त पर टोकता या करेक्ट करने की कोशिश नहीं करता था। मैं उसकी बातें पहले सुनता था और समझने की कोशिश करता था कि वो इंसान ऐसा क्यों कह रहा है। मैं खुद देख सकता था किस तरह से मैं डिस्कशन को आसानी से आगे बढ़ाता था और किसी को भी बुरा नहीं लगता था। पोलाइटनेस का एक गुण इतना चेंज ला सकता था मैंने कभी नहीं सोचा था।
क्या जिन रूल्स ने मेरा फायदा करवाया वो और लोगों के काम भी आ सकते थे? मेरी ये थियरी कैसे फेमस हुई? मेरी आर्ट ऑफ वर्च्यू की थियरी लोगों के लिए कितनी इफेक्टिव साबित हुई नहीं पता, पर उसमें से मेरे लिए सबसे ज्यादा जिस गुण ने वर्क किया था वो पोलाइटनेस। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, उसने मेरे दूसरों के साथ डिस्कशन को एकदम ही चेंज कर दिया। पहले मैं अपने विचार लोगों पर कुछ ज्यादा ही इम्पोज करता था, पर इसकी वजह से अब किसी ने भी मेरे मुंह से पिछले कई सालों से कोई कट्टर वाक्य या उनके विचारों पर कमेंट नहीं सुना। मैं कभी भी अच्छा वक्ता नहीं था, बोलने के आर्ट को मैं समझ नहीं पाया था, फिर भी पोलाइटनेस के कारण जब लोगों के सामने कुछ बोलने की बारी आती मुझे सबसे ज्यादा अप्रिसिएशन मिलता। असल में कोई भी इंसान अपने ईगो को पूरी तरीके से खत्म नहीं कर सकता। आप उसे छुपाओ, दबाओ या कम करने की कोशिश करो, पर वो कभी ना कभी दिख ही जाता है। आप हिस्ट्री में पढ़कर देखो कि कैसे बड़े बड़े लोग भी इसे दूर नहीं कर पाए और कितनी ही लड़ाइयां सिर्फ इसके कारण लड़ी गई हैं। लिसनर्स को मैं फिर से बताना चाहता हूं कि यहां तक मैंने 1949 में पेप्सी सिटी में लिखा था और आगे जो सुनाने जा रहा हूं अपने घर में रिटायरमेंट के बाद लिखा है। देखते हैं मेरी मेमोरी कितनी तेज है। मुझे आज घर में एक पुराना कागज मिला जिस पर मैंने लाइब्रेरी में पढ़ते हुए कुछ पॉइंट्स लिखे थे, जो कि इस प्रकार हैं। इतिहास की बड़ी घटनाएं जैसे कि युद्ध और क्रांति राजनीतिक पार्टियां अपने फायदे के हिसाब से बताती हैं। इन पार्टियों की विचारधारा इस पर आधारित होती है कि अभी उनको किससे फायदा हो रहा है। अलग अलग पार्टियों की अलग अलग विचारधाराएं भ्रम पैदा करती हैं। इन्हीं पार्टियों को जो लोग चलाते हैं उनके निजी विचार भी होते हैं। जैसे ही पार्टी अपनी एक विचारधारा को मानती है, उसको चला रहे लोगों के निजी विचार आपस में मतभेद लाते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो खुद के फायदे को छोड़ लोगों के फायदे के लिए काम करते हैं, और ऐसे लोग देश के लिए अच्छा करते भी हैं, पर ज्यादातर लोगों के अपने और देश के फायदे के काम अलग होते हैं और वो देश हित में काम नहीं कर पाते। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इंसानियत को सबसे ऊपर रख के चलते हैं। मेरी ऐसी इच्छा है कि ऐसे लोगों को साथ मिलाऊं और उनकी यूनाइटेड पार्टी ऑफ वर्च्यू के नाम से पार्टी बनाऊं। वो सारे लोग ऐसे होंगे जो देश हित में काम करेंगे। ऐसी भावना लेकर देश हित में काम करने वाले लोगों के साथ भगवान होते हैं और उनसे खुश भी रहते हैं। मेरे दिमाग में कितने ही सालों से ऐसे विचार घूमते रहते थे। कितनी बातों को तो मैं भूल भी गया हूं, पर इन सब बातों के बाद मेरे दिमाग में ये बात आती है कि अच्छे आदमी है कौन, कैसे उन्हें पहचाने, क्या रिलीजन को मानने वाले अच्छे आदमी होते हैं। तो इस विचार से मैंने ऐसे रूल्स भी बनाए जो मैंने सभी रिलीजन में देखे थे, जो सभी रिलीजन के लोगों को फॉलो करने पड़ते हैं। वो कुछ इस प्रकार के हैं कि सिर्फ एक ही भगवान है जिसने सब कुछ बनाया है। वो अपने हिसाब से इस दुनिया को चलाता है। उनकी हमें आदर भाव से पूजा और प्रार्थना करनी चाहिए, पर भगवान को सबसे ज्यादा अच्छी लगने वाली चीज ये है कि हम दूसरे लोगों के साथ अच्छा करें। आत्मा अमर है। भगवान अच्छे काम करने वालों को उसका फल देता है और बुरे काम करने वालों को सजा, यहां या इसके बाद। मुझे लगता है कि इन रूल्स को मानने या गुणों को फॉलो करने में कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए, और पहले इसे यंग लड़कों को फॉलो करना चाहिए। पहले इन गुणों की वो 13 वीक तक प्रैक्टिस करें, और जब वो खुद इन गुणों को फॉलो कर लें तब दूसरों को बताएं। ऐसा करने से गुणों की मर्यादा बनी रहेगी और कोई आदमी बुरी चीजें इसमें नहीं डाल पाएगा। इन गुणों का बढ़ावा धीरे धीरे और प्रॉपर गाइडलाइंस के साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक्साइटमेंट में हमने ये गुण मान लिए और आगे जाकर छोड़ दिए। इन गुणों को धारण करने वाले लोगों को हम कहेंगे द सोसाइटी ऑफ फ्री एंड ईजी। ईजी इसलिए क्योंकि बस रोज की आदतों को चेंज करके हम ये कर सकते हैं, और फ्री इसलिए क्योंकि हम इससे किसी भी तरह की बुरी चीजों से बच सकते हैं, जैसे कि कर्ज, ओबेसिटी और डिजीज। उस दौरान दो लड़के मेरे पास आए। वो इन रूल्स को फॉलो करना चाहते थे और उसकी जानकारी के लिए मेरे पास आए थे। मैंने उन्हें सारी जानकारी दे दी और कैसे उनको स्टेप बाय स्टेप इन्हें डेवलप करना है ये भी समझाया। पर आगे जाकर मेरे बिजनेस की वजह से मैं अधिक ध्यान नहीं दे पाया। मैं उनके लेक्चर्स को आगे के लिए डिले ही करता रहा और ये प्रैक्टिस बंद हो गई। पर मुझे विश्वास है कि इससे लोगों को अच्छे से अच्छा सिटीजन बनाया जा सकता है जो देश सेवा में कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं।
मैंने मेरे सारे गुणों को फॉलो करने वाले तकनीक को रिचर्ड स कैलेंडर के नाम से छापना शुरू किया। मैं उसमें वीक के हिसाब से कैसे इन गुणों की प्रैक्टिस करनी है उसकी एडवाइस देता था। समय बीतता गया, इसको पढ़ने वाले बहुत बढ़ गए और मैंने इससे अच्छी कमाई भी की। मैंने ट्रांसपोर्टेशन पर भी अच्छा खर्चा किया और दूर तक ये भेजने लगा। मैं कैलेंडर को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उसके साथ फेमस मोटिवेशनल वाक्य और कहावतें भी छापने लगा। समय के साथ ये इतना पॉपुलर हो गया कि बड़े बड़े लोग भी इसे खरीदने लगे। यहां तक कि ब्रिटेन की एक अखबार में भी इसका मेंशन हुआ। इसकी सफलता देख मैंने इसके बारे में अपने न्यूज़पेपर में भी छापना शुरू कर दिया। न्यूज़पेपर मेरे लिए लोगों से बात करने का दूसरा सोर्स था। उससे मैंने स्पेक्टेटर से कुछ लेख छापे, कुछ दूसरे राइटर्स के आर्टिकल्स, तो कभी मेरे मोटिवेशनल आर्टिकल्स छापे, तो कभी सोक्रेटिस द्वारा दी गई लर्निंग छापता। लोगों के लिए ये लर्निंग और एंटरटेनमेंट का बड़ा माध्यम बन गया। पर आगे जाकर मैंने ऐसी मिस्टेक की जिसका मैं बचपन में खुद विरोध करता था। मैंने न्यूज़पेपर में किसी भी पार्टी, ट्रस्ट या लोगों के विरुद्ध लिखना बंद कर दिया। बस अच्छी और एंटरटेनिंग बातें ही छापता। उसका परिणाम ये हुआ कि लोग तो बहुत खरीदते थे, पर देश के लिए ये नुकसानदायक था। कुछ लोग मेरे न्यूज़पेपर को रेंट से चलने वाली कैब कहते थे, जिसमें जिसको अच्छा लगे बैठ जाता था। मुझे कुछ यंग राइटर्स की ओर से विरोध झेलना पड़ा। मैंने उन्हें साफ शब्दों में सुना दिया कि मेरा पेपर सिर्फ लोगों को अच्छा फील करवाने के लिए है। उसमें कोई अपने खुद के थॉट्स छाप के पेपर का नुकसान नहीं करेगा। अगर किसी को छापना ही है तो अलग से छापे और लोगों को बांटे। मेरे ऐसे विचार देखकर छोटे प्रिंटर भी डर गए। किसी भी बड़े लोग या बिजनेस के विरुद्ध छापने से वो कतराने लगे। 1733 के साल में मैंने अपने एक साथी चार्ल्सटन को साउथ कैरोलिना भेजा। वहां कोई प्रिंटर नहीं था और हमारा बिजनेस अच्छा ग्रो हो सकता था। मैंने उसे प्रिंटर और जरूरी सामान दिया और प्रिंटर जमाया। उसके साथ मेरी पार्टनरशिप हुई थी कि इनकम का थर्ड पार्ट मुझे देना होगा, पर हिस्सा देने की बात तो दूर, वो मुझे ठीक से प्रिंटर का अकाउंट भी नहीं दे पाता था। मुझे बाद में पता चला कि वो पैसे और अकाउंट को लेकर कमजोर है। उसने प्रिंटर का लॉस कर दिया, पर उसकी डेथ के बाद उसकी विडो वाइफ ने प्रिंटर संभाला और मुझे यह देखकर इतनी खुशी हुई कि वो एक एक पैसे का हिसाब रखती थी और मुझे अपना हिस्सा भी टाइम पर पहुंचाती थी। ये बात यहां करने का मेरा इतना ही हेतु है कि फीमेल एजुकेशन को लेकर जो मेरे मन में बचपन से दुविधा थी आज दूर हो गई। अगर हम लड़कियों को ठीक से पढ़ाएं तो वो लड़कों से भी अच्छा काम कर सकती हैं और अपनी फैमिली को अच्छे से चला सकती हैं। उसके बाद 1734 में मेरे साथ एक ऐसी घटना हुई जिसने मुझे बहुत कुछ सिखाया। हमारे एरिया में आयरलैंड से एक प्रेस्बिटेरियन चर्च को मानने वाला नया पादरी आया। लोगों में उसकी ख्याति कुछ ज्यादा ही फैल गई, ये कहकर कि वो बहुत अच्छा उपदेश देते हैं। मैंने उनका उपदेश सुना और मुझे पहली बार कुछ डिफरेंट मिला। मैं उसको रेगुलरली सुनने लग गया। वो पादरी अपने अंदर चेंज लाने और गुणों को फॉलो करने पर बहुत भार देता था, पर इसका अपोजिट इफेक्ट ये हुआ कि जो ट्रेडिशनल लोग थे उनको उसकी बातें पसंद नहीं आई। वो इस पादरी के विरुद्ध में आ गए और मुझसे ये देखा नहीं गया। मैंने पादरी के सपोर्ट में लोगों को खड़ा करना शुरू किया। पादरी इतना अच्छा लिख नहीं सकता था तो मैंने उसके समर्थन में लिखा और लोगों में उसके पंपलेट्स भी बांटे। पर अनफॉर्चुनेटली एक दिन उसके अगेंस्ट खड़े होने वाले लोगों ने उसकी भूल पकड़ ली। लोगों ने कहा कि पादरी ने जो उपदेश उस दिन दिया था वो ब्रिटेन के किसी डॉक्टर फोस्टर का था और वो न्यूज़पेपर में छपा था। पादरी ने ये उपदेश चुराया है। पादरी की बहुत बदनामी हुई और उसे विरोध भी झेलना पड़ा, पर मैंने उसका साथ नहीं छोड़ा, उसके सपोर्ट में खड़ा रहा। आखिर उसने एक दिन बताया कि आज तक उसने जो भी उपदेश दिए हैं वह कहीं ना कहीं से पढ़कर ही दिए हैं, उसने खुद नहीं लिखे। मुझे सुनकर अजीब लगा, पर उसकी नीयत कभी खराब नहीं थी। मैंने उसका साथ छोड़ दिया, पर कई सालों तक पैसे के मीडियम से उसका सपोर्ट करता रहा। उस टाइम पर मुझे अचानक से अपना घर याद आया और मैं पूरे 10 साल के बाद घर गया। सब मुझे अच्छे से मिले, पर उनमें से मुझे मेरे भाई से हुई मीटिंग आज भी याद है। मैं न्यू पोर्ट में उससे मिला। उसकी हेल्थ बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी थी। हम दोनों के बीच की वो तिरस्कार भावना भी अब मिट चुकी थी। उसने मुझे बताया कि वो अपने बेटे को भी प्रिंटर के बिजनेस में देखना चाहता है, पर उसके जीते जी ये नहीं हो पाएगा, तो वो उसके जाने के बाद उसके बेटे को काम सीखने तक मैं मेरे साथ रखूं। मैंने उनसे वादा किया और उनके जाने के 10 साल बाद जब बेटा बड़ा हुआ तो मैंने उसे सब सिखाया।
मैंने मेरे भाई को तो वादा किया कि मैं उसके बेटे को सिखाऊंगा और उसे पूरा भी किया, पर मैं मेरे खुद के बेटे के लिए अच्छा पिता नहीं बन सका। 1736 का साल था वो जब मेरे 4 साल के बेटे की स्मॉल पॉक्स की डिजीज से डेथ हो गई। मुझे आज भी रिग्रेट होता है कि क्यों मैंने उसको पहले से इंजेक्शन नहीं लगवाया। मैं ये बात इसलिए छेड़ रहा हूं क्योंकि हर माँ बाप अपने बच्चे को इस बीमारी का इंजेक्शन पहले से लगवाने से डरते हैं, ये सोचकर कि कहीं उसके बाद होने वाले फीवर से बच्चे की जान ना चली जाए। पर अगर ये बीमारी हुई तो वैसे भी ये होने का डर है, तो हमें ज्यादा सेफ रास्ता यानी कि पहले से ऑपरेशन करने वाले तरीके को ही चुनना चाहिए। वो घटना मेरे लिए एक श्राप साबित हुई, पर आगे की परीक्षा अभी भी बाकी थी। पर वो क्या और कैसी परीक्षा होने वाली थी? बोस्टन में मैं अपने 13 भाई बहनों के साथ पला बढ़ा। ये बच्चा कभी नहीं सोच सकता था कि एक दिन वो पॉलिटिक्स में आएगा, पर इस जर्नी ने मुझे यहां लाकर खड़ा कर दिया। 1736 का साल था जब मुझे जनरल असेंबली का क्लर्क चुना गया। उस साल मेरे सामने कोई खड़ा नहीं था, पर उसके अगले साल एक आदमी ने मेरे सामने नॉमिनेशन भरा और लंबी स्पीच दी। ये बात अलग है कि जीत मेरी ही हुई, पर मुझे इस बात का बुरा लगा। मैंने उसका साथ पाने के लिए उसके सामने जाकर दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाया, मैंने कोई और आइडिया सोचा। मैंने उसे एक लेटर लिखा। उसकी लाइब्रेरी में एक डिफरेंट और स्पेशल बुक थी, मैंने उससे वो मांगी और उसने लेटर पढ़कर वो भेज भी दी। मैंने उसे एक ही वीक में वापस भेज दी और थैंक्स कहने के लिए पत्र भी लिखा। इस बात का असर यह हुआ कि जब हम असेंबली में अगली बार मिले तो उसने सामने से आकर मुझसे बात की और मुझे मेरे हर काम में साथ देने का प्रॉमिस भी किया। अब मैं पब्लिक कामों में ज्यादा ध्यान देने लग गया था। मैंने देखा कि एक कांस्टेबल हर स्ट्रीट में रखवाली करने के लिए रहता है, पर ज्यादातर वो रात को सोता रहता है या पीकर पड़ा रहता है। ना तो वो रात में राउंड लगाते हैं, ना ही कोई रखवाली का काम करते थे। मैंने उसके बेटरमेंट में लिखा कि कैसे हम अपनी सिक्योरिटी बढ़ा सकते हैं और लोगों के टैक्स का पैसा सही से यूज कर सकते हैं। हमारे क्लब जुंटो में इसकी बड़ी तारीफ हुई। इस पे तुरंत से कोई काम तो नहीं हुआ, पर लोगों के दिमाग में ये थॉट घुस गया और आगे जाकर उस पे अमल किया गया। उसके बाद मैंने न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल लिखा उस टाइम होने वाले फायर डिजास्टर के ऊपर। उसको लोगों ने बहुत सराहा और उसका मेरी एक्सपेक्टेशन से कुछ ज्यादा ही असर हुआ। उसकी वजह से लोगों में अपने आप ही फायर डिजास्टर से बचने की अवेयरनेस फैली। लोगों ने आग बुझाने वाले इक्विपमेंट्स बनाए और आग लगने पर कैसे एक दूसरे की मदद करनी है उस पर सूचना भी जारी की। मुझे भी इससे मोटिवेशन मिला और हमने महीने में बस एक बार इस टॉपिक के ऊपर सोचने और डिस्कशन करने के लिए मीटिंग रखने का सोचा। पर धीरे धीरे मिलने वालों की संख्या इतनी बढ़ गई कि हमें एक यूनियन बनाने की जरूरत पड़ी, ऐसा यूनियन जो फायर डिजास्टर के खिलाफ लड़ेगा। हम सब ने फंड लेकर आग बुझाने वाले साधन मंगवाए, फायर टैंक और सीढ़ी जैसे साधन भी खरीदे गए। उस यूनियन को मैंने नाम दिया यूनियन फायर कंपनी। वो कंपनी आज भी सक्सेसफुली रन कर रही है और उसकी मदद से हमने कितने ही घरों को आग में जलने से बचाया है। 1739 का वो साल था जब मुझे लगा इतिहास खुद को दोहराने वाला है। हमारे यहां आयरलैंड से एक और उपदेशक आए, मिस्टर व्हाइटफील्ड। बोलने में इतने एक्सपर्ट कि पत्थर को भी पिघला दे, पर उनके आने की वजह से चर्च और पादरी को तकलीफ होने लगी। उन्होंने व्हाइटफील्ड को चर्च के अंदर उपदेश देने से मना कर दिया, पर व्हाइटफील्ड के फैंस बहुत थे और मैं भी उनमें से एक था। सबने मिलकर एक हॉल बनाने का फैसला किया और देखते ही देखते फंड भी जमा हो गया। एक बड़ी सी जगह इसके लिए खरीदी गई और जितने समय में बाकी के काम होते हैं उसके आधे समय में यह हो गया। तब तक व्हाइटफील्ड ने अपना उपदेश खेतों में दिया, पर नए बने हॉल पर लोगों ने अपना हक नहीं जमाया। वो सबके लिए खुला था, अगर कोई और रिलीजन के लोग आकर उसमें अपनी सभा करना चाहते तो वो भी कर सकते थे। मिस्टर व्हाइटफील्ड अपना उपदेश देने के लिए जॉर्जिया भी गए, पर जिस जगह पर वो उपदेश देने वाले थे वहां बहुत गरीब और बेघर लोग रहते थे। ऐसे लोग जिनके घर जल गए हों या ऐसे बच्चे जिसके माँ बाप किसी क्राइम में जेल में हों। व्हाइटफील्ड को यह देख बड़ा दुख हुआ। उसने उन बच्चों के लिए ऑर्फनेज बनाने का फैसला किया। मेरा मानना यह था कि क्यों ना फिलाडेल्फिया में ऑर्फनेज बनाया जाए और बच्चों को जॉर्जिया से यहां लाया जाए, पर व्हाइटफील्ड ने मेरा प्रपोजल नहीं माना और मैंने उसके काम में पैसे ना देने का डिसीजन लिया
ऑफनेज के पैसे के लिए फंड जमा करने के लिए व्हाइटफील्ड उपदेश दे रहा था। मैंने बेमन से तांबे का सिक्का देने का सोचा, पर वो उपदेश इतना अच्छा बोल रहा था कि मैंने चांदी का सिक्का निकाला। पर फिर भी उपदेश सुनकर मेरा मन नहीं माना और मैंने सोने का सिक्का डाला। उसके उपदेश में कुछ अलग ही मैजिक था। व्हाइटफील्ड की आवाज क्लियर और लाउड थी और सेंटेंस को भार देकर बोलने की स्किल में वो बहुत ही आगे था। एक बार उसने कोर्ट की सीढ़ियों पर खड़े रहकर स्पीच दी। वो स्ट्रीट नंबर 2 स्ट्रीट को 90 डिग्री पर मिलती थी। मैं उसकी आवाज को चेक करने के लिए स्ट्रीट के लास्ट में खड़ा हो गया। वहां भी उसकी आवाज क्लियर सुनाई दे रही थी। मेरे आगे लोगों का ग्रुप एकदम सीरियसली उसे सुन रहा था। मैंने लोगों की संख्या का प्रेडिक्शन लगाया, पर दूसरे दिन न्यूज़पेपर ने मुझे चौंका दिया। उस दिन व्हाइटफील्ड को सुनने के लिए 25,000 से ज्यादा लोग आए थे। मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, मेरा फ्रेंड सर्कल भी बढ़ रहा था और मेरा न्यूज़पेपर भी अच्छा कर रहा था। मुझे वो कहावत याद आ गई, पहले 100 pounds कमाने में जितना वक्त लगता है, दूसरे 100 pounds कमाने में उससे आधा वक्त भी नहीं लगता। मैं खुश था, पर मेरा मन कुछ और करने को कह रहा था। मैंने अपने कैलिफोर्निया के बिजनेस की सक्सेस को देखकर वैसे ही और भी बिजनेस खोलने का सोचा। मैंने जहां भी कुछ पॉसिबिलिटी दिखे वहां अच्छे लोगों को ढूंढकर पार्टनरशिप में प्रिंटर खोलना शुरू किया। मैं पहले उन लोगों को सिखाता और फिर उनको अपने हिसाब से बिजनेस करने देता। पार्टनरशिप की ड्यूरेशन भी 6 साल की ही रहती। कहते हैं ज्यादातर पार्टनरशिप अंत में झगड़े से ही खत्म होते हैं, पर मेरे किस्से में ऐसा नहीं हुआ। ज्यादातर भागीदारी मेरे लिए प्रॉफिटेबल साबित हुई। मैं पेंसिल्वेनिया में अच्छे तरह से सेट हो गया था, पर अब मुझे एक चिंता खाए जा रही थी। हमारी कोई खुद की आर्मी नहीं थी जो अचानक से वार की कंडीशन में अपने डिफेंस के लिए लड़ सके। ना कोई अकेडमी थी और ना ही कोई स्कूल था जो मिलिट्री की ट्रेनिंग दे सके। डिफेंस की बात मेरे दिमाग में कहां से आई? मैंने देखा कि स्पेन कई सालों से ब्रिटेन के साथ युद्ध लड़ रहा है और ऊपर से हम तो फ्रांस से जुड़े हुए थे, तो हमें डिफेंस की ज्यादा रिक्वायरमेंट थी। मैंने डिसाइड कर लिया और एक पंपलेट छपवाया प्लेन ट्रूथ के नाम से। उसमें मैंने हमारी ओर से लड़ने की इनकैपेबिलिटी को बताया। पंपलेट कुछ ही दिनों में फैल गया और मुझे एक मीटिंग के लिए बुलाया गया। 1200 से ज्यादा लोग आए थे। उनके माध्यम से यह बात बाहर भी तेजी से फैल गई। मुझे मेरा सपना पूरा होते हुए दिखा। कुल 12,000 से ज्यादा लोगों ने अपने आप को भर्ती किया और हर वीक खुद ट्रेनिंग के लिए मिलने लगे। हमारी आर्मी तैयार हुई। उन्होंने मुझे अपना कर्नल बनाने का प्रपोजल रखा। मैंने मुझसे भी ज्यादा लायक मिस्टर लॉरेंस का नाम सजेस्ट किया और उन्हें कर्नल बनाया गया। उसी दौरान सबने मिलकर तय किया कि हमें बॉर्डर पर तोपें चाहिए होंगी और जब तक युद्ध की स्थिति खत्म ना हो हर रात को वहां पर सिक्योरिटी चाहिए होगी। मिस्टर लॉरेंस, मैं और कुछ और साथी मिलकर हम गवर्नर क्लिंटन के पास तोप मांगने के लिए गए। पहले तो उन्होंने मना कर दिया, पर बाद में रात के डिनर के टाइम हमारी बात सुनकर वो थोड़े से पिघले और हमें 10 तोपें देने का वादा किया। 10 तोपें, वो भी अच्छी वाली और उनके बेस के साथ। हमने तुरंत ही तोपों को भिजवाया और देखते ही देखते हमारे बॉर्डर्स पहले से ज्यादा सिक्योर हो गए। मेरे इस कदम का थोड़ा उल्टा असर भी पड़ा। मेरे असेंबली के कई दोस्त ने बताया कि मुझे इन चीजों में नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि इस तरह से मैं कई लोगों जो चर्च के मेंबर हैं उनका साथ खो सकता हूं, क्योंकि वो ऐसी वायलेंस में बिलीव नहीं करते थे। एक यंग क्लर्क ने मेरे मुंह पर कहा कि अगले इलेक्शन में मुझे हरा कर वो जीतेगा, क्योंकि कोई मेरा साथ नहीं देगा। तो ह्यूमिलेशन झेलने से अच्छा है कि मैं खुद ही रेजिग्नेशन दे दूं। पर मैंने रेजिग्नेशन नहीं दिया, ये सोचकर कि मैं जितने समय हो सके अपने मन से असेंबली की सेवा करूंगा। और लोगों ने मुझ पर ट्रस्ट दिखाया, मैं फिर से चुना गया। मुझे लगता है कि अगर वो मेरे खिलाफ है तब भी सिर्फ इसी कारण की वजह से मुझे हटाना अच्छा नहीं समझते। यहां तक कि कितने चर्च के मेंबर तो ऐसे भी हैं जो इस मिलिट्री के कदम को अच्छा मानते हैं। हमने बॉर्डर लाइन के फेंस में उसे होने वाले बैटरी बनाने का फैसला किया, पर उसके लिए हमारे पास पैसे नहीं थे। हमने हमारी फायर कंपनी यूनियन फायर कंपनी के शेयर्स को बेचने का फैसला किया और उसकी वैल्यू हमने 60 pounds रखी। पर मुश्किल ये आई कि हमारे जो अभी के मेंबर्स थे उनमें से ज्यादातर चर्च के मेंबर थे, तो कोई अपना विरोध जताने मीटिंग में नहीं आया, बस एक आदमी के अलावा जेम्स मोरिस। उसने अपने हिसाब से इसका विरोध किया। मीटिंग के बीच में और 2 मेंबर्स आए जो चर्च के सदस्य थे और उन्होंने हमें सपोर्ट देने की बात कही। मेरी हिम्मत बढ़ी और हमने मीटिंग की और अच्छे से प्रपोजल जारी किया। उसके बाद मिस्टर लोगन करके एक चर्च के सदस्य ने मेरे हाथ में 60 pounds रखकर मेरे डिसीजन की तारीफ की।
उन्होंने मुझे अपना एक किस्सा सुनाया कि कैसे मिलिट्री ट्रेनिंग हमें मदद करती है। लोगन एक बार इंग्लैंड से पानी के रास्ते आ रहा था। उस टाइम युद्ध की कंडीशन थी और उसके जहाज पर अटैक हुआ। कप्तान ने गन उठा ली और सबको नीचे जाने के लिए कहा। विलियम पेन नाम का एक बड़ा आदमी और बाकी लोग चले गए, पर जेम्स लोगन नहीं गया। वो कप्तान के साथ खड़ा रहा। बाद में पता चला कि अटैक करने वाले जहाज पर लोगन के कुछ दोस्त हैं और खतरा टल गया। पर विलियम पेन ने लोगन की बहुत तारीफ की। एक ट्रेनिंग की वजह से जहाज में जा रहे सभी लोगों की जान बच गई। आगे भी कई बार चर्च के सदस्यों से मुझे असेंबली में विरोध झेलना पड़ा, पर मैं अपनी बात पर कायम रहा। मैं भली भांति जानता था कि मिलिट्री की इंपॉर्टेंस क्या होती है। क्या अपने देश के भले के लिए मिलिट्री का बनना भी ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट हो सकता है? कैसे इतनी इंपॉर्टेंट चीज भी लोगों को बुरी लग सकती है? जानने के लिए सुनते रहें। हमारी खुद की रक्षा के लिए मिलिट्री बनाने के प्रपोजल को चर्च के मेंबर की ओर से कैसे विरोध झेलना पड़ा और कैसे इसका हमने हल निकाला, वो तो आप लोग जान ही गए। पर आगे जाकर चर्च के कुछ ऐसे भी मेंबर निकले जिनका हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने मिलिट्री की इंपॉर्टेंस को जरूरी समझा। उस दौरान मुझे एक व्यक्ति मिले, माइकल वेलफेयर, जो कि डंकर समूह के चर्च के सदस्य थे। उन्होंने मुझे अपनी तकलीफ बताते हुए कहा कि वो अब लड़ते लड़ते पूरी तरह से थक चुके हैं। वो अपना कोई भी थॉट रखने को जाए तो उन्हें सामने वाले चर्च के मेंबर से विरोध झेलना पड़ता है। मैंने उनको सॉल्यूशन बताते हुए कहा कि उनको अपनी बातों को लोगों के सामने रखने के लिए पंपलेट छपवाने चाहिए। तो उन्होंने उस पर बड़ी अच्छी बात कही जो मुझे आज भी याद है। उन्होंने कहा कि वो जो खुद भी मानते हैं आगे जाकर उनके विचार बदल सकते हैं, तो अगर वो ऐसे पंपलेट छपवाएं तो लोगों के सामने आगे जाकर स्टूपिड बन जाएंगे। मुझे ऐसे चर्च के मेंबर को देखकर खुशी हुई जो अपने विचारों को बदलने की हिम्मत रखता। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि सन 1742 में मैंने ओपन स्टोव का इन्वेंशन किया जो रूम को गर्म रखता था और उसमें ज्यादा फ्यूल की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। मैंने उसका डेमो अपने दोस्त मिस्टर रॉबर्ट्स ग्रेस को दिया, यह सोचकर कि उनकी लोहे को पिघलाने वाली फर्नेस चलती है तो स्टोव की प्लेट्स बनाने में उनको साथ लूं, क्योंकि उस स्टोव की डिमांड भी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। मैंने एक पंपलेट छपवाया जिसमें स्टोव से होने वाले सारे एडवांटेज लिखे थे और उसके नीचे स्टोव को लेकर जिसके मन में जितने भी सवाल हो सके उनके जवाब भी दिए। मेरे पंपलेट को बड़ी सराहना मिली और स्टोव की भी अच्छी सेल होने लगी। पर इसमें भी मेरा एक लॉस ही हो गया। लंदन में रहने वाले एक हार्डवेयर के शो ऑनर ने इस स्टोव को स्टडी किया और अपने हिसाब से थोड़े से चेंज करके एक स्टोव बनाया और उसकी पेटेंट करवा ली। मुझे अच्छा नहीं लगा, पर लड़ने में कोई फायदा नहीं था। ऐसी मेरी कितनी ही इन्वेंशन को लोगों ने अपना बताकर कमाई की। मैं अब शांत था, बिजनेस अच्छा चल रहा था और घर भी। मेरा स्कूल बनाने का ड्रीम फिर से जागने लगा। मैंने अपने जुंटो के क्लब मेंबर्स को बुलाया और प्रपोजल जारी किया। उन्होंने जब मेरा सपोर्ट किया तो मैंने इसके लिए भी पंपलेट छपवाए और पेंसिल्वेनिया के यंग लोगों के लिए स्कूल बनाने के लिए प्रपोजल जारी किया। मैंने उसके सारे एक्सपेंस को भी बताया कि हर एक ट्रस्टी को पी पड़ने पर हमने नई जगह लेने के लिए मीटिंग की। तब लोगों ने सजेस्ट किया कि मिस्टर व्हाइटफील्ड के उपदेश के लिए जो बिल्डिंग बनाई गई थी उसे यूज में लिया जाए। अब उस बिल्डिंग पर धर्म के कोई एक संप्रदाय का तो हक था नहीं, तो हर संप्रदायों में से एक एक व्यक्ति को चुनने का तय हुआ, जैसे कि चर्च ऑफ इंग्लैंड से एक, एक बैप्टिस्ट, एक प्रेस्बिटेरियन और एक मोरेवियन। पर आगे जाकर जब मोरेवियन के द्वारा चुने गए आदमी की डेथ हो गई तब कोई और नहीं मिला। तब किसी ने मेरा नाम ये कहकर सजेस्ट किया कि मैं किसी भी संप्रदाय को नहीं मानता हूं, तो मैं इस पोजीशन के लिए सही हूं। इस तरह से मैं इकलौता ऐसा ट्रस्टी बना जो स्कूल का भी भाग था और स्कूल की बिल्डिंग का भी। इसका फायदा लेकर मैंने कई चेंज किए और आगे जाकर वो सही साबित हुए। आगे जाकर इस स्कूल को गवर्नमेंट ने अपने अंडर ले लिया और इसके लिए दिए जाने वाले बजट की वैल्यू भी बढ़ा दी। आगे जाकर ये यूनिवर्सिटी ऑफ फिलाडेल्फिया के नाम से जानी गई। मैं उसके ट्रस्टी के रूप में तब से आज तक बना रहा, लगभग 40 साल। मैंने अपने सामने कई स्टूडेंट्स को पढ़ते, अपनी डिग्रियां लेते और अच्छे कामों में आगे बढ़ते हुए देखा। मैंने अपने आप को अपने बिजनेस से रिटायर कर दिया और फिलॉसफी या एक्सपेरिमेंट्स में अपना टाइम देने लगा। डॉक्टर स्पेंसर जो यहाँ इंग्लैंड से पढ़ाने आते थे, मैंने उनसे उनके सारे इंस्ट्रूमेंट्स खरीद लिए और अपने इलेक्ट्रिकल प्रयोग में लगा दिए। पर लोगों ने मुझे रिटायर नहीं होने दिया।
गवर्नर ने मुझे पीस कमीशन में डाल दिया। और सबसे बड़ी बात जो इस टाइम हुई वो ये थी कि शहर के लोगों ने मुझे उनके मिनिस्टर के रूप में असेंबली में चुन लिया और अब मैं वहाँ क्लर्क से मिनिस्टर बन गया। मुझे लोगों के लिए और अच्छा काम करने का मौका मिल गया। उसके अगले साल एक बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ। नेटिव अमेरिकन लोगों के साथ हमें पीस मीटिंग करनी थी। उसके लिए मुझे और मिस्टर नोरिस को चुना गया। पर हम जब वहां पहुंचे तब पता चला कि ये लोग रम के दीवाने थे और पूरे दिन रम के नशे में धुत रहते थे। हमने उनके सामने प्रपोजल रखा कि एक बार ये सभा हो जाने दें, फिर उनको जितनी चाहे रम हम देंगे, पर उसके पहले उनके लिए कोई रम अवेलेबल नहीं है। वो लोग मान गए और सभा अच्छे से हो गई। हमने अपने प्रॉमिस के मुताबिक उनके लिए रम मंगवा दी। पर जैसे ही रात हुई हमें कुछ आवाजें सुनने को मिली। हम उस जगह पर फिर से गए तो देखा कि बीच में एक बड़ी सी आग जल रही है और आसपास ये सारे लोग एक दूसरे को मार रहे हैं और लड़ रहे हैं। हम वहां से चुपचाप वापस लौट आए। दूसरे दिन उनके थोड़े से लोग हमारे पास आए और माफी मांगी। पर जाते हुए उन्होंने रम की बहुत तारीफ की, जिससे हमें थोड़ा अजीब लगा। 1749 में डॉक्टर थॉमस बांड मेरे पास एक सुझाव लेकर आए। वो चाहते थे कि शहर में एक हॉस्पिटल बने और वो बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन से सबका इलाज करें। उनका डिसीजन उस वक्त के हिसाब से बहुत नया था, तो लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाए। वो मेरे पास आए और बताया कि जिन जिन लोगों के पास वो गए सब पहले ये पूछते हैं कि फ्रैंकलिन ने क्या कहा। क्या फ्रैंकलिन को लगता है कि इसमें कोई पॉसिबिलिटी है? अगर हाँ तो वो इसे ध्यान से देखते हैं, अगर नहीं तो उसे वो रिजेक्ट कर देते हैं। मैंने डॉक्टर के प्रपोजल को मान लिया और ज्वाइन कर लिया। मैंने इसके बारे में न्यूज़पेपर में आर्टिकल भी छापे। मैंने इसका प्रपोजल असेंबली में भी रखा जो पहले ही मेंबर्स की ओर से नामंजूर हो गया। तो उससे लड़ने के लिए मैंने नया बिल बनाया कि गवर्नमेंट को 2 साल के लिए सालाना £2,000 हॉस्पिटल को चलाने के लिए देने होंगे और हॉस्पिटल की कमाई होने पर उसका आगे हिसाब होगा। अब मेंबर्स के पास प्रपोजल को पास करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। जो प्रस्ताव को मंजूर नहीं कर रहे थे उनको शर्म आई और आखिर लोगों को एक नया गिफ्ट मिला। एक सुंदर सी बिल्डिंग चुनी गई और हॉस्पिटल बना। यह सब देखकर गिलबर्ट टेनेट नाम का एक आदमी मेरे पास आया। उसने मुझे एक मीटिंग हाउस बनाने के लिए मदद मांगी। मुझे ख्याल आया कि मेरे जो पैसे देने वाले डोनर हैं उनको ये लग सकता है कि मैं छोटी छोटी चीजों के लिए पैसे मांगता हूँ। ये सोचकर मैंने उसे तुरंत ना बोल दिया। उसने ये सुन मुझसे मेरे डोनर्स की लिस्ट मांगी, पर मैंने उसके लिए भी ना बोल दिया। तो उसने मुझसे सिर्फ एक एडवाइस मांगी कि उसे क्या करना चाहिए। मैंने कहा कि तुम्हें लगता है कि जो पैसे देंगे उससे पहले मांगो, जो पैसे देने से हिचकिचाएं उनको बताओ कि दूसरों लोगों ने पैसे दिए, जिसके बारे में तुम्हें लगे कि वो पैसे नहीं देंगे उनसे एक बार मांगो, क्या पता दे दे। मेरी बात सुनकर वो हंसने लगा। उसने पैसे इकट्ठे किए और रिक्वायरमेंट से ज्यादा इकट्ठे भी हुए और देखो आज आर्क स्ट्रीट में मीटिंग हब खड़ा है। शहर में सब कुछ था, सुंदर बिल्डिंग्स, जरूरी सामान की शॉप्स और रोड भी कितने अच्छे तरीके से एक दूसरे को 90 एंगल पर मिलने वाले, पर वो अभी भी कच्ची थी। बारिश के मौसम में हालत बहुत खराब हो जाती। कभी किसी गाड़ी का व्हील फंस गया तब तो मुसीबत ही मुसीबत, और बाकी के मौसम में रास्ते पर धूल उड़ती रहती। मैंने अपने न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखकर सड़क के आसपास ईंटों से बनी चलने की जगह बनवाई। उससे हालत थोड़ी सी सुधरी, पर बाकी के जगह की सड़क वैसी ही होने के कारण ये पक्की सड़क भी गंदी होती रहती थी। थोड़े टाइम बाद मैंने ये बिल भी पास करवाया कि शहर में पक्की सड़क होनी चाहिए, फिर भी लंबे समय तक कोई काम ना हुआ। अब आगे जो मैं बताने वाला हूं उसे तुम किस्सा कहो या एक सोसाइटी रिफॉर्मेशन की एडवोकेसी, पर सड़क पर लालटेन होना चाहिए ये कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। एक दिन जब मिस्टर जॉन क्लिफ्टन ने अपने घर के बाहर एक लालटेन लगवाया तब सबको ख्याल आया कि क्यों ना ऐसी लाइट सड़क पर भी लगवाई जाए। मैंने इसके लिए लंदन से लालटेन मंगवाया जो मैंने लंदन की सड़कों पर देखा था, पर हमारा काम अधूरा मालूम पड़ा। उसमें स्मोक को निकलने के लिए कोई जगह नहीं थी तो थोड़ी ही घंटों में वो काले पड़ जाते थे। उसके बाद उनकी लाइट कम हो जाती। मैंने उसकी डिजाइन थोड़ी सी बदल दी। उसे पहले तो 4 प्लेट से घिरा हुआ बनाया, फिर ऊपर एक लंबी सी नाली निकाली और नीचे भी एक होल बनाया ताकि उसे हवा का फ्लो भी मिलता रहे। अब सड़कें चमक उठी और लंबे समय तक वैसी ही रही। एक बार जब मैं लंदन के क्रेवन स्ट्रीट में था, मेरी सुबह सुबह आंख खुल गई और मैंने देखा कि एक गरीब औरत रास्ता साफ कर रही है। मैंने उससे पूछा कि उसको किसने काम पर रखा है। तब उसने बताया कि वो अपने आप ही ये सब करती है, इस एक्सपेक्टेशन में कि कोई उसे कुछ दे दे।
मैंने उसे कुछ पैसे दिए तो उसने थोड़ी ही देर में पूरा आसपास का एरिया क्लीन कर दिया। मुझे देखकर आश्चर्य हुआ कि हम सब मिलकर थोड़े से फंड में भी शहर को कितना क्लीन रख सकते हैं और गरीब लोगों को इनकम भी मिल जाएगी। पर फिर मैंने जो देखा उससे मुझे एक नया ही आइडिया मिला। अगर रास्ते के दोनों किनारे गटर होने के बजाय सिर्फ बीच में एक हो तो कितना फायदा हो सकता है। सारा पानी अपने आप के साथ कीचड़ को घसीट ले जाएगा और किसी गाड़ी का व्हील भी उसमें नहीं फंसेगा। ऊपर से दोनों ओर गटर होने की वजह से कोई भी एक अच्छे से साफ नहीं होती। मैंने अपने हिसाब से कुछ सुधार करने के इरादे से एक लेटर लिखा और उस पे आगे जाकर अमल भी किया गया। मैं हमेशा से ये मानता आया हूँ कि मेरे किसी आइडिया की वजह से कोई एक इंसान का भी अच्छा हो तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और ऐसे सुधार के साथ तो मैं पूरे शहर के लोगों का भला कर पाऊंगा। ऊपर से लंदन मेरे फेवरेट शहरों में से एक था जिसमें मैंने कई साल गुजारे थे। आगे भी ऐसे ही मैंने खुद को पब्लिक सर्विस के नाम पर कर दिया, पर उसमें क्या तकलीफें झेलनी पड़ी। मेरे अब तक की लाइफ में मैंने ना जाने कितने ही काम कर लिए, पर क्या आप सोच सकते हैं कि मैंने पोस्ट ऑफिस में भी काम किया होगा। 1753 में मुझे विलियम हंटर के साथ पोस्ट ऑफिस के कामों को देखने और उसे चलाने के लिए चुना गया। हमें पोस्टमास्टर जनरल ऑफ इंग्लैंड की ओर से कमीशन मिलता था और अमेरिकन ऑफिस ने अब तक ब्रिटेन की ऑफिस को कुछ भी पैसे डिपॉजिट नहीं किए थे। हमें सालाना 600 पाउंड्स मिलते थे और हमें इसी से पोस्ट ऑफिस को चलाना और प्रॉफिट भी करवाना था, और उसके लिए ऑफिस में कुछ चेंजेस भी करने पड़े। उसका रिजल्ट ये हुआ कि पहले 4 साल में हम 900 पाउंड्स के डेब्ट में चले गए, पर अगले 3 साल में हमें ये ऑफिस प्रॉफिट करवाने लगा और वो भी 3 गुना। उसके बाद मुझे बदल दिया गया तो मुझे आगे उस पोस्ट ऑफिस के बारे में कुछ पता नहीं चला। पोस्ट ऑफिस के काम की वजह से मुझे न्यू इंग्लैंड जाना पड़ा और वहाँ की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने मुझे मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री से नवाजा। उसके पहले कनेक्टिकट के येल यूनिवर्सिटी ने भी मुझे ऐसी ही डिग्रियाँ दी थी। मुझे बिना पढ़े ही ऐसे ऑनर्स मिलते थे, पर वो मेरे लिए इलेक्ट्रिकल ब्रांच और नेचुरल फिलॉसफी में कंट्रीब्यूशन की वजह से था। 1754 का वो साल था जब चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी चेंज हुई। फ्रांस के साथ युद्ध शुरू हो गया और 6 कॉलोनी के सभी कमिश्नरों को राजघराने के एडवाइजरों से बुलावा आया कि उनको अल्बेनी में मिलना है। हमारे गवर्नर को जैसे ही लेटर मिला उन्होंने मेंबर्स की लिस्ट बनाई जिसमें मुझे और मिस्टर मॉरिस को मिस्टर थॉमसन पेन और मिस्टर पीटर्स के साथ जाना था। वो दोनों पेंसिल्वेनिया के कमिश्नर थे। मैंने रास्ते में वहां प्रेजेंट करने के लिए एक प्लान बनाया। उसमें ऐसा प्रपोजल था कि सारी कॉलोनी को गवर्न करने वाली एक कमेटी होनी चाहिए और ये सबकी सिक्योरिटी के लिए सही रहेगा। मैंने न्यूयॉर्क से जाते हुए मिस्टर कैनेडी और मिस्टर जेम्स अलेक्जेंडर को भी ये प्लान बताया। उन्होंने इसकी तारीफ की, पर मुझे वहां पहुंचकर पता चला कि बहुत सारे लोगों ने ऐसे प्लान ऑलरेडी बनाए हैं। इस प्लान के मुताबिक प्रेसिडेंट राजघराने के द्वारा चुना जाएगा और उसके साथ एक काउंसिल बनेगी जिसमें हर कॉलोनी का एक व्यक्ति उस कॉलोनी के द्वारा ही भेजा जाएगा। पर असेंबली ने इसे ये कहकर ठुकरा दिया कि इससे चुने जाने वाले लोगों के हाथ में कुछ ज्यादा सत्ता ही आ जाएगी और इंग्लैंड एक डेमोक्रेटिक देश है। उन्होंने एक नया प्लान बनाया जिसमें कॉलोनी के गवर्नर को ही ऑर्डर मिलेगा और गवर्नर ही अपनी काउंसिल के मेंबर्स के साथ युद्ध की स्थिति पर आर्मी की तैयारी का और उनको बॉर्डर पर जाने का आदेश देंगे। उस साल बोस्टन जाते हुए मैं हमारे नए गवर्नर से मिला, मिस्टर मॉरिस। उनके साथ मेरी पहले से अच्छी दोस्ती थी, पर मुझे पता चला कि उनकी सबके साथ बात करने में एक प्रॉब्लम थी। वो लोगों को आपस में लड़वा देते थे और किसी भी झगड़े में अपनी नाक घुसाते रहते थे। उनकी वजह से मिस्टर हैमिल्टन ने रेजिग्नेशन दे दिया था। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम है। मैंने कहा, बिल्कुल नहीं, बस आप अपने इस लोगों में फूट डालने वाली हैबिट को छोड़ दो। तो उस पे वो अपसेट हो गए कि उनकी इस हैबिट की वजह से वो लोगों से अपनी बात अच्छे से मनवा सकते थे और आसानी से काम कर सकते थे। मुझे बाद में पता चला कि उन्हें ये हैबिट अपने पिताजी से मिली है जो बच्चों के साथ ऐसा करते थे। मुझे लगता है कि ये हैबिट आपको बातचीत में जितवा तो सकती है, पर कभी भी आपके लिए किसी के मन में रिस्पेक्ट नहीं जगा सकती। फ्रांस के साथ युद्ध छिड़ने पर मैसाचुसेट्स की गवर्नमेंट ने उनके क्राउन पॉइंट पर हमला करने का प्लान किया और उसके लिए मिस्टर क्विंसी को पेंसिल्वेनिया भेजा गया। मैं उस वक्त असेंबली में था और मिस्टर क्विंसी ने असेंबली से 10,000 पाउंड की मांग की, पर असेंबली ने इसके लिए मना कर दिया। मैंने दूसरा आइडिया लगाया।
मैंने बिना गवर्नर के ऑर्डर के पैसे जुगाड़ने की सोची। मैंने लोन ऑफिस के सामने प्रपोजल रखा जो कि असेंबली के मेंबर्स रख सकते थे और उनसे पैसों की मांग की। पर उस समय ऑफिस में भी पैसे नहीं होने के कारण मैंने एक साल की ड्यूरेशन में इंटरेस्ट के साथ पैसे चुकाने का प्रपोजल रखा और मिस्टर क्विंसी को जरूरी सामान लेने के प्रपोजल को पास करवाया। उनको तुरंत क्रेडिट मिल गया। इतना ही नहीं, जिन लोगों के पास पैसा था उन्होंने अपनी ऑनेस्टी दिखाते हुए अपने हिसाब से भी पैसे दिए। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे मिलिट्री का प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था, तो युद्ध के टाइम पर उन्होंने उनकी तरफ से जनरल ब्रेडॉक को अपनी दो रेजिमेंट के साथ भेजा। वो कूच करते हुए मैरीलैंड के फेडरिक टाउन भी आ पहुंचे। मैं अपने बेटे के साथ जनरल को मिलने फेडरिक टाउन पहुंचा तो देखा कि वो लोग वर्जीनिया और मैरीलैंड से लोगों के आने का वेट कर रहे थे। उनके लोग इन दो प्रदेशों में घोड़े से चलने वाली गाड़ी लेने गए थे जो कि युद्ध में यूज आने वाली थी। मैं जनरल के साथ 7 दिन रहा और उनके मन में फिलाडेल्फिया के प्रति जो हीन भावना थी उसे दूर किया। आखिर 7 दिन बाद जब उनके लोग वापस आए तब पता चला कि उनको सिर्फ 25 गाड़ियां मिली थी जो कि बहुत कम थी। जनरल ने मुझसे पूछा कि मैं उनकी कोई हेल्प कर सकता हूँ। मैं हेल्प करने को तैयार था, पर जो सिटीजन्स अपनी गाड़ियां देंगे उनको बदले में क्या मिलेगा, इसका तय होना जरूरी था। मैंने एक पंपलेट के माध्यम से एडवर्टाइजमेंट जारी किया। उसमें कुछ इस प्रकार की बातें थी कि कैसे जनरल ब्रेडॉक सेंट्रल मिनिस्ट्री की ओर से अपनी आर्मी के लिए लड़ने के लिए आए हैं और मैं उनके साथ पिछले 1 वीक से हूं। इसके अलावा मैंने गाड़ियां, घोड़े और घोड़ों के साथ आने वाले आदमियों को कितने पैसे मिलेंगे उसकी इन्फॉर्मेशन दी। उसके बाद कितने पैसे उनको पहले मिलेंगे और कितने बाद में उसकी भी इन्फॉर्मेशन दी। अंत में मैंने सभी जानकारी देकर अपना साइन किया और इस काम के लिए अपने बेटे को भेजा। एक्सपेक्टेशन बस इतनी थी कि लोग हमारी कंडीशन समझेंगे। उसके बाद मैंने लैंगस्टर, न्यूयॉर्क और क्यूम्बरलैंड की असेंबली को भी लेटर लिखा। मैंने उसमें बताया कि कैसे जनरल ब्रेडॉक अपनी पल्टन के साथ सिर्फ इसलिए रुके हुए थे क्योंकि उनके पास जरूरी गाड़ियां और घोड़े नहीं थे। अगर आप लोग यानी देश के असेंबली के मेंबर्स सही मात्रा में हेल्प करना चाहते हैं तो इन गाड़ियों और घोड़ों को लाने वाले उन मालिकों को जो एडवांस पैसे देने हैं उनकी व्यवस्था करें। ये पैसे आगे जाकर आपको वापस से राजघराने के खजाने से मिल जाएंगे, पर अभी अगर आपने ये व्यवस्था नहीं की तो आपकी सेंट्रल मिनिस्ट्री की ओर वफादारी पर शक किया जाएगा। मुझे थोड़े दिनों में 800 पाउंड्स मिल गए जो कि सब गाड़ियों के मालिकों को एडवांस देने में चले गए। पैसे अभी भी कम थे तो इसलिए उसमें मैंने अपने 800 पाउंड्स और मिला दिए। पर यह देखकर मेरा मन बहुत खुश हुआ कि हमें कुल 150 गाड़ियां और 259 घोड़े मिल गए। सिर्फ 2 वीक में ही पूरी आर्मी आगे के लिए कूच करने लगी। जब मैं कैंप में था मैंने जनरल डनबर के साथ समय बिताया। एक बार खाना खाते वक्त उन्होंने बताया कि कैसे उन्हें खाने के सामान के लिए इधर उधर घूमना पड़ता है क्योंकि शहर इस जगह से बहुत दूर था और जाने आने के लिए जंगल पार करना पड़ता था। मैंने दूसरे ही दिन असेंबली कमेटी को लेटर लिखा। उनके पास कुछ टैक्स से जमा हुए पैसे थे जिसको खर्च करने का टाइम आ गया था। मैंने जरूरी खाने के सामान की एक लिस्ट बनाई और बेटे के साथ भेज दी। मेरे बेटे को कैंप में रहने का अच्छा एक्सपीरियंस था। उसने शहर जाकर लेटर दिया। वहां से कुछ ही समय में पूरे 20 पैकेट आए जिसमें खाना बनाने का सामान था। इसके लिए जनरल ब्रेडॉक मेरी तारीफ करते थकता नहीं था। मैंने थोड़े समय तक जनरल ब्रेडॉक को देखा। वो बहुत बहादुर था पर उसमें जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास था। वो लोगों की या अपने सैनिकों की भी बात नहीं सुनता था, जो अपने मन की हो वही करता था। उसने यूरोपियन देशों में सोल्जर के नाते अच्छे से नाम कमाया था पर इंडियन और अमेरिकन लोगों में उसका नाम बहुत खराब था। एक बार जॉर्ज क्रोगन नाम से एक नेटिव अमेरिकन जनरल उनके साथ जुड़े थे। वो अपने साथ 100 सैनिकों को भी लेकर आए। उससे जनरल ब्रेडॉक को बहुत ज्यादा फायदा होता पर उसके गर्म मिजाज की वजह से जॉर्ज ने उसका साथ छोड़ दिया। उसके साथ बात करते हुए उसने मुझे बताया कि एक बार वो ड्यूक्सन फोर्ट को जीत ले फिर वो नायग्रा की ओर कूच करेंगे और उसको जीतने के बाद फ्रोंटेक की ओर जाएंगे। मैंने इस रास्ते के बारे में पढ़ा था कि कैसे वो झाड़ियों से घिरा है और एक नैरो स्ट्रीट जैसे रास्ते के रूप में आगे जाता है और ऊपर से एक बार फ्रेंच सैनिकों की इस पर करारी हार भी हुई थी। मैंने उनके सामने चिंता जाहिर की पर उसने मुझे सीरियसली नहीं लिया और उसी पुराने ईगो से बोला कि वो तुम्हारे जैसे नौसिखिए सैनिकों के लिए हार्ड होगा पर राजघराने की ट्रेनिंग लिए हुए हमारे जैसे सैनिकों के लिए कोई मुश्किल नहीं है, पर युद्ध की बात तो और ही होती है। मैंने जिस जगह के बारे में चिंता व्यक्त की थी वो लोग उस जगह पर जा पहुंचे। सेना के पहले भाग ने नदी को पार कर लिया और दूसरा भाग जब तक नदी पार करे तब तक दुश्मनों ने इसका फायदा उठाकर दुश्मनों ने झाड़ियों में से तीर और आग के गोले बरसाए।
हमारे सैनिक अचानक से हुए हमले की वजह से बिखर गए और किसी को कोई ऑर्डर नहीं मिला कि क्या करना है। जिनकी गाड़ियां जलने लगी वो सिर्फ घोड़े लेकर भागने लगे और सामान वहीं छूट गया। उसके बाद लड़ाई में जनरल घायल हो गया और 86 ऑफिसर्स में से 63 ऑफिसर्स मारे गए। 1100 सैनिकों में से 700 सैनिकों की मौत हुई। बची हुई सेना वापस लौटने लगी और जनरल डनबर ने जहां अपनी पलटन रोकी थी वहां पहुंचा। उन्होंने जनरल डनबर के सैनिकों को पूरी गाथा सुनाई। जनरल डनबर ने अपनी कूच पीछे की तरफ से चालू की और पेंसिल्वेनिया का रास्ता बिना रुके तय किया। हमें पता चला कि जिस फ्रेंच पल्टन ने ब्रेड डॉग को हराया था उसमें मुश्किल से 400 लोग थे। हमारी सेना की यह हालत देख हमें पता चला कि ब्रिटिश सेना की ताकत को हम जितना बड़ा मानते थे वो उतनी है नहीं। हमें और मेहनत करने की जरूरत है। क्या हम इस हार से सीख पाएंगे या फिर वही गलतियां दोहरा कर युद्ध में हार जाएंगे? युद्ध में हमेशा देश की जीत होती है और लोगों की हार, चाहे वो किसी भी पक्ष से लड़ रहे हों। मैंने जैसा बताया कि हमारी सेना की पहली ही लड़ाई में करारी हार हुई और वो वापस लौट आए, पर वापस फिलाडेल्फिया लौटने पर उन्होंने अपने ही लोगों पर जुल्म करने चालू कर दिए। उन्होंने कई गरीब परिवारों को लूटा और लोगों को मारा भी। उनसे अच्छे तो मुझे फ्रेंच सैनिक लगे। जब 1731 में वो फिलाडेल्फिया के पास से गुजरे थे तब इंसान तो क्या एक जानवर या फल के गायब होने तक की न्यूज नहीं आई थी। जनरल ब्रेड डॉग के पास कुछ पेपर्स थे, वो दुश्मनों के हाथ लग गए। उन्होंने वो लेटर्स न्यूज़पेपर में छापे और बताया कि कैसे ब्रिटेन सरकार और देशों के लिए खतरा बनकर आगे बढ़ रही है। उनमें से कुछ लेटर्स मैंने देखा कि जनरल ब्रेड डॉग ने मेरे बारे में मंत्रालय को अच्छी चीजें लिखी थी। ये देखकर मुझे खुशी हुई। डेविड हम जो कि फ्रांस में एक सेक्रेटरी था उसने भी मुझे बताया कि कैसे कुछ लेटर्स में जनरल ने मेरी तारीफ की है। मैंने उसका फायदा उठाते हुए कहा कि हमारे सैनिक जो आपने कैद किए हैं उसमें से कुछ खरीदे हुए भी हैं। उनसे रिक्वेस्ट की कि उनको छोड़ दें। मेरी रिक्वेस्ट की वजह से कुछ लोग छूटे भी, पर यही बात जब मैंने अपने जनरल डनबर से की तो उसने मेरी बात नहीं मानी और 3 किसान जो कि सैनिक के लिए भर्ती हुए थे उनको नहीं छोड़ा। मुझे यह देखकर बड़ा दुख हुआ। अब परेशानी ये हुई कि सबको पता चल गया कि युद्ध में गाड़ियों और घोड़ों का नुकसान हुआ है, तो उनके मालिक मेरे पास आए अपना पैसा वापस लेने के लिए। मैंने उनको समझाया कि पैसे वापस करने का ऑर्डर जनरल शर्ली के पास है, पर कोई मानने को तैयार नहीं था। कुछ लोग ने तो मुझ पे केस भी कर दिया। आखिर जनरल शर्ली का लेटर मिला और लोगों को पैसे चुकाने का ऑर्डर भी। पैसे लोगों को मिले और मैंने अपने आप को फ्री पाया। जब तक हम युद्ध में हारे नहीं थे और मैं शहर में था, 2 डॉक्टर मेरे पास आए और उन्होंने बड़ा सा फायर वर्क करने के लिए मदद की मांग की। मुझे असमंजस में देख उन्होंने बताया कि हमारी सेना ड्यूक्सन फोर्ट की ओर बढ़ रही है और जीतने पर हम आतिशबाजी करेंगे। मैंने उनको रोका तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मुझे विश्वास नहीं है कि हमारी सेना फोर्ट जीतेगी। मैंने जवाब दिया कि मुझे विश्वास है, पर युद्ध में कुछ अनसर्टेनिटी भी होती है। उन यंग लोगों को ये बात समझ नहीं आई और मुंह बनाते हुए चले गए। अभी शहर की कंपनियां इस युद्ध की स्थिति के साथ चलना सीख रही थी और मुझे गवर्नर की ओर से ऑर्डर मिला कि मैं नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर को संभालूं। मैं इसके लिए कैपेबल नहीं था, फिर भी मैंने ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। गवर्नर ने मुझे अपने हाथ में पावर दी और मुझे मेरे लोग चूज करने की आजादी भी दी। मैंने अपने बेटे को अपना असिस्टेंट बनाया। मेरे बेटे ने कैनेडा के खिलाफ युद्ध में अपनी एक रेजिमेंट को संभाला था और उसे युद्ध का अच्छा एक्सपीरियंस था। मैंने अपने अंदर 650 लोगों को चुना और गैदनहट की ओर चल दिया। गैदनहट को नेटिव अमेरिकन ने जला दिया था और वहां के लोगों को भी मारा। हम वहां बॉर्डर लाइन बनाने के लिए जा रहे थे। मैंने अपने लोगों को बेतलहम से इकट्ठा किया और मैं ये देखकर चौंक गया कि वहां के लोग कितने ब्रेव और अवेयर हैं। गैदनहट की दुर्घटना की घटना सुनकर पूरा गांव अलर्ट हो गया था। शहर की बड़ी बिल्डिंग ऊंचे खंभों से सिक्योर कर ली गई थी, तो गांव वालों ने न्यूयॉर्क से नई गन्स भी खरीद ली थी। इतना ही नहीं, घर की खिड़कियों पर पत्थर रखे गए थे ताकि समय आने पर बच्चे और औरतें भी अपने तरीके से फाइट कर सके। मैंने वहां ये भी देखा कि चर्च के मेंबर्स भी अपने हिसाब से लड़ने के लिए तैयार थे। मेरे पूछने पर उन्होंने बताया कि उनका काम है अपने एरिया की रक्षा करना। मुझे यह सुनकर आश्चर्य हुआ और खुशी भी। जब हम बेथलेहम से गैदनहट जाने के लिए निकले तो मूसलाधार बारिश हुई। हम पूरी तरह से भीग गए और कहीं बीच में कोई घर नहीं था कि हमें शेल्टर दे सके। हमारी बंदूकें भी भीग चुकी थी। तभी हमें एक जर्मन आदमी का घर दिखा। हमने शेल्टर लिया। दुश्मनों को हम पर हमला करने का यह अच्छा मौका था, पर ऐसा हुआ नहीं।
दूसरा दिन साफ था। हम गेदनहट आ पहुंचे। हमें वहां लकड़ी की सौ देखने को मिली और सबसे पहले हमने अपने लिए झोपड़ियां बनाकर रहने की व्यवस्था की। अब बारी थी कटघरे की। दूसरे दिन हमने नाप लिया, 455 फीट के घेरे का बड़ा सा सर्कल बनाना था और उस कटघरे को बनाने के लिए लकड़ियां चाहिए थी। हमारे आदमी जुट गए, कुल्हाड़ियों के एक के बाद एक वार और पाइन के पेड़ नीचे गिरते जाते। हमने सर्कल के चारों तरफ पाइन की लकड़ियों से बड़ा सा घेरा बनाया और ऊपर से उसे जोड़ दिया। हमारे पास घोड़े और गाड़ियां थी जो लकड़ियां लाने के काम आती थी। जैसे ही ये रेडी हो गया, हमने ऊपर की ओर एक बड़ा सा स्टेज बनाया जहाँ से दूर तक क्लियर दिखता था। वहाँ एक कॉर्नर में बंदूक और दूसरे कॉर्नर में घूमने वाली बंदूक लगाई जो दुश्मनों को आगाह करने के लिए होती है। हमने इतने पेशेंस और हार्ड वर्क से काम किया कि हमारा ये कटघरा सिर्फ एक वीक में ही रेडी हो गया। जैसा फोर्ट हमने बनाया था वो नेटिव अमेरिकन से लड़ने के लिए काफी था क्योंकि उनके पास तोपे नहीं थी। कटघरा बनने के बाद हमने आस पास के गाँव में पेट्रोलिंग शुरू कर दी पर हमें कोई दुश्मन नहीं दिखा। बाद में पता चला कि वो कैसे छुपते हैं। वो जमीन पर आग नहीं जलाते कि कहीं दूर से कोई देख ना ले। वो एक बड़ा गड्ढा बनाते हैं और उसमें आग जलाते हैं, फिर उस गड्ढे के आसपास ऐसे लेटते हैं कि उनके पैर गड्ढे के ऊपर ही रहे। हमें जब सुबह के वक्त उनके शरीर के निशान ऐसे गड्ढों के सामने मिलते तब पता चलता कि रात उन्होंने यहाँ गुजारी थी। मैं उनकी ये तकनीक देखकर काफी इम्प्रेस हुआ। मैंने अभी फोर्ट का काम खत्म ही किया था कि मुझे फिलाडेल्फिया से बुलावा आ गया कि मुझे असेंबली में हाजिर रहना है। मेरे दोस्त के भी काफी लेटर्स आ चुके थे कि मुझे असेंबली में वो चाहते हैं। वैसे भी मैं जो काम करने आया था वो पूरा हो गया। गांव वालों को भी अब सेफ फील हो रहा था। कर्नल क्लैप हैम जो एक अनएक्सपीरियंस्ड जनरल थे उनको मैंने यहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप दी और निकल गया। कर्नल मुझे बैतलहम तक छोड़ गए। बैतलहम में मैंने मोरोवियन लोगों की जिंदगी और कल्चर देखा। वो सिंपल घरों में रहते, सिंपल कपड़े पहनते और सिंपल खाना खाते। उनके शादी करने का तरीका भी अलग था। मुझे इस कल्चर ने काफी इंप्रेस किया। फिलाडेल्फिया वापस आने पर मैंने देखा कि लोगों में सेना में भर्ती होने का उत्साह बढ़ रहा था। लोकल लोग अपने आप ही भर्ती होकर अपना रेजिमेंट बना लिया करते। उन्होंने अपना कप्तान और लेफ्टिनेंट भी चुन लिए। उसके बाद जो ऑफिसर्स की मीटिंग हुई उसमें मुझे कर्नल चुना गया। मैंने प्रपोजल बना लिया। हमने कुल 1200 यूनिफॉर्म में सजे हुए और बंदूक लिए सैनिकों के साथ कूच की। पहली बार जब मैंने अपने रेजिमेंट के साथ कूच की तो वो लोग मुझे मेरे घर तक छोड़ने आए और मेरे ऑनर में हवा में बंदूक भी चलाई। इससे जुड़ा एक मजेदार किस्सा भी है। एक बार मुझे वर्जीनिया जाना था तो मेरे कर्नल होने के नाते मेरे ऑफिसर्स को ये लगा कि मुझे सम्मान के साथ बॉर्डर तक छोड़ना चाहिए। लगभग 40 लोग घोड़े पर सवार और अच्छे से यूनिफॉर्म में मेरे घर के सामने इकट्ठे हुए, पर हद उन्होंने तब कर दी जब मेरे घर से बॉर्डर तक हाथ में खुली तलवार लेकर चले। इसका आगे जाकर असर ये हुआ कि प्रॉपर टियर को बहुत गुस्से कहा कि हमें जनरल डर्बन को ज्यादा पावर देनी चाहिए और ड्यूक्सन फोर्ट की ओर भेजना चाहिए, पर गवर्नर कुछ और सोच रहे थे। उन्होंने मुझे जनरल बनाने का प्रपोजल रखा। मुझे मिलिट्री स्किल की कोई नॉलेज नहीं थी इसलिए मैंने ना बोल दिया। उनको मेरी स्किल से ज्यादा मेरे दिमाग पर भरोसा था, पर मेरे ना बोलने के कारण वो प्रोजेक्ट बंद कर दिया गया। यहां से आगे मैं और मेरे पब्लिक अफेयर के बारे में और बताऊंगा, पर उससे पहले बीच में मैं मेरे फिलोसफिकल और इलेक्ट्रिकल ब्रांच के रेपुटेशन के बारे में भी बताना चाहूंगा। 1764 में जब बोस्टन में मैं था, डॉक्टर स्पेंस ने मुझे इलेक्ट्रिसिटी के कुछ एक्सपेरिमेंट दिखाए। वो इतने परफेक्ट नहीं थे, फिर भी वो मुझे इंप्रेस करने में सफल हुए। उसके बाद जब मैं फिलाडेल्फिया आया, हमारी लाइब्रेरी को मिस्टर कॉलिसंस की ओर से ग्लास ट्यूब गिफ्ट में मिली। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने सारी चीजें पढ़कर और बार बार एक्सपेरिमेंट करके ग्लास ट्यूब में इलेक्ट्रिसिटी के प्रयोग करने सीख लिए। कई दिन तक मेरे घर पर देखने वालों की भीड़ लगी रही। मैंने मिस्टर कॉलिसंस को पत्र लिखा अपनी सफलता के बारे में। उसके साथ मैंने कई लेटर्स इस बारे में भी लिखे कि कैसे मैंने ये सब किया। मैंने उनको इलेक्ट्रिसिटी से कैसे लाइट जनरेट कर सकते हैं उसके बारे में भी लिखा। पहली बार जब इसको रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन में पढ़ा गया तब लोग उस पर हंसे भी थे, पर डॉक्टर फोथेर गिल को उसमें कुछ दिखा और उन्होंने उसके लिए प्री फेस लिखकर मिस्टर कॉलिसंस को छापने को कहा। उन्होंने उसके पंपलेट छपवाए और वो बड़ा फेमस हुआ। उसका फेम इंग्लैंड में फैलने से पहले मेरी एक किताब एक फ्रेंच फिलोसोफर काउंट दे बुरफो के हाथ में पड़ी और उसने उसका ट्रांसलेशन फ्रेंच में करवाया। अब बात यह हुई कि अबे नॉलिट नाम के एक फ्रेंच फिलोसोफर और वैज्ञानिक के हाथ में यह किताब आई। उन्होंने खुद थियरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नाम से बुक लिखी थी और वो विश्वास ही नहीं कर पाए कि कोई अमेरिकन ऐसा कर सकता है।
पर जब उनको मेरे बारे में पता चला, उन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाते हुए कई पेपर्स छपवाए। मैंने एक बार उसको जवाब देने के लिए लिखने की सोची, पर फिर मेरा मन बदल गया और मैंने अपने एक्सपेरिमेंट पर ध्यान देना ज्यादा सही समझा। मेरी यह किताब इटालियन, जर्मन और लैटिन में भी ट्रांसलेट हुई। सभी लोगों ने मेरी इस किताब को पसंद किया। कैसे इस रिसर्च ने मुझे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान दिया और लोगों को प्रेरित किया। मेरे पब्लिक अफेयर ने मुझे सिर्फ फिलाडेल्फिया में फेम दिलवाई थी, पर इलेक्ट्रिसिटी पर इस बुक ने मुझे हर जगह फेमस कर दिया। इस किताब में भी सबसे ज्यादा अगर किसी आर्टिकल ने ध्यान खींचा तो वो मेरा बादलों में कड़कने वाली बिजली से इलेक्ट्रिसिटी खींचने का था, जो मैंने एक पतंग की हेल्प से किया था। यह एक्सपेरिमेंट पहले मिस्टर डली बर्ड और मिस्टर दे लोर एट मार्ले भी कर चुके थे। उसके बाद मैंने ये एक्सपेरिमेंट राजा के सामने भी किया था, पर उनके साथ एक नाम और भी चलता था, फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट के नाम से। मेरे इस एक्सपेरिमेंट के सक्सेसफुल होने से इलेक्ट्रिसिटी की हिस्ट्री में मेरा नाम भी जुड़ चुका था। इंग्लिश फिजिसिस्ट डॉक्टर राइट जब पेरिस में थे, उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट की बड़ी तारीफ सुनी। उन्होंने वापस ये लेटर लिखा कि यहाँ इंग्लैंड में हमारे सिटीजन यानी कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो सफलता हासिल की है उसकी इतनी तारीफ नहीं होती। लोगों का ध्यान इस लेटर की वजह से इस एक्सपेरिमेंट पर आया और मुझे इंग्लैंड भेजा गया। वहां मिस्टर कैंटन ने यह वेरीफाई किया कि लोहे की रॉड से बिजली कड़कने के समय इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है और मेरी वहां एकदम से रिस्पेक्ट बढ़ गई। मुझे सोसाइटी ऑफ लंदन का मेंबर बनाया गया और एक मेडल देने की भी घोषणा की गई। वो मेडल था सर गॉडफ्रे कोपिल अवार्ड का 1753 का गोल्ड मेडल। मेरे लिए वो सबसे बड़ा सम्मान था। मेडल देते समय प्रेसिडेंट लॉर्ड मैक्लिसफील्ड ने स्पीच भी दी। कप्तान डैनी हमारे नए गवर्नर मेरा स्वागत यहाँ फिलाडेल्फिया में भी करना चाहते थे। वो खुद रॉयल सोसाइटी से ये मेडल लेने गए और यहाँ सबके सामने मेडल पहनाकर मेरा स्वागत किया। उसके बाद जब डिनर का वक्त हुआ तभी गवर्नर मुझे अकेले में ले गए और मेरी तारीफ करते हुए बोले कि उनके सारे दोस्त बस यही कहते रहते हैं कि अगर मुझे काम अच्छी तरह से करना है तो बेंजामिन फ्रैंकलिन को साथ रखूं और सारे डिसीजंस भी उससे डिस्कस करके ही लूं। फिर उन्होंने मुझे कहा कि अगर मैं उनका हर चीज में साथ दूं तो वो मेरा प्रॉफिट भी करवाएंगे उतना जितना उनके हाथ में हो। मैंने बड़ी ही सफाई से उनके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया और कहा कि मैं पब्लिक का सर्वेंट हूं और उनके फायदे के लिए होने वाले हर डिसीजन में आपका साथ दूंगा। उसके बाद जब भी वो कोई प्रपोजल असेंबली में रखते तो मैं उसे बहुत ही अच्छे से इंस्पेक्ट करता और अगर सब अच्छे के लिए हो तो मैं उनका साथ देता। मेरा उनसे कभी झगड़ा हुआ, हम जब भी मिलते बहुत अच्छे तरीके से हमारी बात होती। उस दौरान असेंबली को ये लगा कि सेंट्रल मिनिस्ट्री उनके ऊपर कुछ ज्यादा ही प्रेशर डालती है, तो उन्होंने एक पिटीशन तैयार की जिसमें लोगों के हित और असेंबली के राजा के प्रति लॉयलिटी का भी ध्यान रखा गया। मुझे इसे राजा के पास लेकर जाना था। मैंने न्यूयॉर्क जाकर ये पिटीशन पहुंचा दी और वहां से लॉर्ड लोउडोन फिलाडेल्फिया आए। वो मुझसे और गवर्नर से मिले। गवर्नर ने असेंबली की बात उनके सामने रखी। उन्होंने असेंबली की बात तो मान ली लेकिन जाते हुए ये कहते गए कि वो राजा की ओर से हमारे रिप्रोटेक्शन में कोई सेना नहीं भेज सकते, हमें हमारा बचाव खुद ही करना होगा। इस टाइम पर इन सब कामों में उलझकर मैंने अपनी पैकेट बोट को भी मिस कर दिया। मुझे उसमें बैठकर निकलना था। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय इसके कि मैं लॉर्ड लोउडोन से मदद मांगूं। उन्होंने मुझे कहा कि अगर मैं 2 दिन में न्यूयॉर्क पहुंच जाऊं तो मैं वहां से पैकेट बोट पकड़ सकता हूं। मुझे जाने में थोड़ा लेट हो गया पर पैकेट बोट अभी तक निकली नहीं थी और मुझे वहां जाकर पता चला कि 2 पैकेट बोट पोर्ट पर खड़ी हैं, पर वो सिर्फ जनरल के लेटर्स के लिए रोक के रखी हुई हैं। जनरल के लेटर के चक्कर में हम पोर्ट पर कई दिनों तक रुके रहे। लोग इतने उतावले हो चुके थे कि वह पोर्ट पर ही बस गए। मुझे इस बीच एक मैसेंजर भी मिला जो मेरे लिए फिलाडेल्फिया से चिट्ठी ले आया था। उसने बताया कि जनरल की चिट्ठी का सब इंतजार कर रहे हैं और वो कब आएगी किसी को पता नहीं। आखिरकार 6 वीक बाद पैकेट बोट को जनरल का आदेश मिल गया। हम वहां से रवाना हुए। बाकी की 2 बोट अभी भी वहीं खड़ी थी। मैं लंदन में कप्तान बोनवेल को मिला जो ऐसी ही एक पैकेट बोट को चला कर आए थे। उन्होंने मुझे बताया कि उनकी एक शिप पड़े रहने की वजह से इतनी खराब कंडीशन में चली गई थी कि वो एक फिक्स्ड स्पीड से ज्यादा नहीं जा सकती थी। उन्होंने लॉर्ड जनरल से कहा कि वो अगले दिन पोर्ट से नहीं निकल सकते। उस पर जनरल ने आदेश दिया कि वो अगले दिन ही निकलेंगे और उनको बोट भी क्लीन करके पहले जैसी करनी पड़ेगी। कप्तान ने सिर्फ 1 दिन में पूरी बोट को क्लीन किया और आगे की ओर चल पड़े।
उनमें से एक सवार इतना इरिटेट हो गया था कि उसने केस करने की धमकी दे दी, पर आगे उसके बारे में कुछ सुनने को नहीं मिला। जब मैं न्यूयॉर्क पोर्ट पर बोट के निकलने का इंतजार कर रहा था, मेरे पास वो सारे खर्चे की रिपोर्ट आई जो मैंने जनरल ब्रेड डॉग को मदद के लिए दिए थे। असेंबली ने इस रिपोर्ट को सबमिट करने की मांग की थी। मैंने रिपोर्ट्स लॉर्ड लोडून के सामने पेश किए। उन्होंने कहा कि सारे रिपोर्ट्स की सही से जांच होगी और उसके बाद ही पैसे दिए जाएंगे। उन्होंने रिपोर्ट को चेक करने के लिए एक अफसर को लगा दिया। मैंने बीच बीच में कई बार अफसर से मीटिंग करने की मांग की, पर कभी मिल नहीं पाया। जब मेरे जाने का टाइम आया, तब मैंने लॉर्ड को जोर देकर कहा कि मैंने अपने खुद के पैसे भी इसमें लगाए हैं। तो लॉर्ड ने मेरी ओर सख्ती से देखा और कहा कि ऐसे वॉर के टाइम में लोग अपने खुद के पैसे भी सरकार के एक्सपेंस में जोड़ देते हैं और वो ये होने नहीं देंगे। मुझे सुनकर आश्चर्य हुआ, क्योंकि मैंने ये दूर दूर तक सोचा नहीं था। हमारी पैकेट बोट जब निकली तो हमारे कप्तान ने परेशानी जताई कि हम कितनी भी कोशिश कर लें पर हमारी स्पीड नहीं बढ़ रही है। उनको समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। बाकी की बोट हमसे तेजी से आगे जा रही थी। हमारे कप्तान ने अचानक से हम सबको आगे से हटकर बीच में आने के लिए कहा। हम 40 पैसेंजर्स बीच में आ गए। हम सबके आश्चर्य से हमारी बोट ने स्पीड पकड़ ली और धीरे धीरे आगे निकलने लगी। कप्तान का मानना सही था। सारे लोग के आगे की ओर खड़े रहने से बोट का फ्रंट पार्ट पानी के अंदर ज्यादा झुका था और उसे पानी के अगेंस्ट में ज्यादा स्ट्रेंथ लगानी पड़ रही थी। मुझे कप्तान की सूझबूझ देखकर खुशी हुई। हमारी बोट सबसे आगे निकल गई और कप्तान के मुताबिक तो 30 दिनों में ही हमारे पोर्ट फालमाउथ पहुंचने वाले थे। बस उसमें एक रात की देरी थी, पर उससे पहले एक संकट आना बाकी था। जहाज के आगे वाले हिस्से में एक आदमी बैठता है, उसे वॉचर भी कह सकते हैं। उसका काम यह रहता है कि आगे से आने वाले खतरे पर ध्यान दे, पर नींद की वजह से उसने देखा नहीं, किसी पैसेंजर ने बोट की लाइट में बोट की ओर आता हुआ कुछ देख लिया था। कप्तान तुरंत ही डेक पर आ गए। मैंने देखा कि एक बड़ा व्हील पानी में तैरता हुआ बोट से टकराने आ रहा था। कप्तान ने जोर से बोट को टर्न करने के लिए कहा। टर्न मुश्किल था, पर उन्होंने कर दिखाया। जब हम पास से गुजरे तब पता चला कि हम एक बड़े जहाज के स्क्रैप से टकराने वाले थे। दूसरे दिन सुबह फालमाउथ आने वाला था, पर फॉग ने उसको ढक रखा था। जैसे ही फॉग हटा, हम पोर्ट पर उतरे। वहां से मैं अपने बेटे के साथ लंदन के लिए निकल गया और 27 जुलाई 1757 को हम लंदन आ पहुंचे। लंदन में आते ही मैं मिस्टर फोथरगिल से मिलने चला गया, जिनसे मेरी अच्छी बनती थी। वो हमारे इस कंप्लेंट से नाराज थे। फिर मैंने जॉन बर्री का इंतजार किया, जो मुझे लॉर्ड ग्रिनविल से मिलवाने वाले थे। आखिर मैंने लॉर्ड ग्रिनविल के सामने अपनी असेंबली की बात रखी। उन्होंने मुझे क्लियर शब्दों में कहा कि तुम अमेरिकन लोग राजा के आदेशों को कानून नहीं मानना चाहते, पर आप ये बात जान ले कि कानून कोई 2 दिन में नहीं बने हैं। उन पे कई दिनों तक डिस्कशन हुआ। फिर आखिर में जब सबके सजेशंस ले लिए गए, उसके बाद राजा की साइन ली गई है। मैंने उनके सामने अपनी बात रखी, जो इससे बिल्कुल अपोजिट थी। मैंने कहा कि हमारी असेंबली हमारे लिए कानून बनाती है, फिर राजा की मंजूरी के लिए उसे यहाँ लाया जाता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हमारी जानकारी के बिना ही हमारे लिए राजा कानून बनाए। उनको मेरी बात अच्छी नहीं लगी, पर सच यही था। थोड़े दिन बाद मिस्टर फोथरगिल ने मुझे राजघराने की ओर से आने वाले आदमियों से मिलवाया। उन्होंने अपनी बात रखी और मैंने असेंबली की। हम दोनों कोई एक पॉइंट पर आना चाहते थे, पर मैंने फील किया कि दोनों पार्टियां कभी एक बात पर आती ही नहीं, क्योंकि हमारे हुनर और विचार दोनों ही एक दूसरे से बहुत अलग है। उन्होंने मेरे दिए हुए सारे रिपोर्ट, जो कि असेंबली की कंप्लेन थी, एक सॉलिसिटर के हाथ में रख दी। फर्डिनांड जॉन पेरिस नाम से वो सॉलिसिटर एक गुस्सैल और इगोइस्टिक आदमी था। मेरे विचार उससे कभी नहीं मिलते। राजघराने के आदमियों ने मुझे सिर्फ इतना बताया कि उनका सॉलिसिटर ही मुझसे बात करेगा, पर सॉलिसिटर का कुछ जवाब ही नहीं आया। उल्टा सॉलिसिटर ने असेंबली में मेरे खिलाफ लेटर भेज दिया कि मैंने उनसे रूड बिहेव किया। मुझे ये डर्टी पॉलिटिक्स अच्छी नहीं लगी और समझ भी नहीं आई। जब उनकी ओर से देरी हो रही थी, हमारे गवर्नर डेनी ने लॉ पास कर दिया कि राजघराने के अंदर आने वाले राज्यों को भी उतना ही टैक्स देना पड़ेगा जितना आम लोगों के राज्यों को देना पड़ता है। जब उनको ये पता चला, तब उन्होंने काउंसिल में हमारे खिलाफ केस कर दिया, वो भी सॉलिसिटर पेरिस के कहने पर। मैंने भी अपनी ओर से 2 लॉयर को सामने रखा और केस आगे बढ़ा। तभी अचानक से लॉर्ड मैंसफील्ड, जो कि एक जज थे, वो अपनी जगह से खड़े हुए और मुझे अकेले में ले जाकर पूछा कि क्या आपको नहीं लगता कि राजघराने के अंदर आने वाले प्रदेशों पर इससे अन्याय होगा। मैंने निडरता से उत्तर दिया, नहीं,
आगे उन्होंने मुझसे कुछ नहीं पूछा, वो अपनी जगह पर जाकर बैठ गए। उसके बाद ज्यूरी ने अपना फैसला सुनाया और कानून पास हो गया। हमें कानून में थोड़े बहुत बदलाव करने पड़े, पर आखिरकार हमारी जीत हुई। ज्यूरी ने मुझे मेरे देश के प्रति योगदान के लिए शुक्रिया अदा किया और ये मुझे सही मायने में मेरी जीत लगी। आज मुझे बस यहां तक ही लिखना है। मेरे दोस्त मेरा वेट कर रहे हैं, मेरी फैमिली मुझसे थोड़ा सा टाइम चाहती है और मेरे शहर के लोग आज भी मुझे रिटायर नहीं होने देना चाहते। पर अगर मेरी यहां तक की जर्नी देखकर आपको कुछ महसूस हुआ तो मैं अपना काम सफल मानूंगा। मेरे सफर में यहां तक साथ देने का शुक्रिया और सबको अपने देश के लिए योगदान देने के लिए अभी से बेस्ट विशेस। बेंजामिन फ्रैंकलिन की ऑटोबायोग्राफी में हमें बस यहां तक ही जानकारी मिलती है। आगे उनकी लाइफ के बारे में और लोगों ने बहुत कुछ लिखा है, पर ये बुक ऑडियो बुक यहीं समाप्त होती है।